ओके सीयर, अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेक्शन 35(ED) चल रहा था। सेक्शन 35(ED) मैंने क्या बताया था, इसमें अपने को 14 बिजनेस के नाम याद रखने पड़ेंगे, चार कंडीशंस और पांच नोट्स। और उसमें मैंने क्या बोला था, चार कंडीशंस की थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये पांच नोट्स अपने को करना बाकी है और ये 14 बिजनेस तो मैंने कल के लेक्चर बता ही दिए थे। ओके, अब सुनो, ये पांच नोट्स में से पहला नोट क्या है। सी, पहला नोट इज अबाउट बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो उन दिनों में तो माइनस नहीं हो पाया था, क्योंकि उन दिनों में अपना बिजनेस ही नहीं था। किन दिनों में, जब अपना बिजनेस सेटअप हो रहा था ना, उस वक्त अपना बिजनेस ऑपरेशनल नहीं था, तो ये सब खर्चे हम लोग पहले माइनस नहीं कर पाए। सी एग्जाम्पल में मैंने क्या अज्यूम किया है, पांच साल तक मेरा बिजनेस सेटअप भी हो रहा था, फिर एक्चुअली ऑपरेशनल कब हुआ, ईयर सिक्स में। ओके, लेकिन जब फाइव ईयर्स में मेरा जब बिजनेस सेटअप हो रहा था, उस वक्त मेरे कुछ खर्चे हुए थे, वो खर्चे मैं माइनस नहीं कर पाया था। और क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज बिजनेस ऑपरेशनल नहीं था। और सी, जब तक बिजनेस ऑपरेशनल नहीं होता, हम लोग वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बनाते, और जब स्टेटमेंट ही नहीं बना तो अपना ये सब खर्चा माइनस करना बाकी है। तो इसके लिए लॉ ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ था ना सेटिंग अप के दौरान, वो सब खर्चा तुमको एक साथ माइनस करने दे देंगे, लेकिन कब, जब तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होगा तभी। तो ये देखो, अपना सिक्स ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जब हम लोग पहली पहली बार जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये देखो मैंने स्टेटमेंट बनाया हुआ है, तो जब पहली पहली बार स्टेटमेंट बनाएंगे उस वक्त हम लोग पहले के सब एक्सपेंस एक साथ माइनस कर सकते हैं। और इधर ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम प्रीसीडिंग थ्री ईयर्स, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में तो क्या था, मैक्सिमम तीन साल का ही खर्चा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसी रिसर्च में तो क्या, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते करते रहते, तो बहुत बार टाइम पास भी हो जाता है, इससे लॉ ने बोला मैक्सिमम तीन साल का। लेकिन सी, यहाँ पर हमने ये पाँच सालों में रिसर्च थोड़ी की थी, इधर तो हम लोग बिजनेस को सेटअप कर रहे थे, और अगर कोई बिजनेस को सेटअप करने में पाँच छः साल लग गए तो लगे हैं, तो जो भी खर्चा है सब माइनस करने मिलेगा एक साथ। तो इन शॉर्ट, क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हो ना कि 35(ED) वालों ने बिजनेस तो अभी चालू किया है, लेकिन पहले उन लोग ने कुछ खर्चे किए थे बिजनेस को सेटअप करने के, तो वो सब पहले के खर्चे भी अपने करंट ईयर में माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। एंड सी, इधर देयर इज नो लिमिटेशन के तीन साल चार साल कितने भी साल का खर्चा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रोज, मेट्रो की गाड़ियां अभी चालू हुई है ना, तो मेट्रो ऑपरेशनल अभी हुआ है, लेकिन मेट्रो बनाने का काम तो काफी टाइम से चल रहा है, तो जो भी मेट्रो बनाने का सेटिंग अप का एक्सपेंडिचर है वो सब मेट्रो जब ऑपरेशनल होगी ना तब डिडक्शन अपने को मिलेगा। और मेट्रो की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए भी 35(ED) का डिडक्शन मिलता है। ओके, तो ये पहली नोट थी। दूसरी नोट सुनो, डिडक्शन हर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा एक्सेप्ट ये तीन चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सी तीन चीज, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सी, इस सेक्शन में क्या होता है, जो भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम लोग एक झटके में माइनस करते हैं ना, लेकिन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर की दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी टाइप का एसेट खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, लेकिन लॉ में तीन चीज के लिए खास मना किया है, लैंड का कॉस्ट वो माइनस नहीं करने मिलेगा, गुडविल भी माइनस नहीं करने मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी माइनस नहीं करने मिलेगा। रीजन क्या है, सी लैंड को गवर्नमेंट क्यों नहीं माइनस करने देती, क्यों, गवर्नमेंट लैंड को खर्चा ही नहीं गिनती है। खर्चा क्या होता है, जिसमें मनी स्पेंट इज लॉस्ट, लेकिन लैंड में क्या होता है, मनी स्पेंट इज नॉट लॉस्ट, इट इज ब्लॉक्ड। लैंड में जो भी पैसा डालेंगे ना, जिस दिन लैंड को बेचेंगे सारे पैसे अपने वापस आ जाएंगे, और जब अपने गए हुए पैसे पूरे वापस आ जाएंगे तो गवर्नमेंट उसको खर्चा ही नहीं मानती है, तो न मानेंगे उसको खर्चा, न मिलेगा उसका डिडक्शन। ओके, फिर गुडविल का डिडक्शन गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है गुडविल इज नॉट अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर। सी, ये 35(ED) वालों ने गुडविल का खर्चा क्यों किया होगा, इमेजिन जैसे 35(ED) में हॉस्पिटल बिजनेस है, तो अगर मैंने किसी हॉस्पिटल को टेक ओवर करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है, तो जब मैं टेक ओवर करता हूं तो सामने वाले की रेपुटेशन के लिए मैं गुडविल का पैसा देता हूं ना, गुडविल की कॉस्ट क्यों इंकर करते हैं। जब हम लोग किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं और वो रेप्यूटेड बिजनेस है, तो उसका हम लोग
गुडविल का पेमेंट करते हैं ना, लेकिन लॉ को लगता है गुडविल का पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। गुडविल का पेमेंट तुमने क्यों किया है? क्यों सामने वाला फेमस है, ब्रांडेड है, लेकिन हमको फेमस ब्रांडेड में इंटरेस्ट नहीं है। हमको देश में हॉस्पिटल चाहिए, होटल चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, वेयरहाउसिंग चाहिए, बिजनेस चाहिए। अब वो बिजनेस तुम रेप्यूटेड नाम पे चलाओ कि ऐसे ही सादे नाम पे चलाओ, उससे गवर्नमेंट बोलती है हमको कुछ लेना देना नहीं है। तुम गुडविल में फिजूल में खर्चा कर रहे हो। मतलब लॉ को लगता है गुडविल का खर्चा इज नॉट नेसेसरी। जैसे आज मैं हॉस्पिटल चालू करूँ, गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू श्री व्यास हॉस्पिटल चालू कर चलेगा। तेरे को कोई फेमस हॉस्पिटल को टेक ओवर करके उसके लिए गुडविल का पैसा उड़ाना ये वेस्टेज है। ठीक है, चॉइस तुम्हारी है। हम ये नहीं बोलते कि तुम टेक ओवर मत करो, लेकिन किसी को टेक ओवर करके उसकी रेपुटेशन के लिए पैसा देना, ये एक्स्ट्रा खर्चा करना है, फिजूल का खर्चा है, वो हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसका डिडक्शन नहीं देंगे। ओके, इसलिए लॉ फील्स के कॉस्ट ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड। तो ये हॉस्पिटल वाले, ये दो हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्यों बोला मालूम है ना, ये देखो अपने ये लोग है ना बिजनेस में, हॉस्पिटल होटल, इन बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट्स भी तो होती होगी ना। इन लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा आया तो शेयर्स में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स म्यूचुअल फंड भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन वो थोड़ी ना कोई बिजनेस से रिलेटेड है। एंड बिकॉज ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स म्यूचुअल फंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो तीनों का रीजन क्या था ना, देखो इसको तो गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं गिनती है। गुडविल खर्चा है लेकिन जरूरी नहीं है, ये खर्चा है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। देखा तीनों का रीजन, लैंड तो खर्चा ही नहीं है और गुडविल जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच इज नॉट नीडेड। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए ये तीन चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसका फुल कॉस्ट एक झटके में माइनस कर सकते हैं। तो सी, पांच नोट्स में से अपना नोट वन हो गया, सेकेंड नोट भी हो गया, थर्ड नोट सुनो। अगर हमने 35 एडी में कभी एसेट को बेचा है तो उसकी पूरी सेल प्राइस इनकम में ऐड हो जाएगी, फुल सेल प्राइस। सी, अकाउंट्स में अपने को आदत होती है कि कभी भी एसेट होता है तो उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करते और प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करते, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, पूरी की पूरी सेल प्राइस ट्रांसफर कर दो स्टेटमेंट में। कहां पर? ऊपर अंडर सेक्शन 28। क्योंकि सी, जब हमने ये 35 एडी में एसेट खरीदा था तो पूरा कॉस्ट भी तो माइनस कर लिया था। जब परचेस करते टाइम फुल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बेचते टाइम भी फुल सेल प्राइस ऐड होगा, ताकि ऑटोमेटिकली देखो नेट इफेक्ट प्रॉफिट का ही आएगा ना। कॉस्ट हम लोग माइनस कर देते पूरी पूरी और सेलिंग प्राइस को पूरा पूरा जोड़ देंगे तो नेट इफेक्ट अपने आप प्रॉफिट का आ गया। हाँ, ऑब्वियसली ये दोनों चीज सेम ईयर में नहीं होगी। कॉस्ट तो हमने कब इंकर की होगी? जब खरीदा तभी, उस साल माइनस किया होगा। और सेल प्राइस का इफेक्ट तो कब आएगा? जब बेचेंगे तब, वो ईयर अलग होंगे। ये तो खाली मैं तुमको फील देने के लिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग कॉस्ट इंकर करते तो कैसे पूरा पूरा माइनस कर देते, तो उसी तरह जब एसेट को बेचते हैं तो पूरी पूरी सेल प्राइस ऊपर इनकम में ऐड होगी अंडर सेक्शन 28। सी, इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका लो, देखो क्या है। लुक, नॉर्मल बिजनेस में एसेट का परचेज सेल होता है तो क्या इफेक्ट आता है, और 35 एडी में परचेज सेल होता है तो क्या इफेक्ट आता है? मतलब मैं परचेज सेल का इफेक्ट पूछ रहा हूं, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। तो नॉर्मल बिजनेस में एसेट की परचेज और सेल होती है ना तो ब्लॉक में एडजस्ट होता है। ब्लॉक बनाते हैं ना हम लोग, डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है, ओपनिंग WDV, एड परचेज लेस सेल, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो सी, नॉर्मल बिजनेस वाला कभी एसेट परचेज करता है या सेल करता है तो उसका स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आता है। उसमें तो क्या करते हैं, परचेज किया तो ब्लॉक में ऐड, सेल किया तो ब्लॉक में लेस, फिर उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट स्टेटमेंट में आता है। ये नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन 35 AD वालों के लिए तो ब्लॉक ऑफ एसेट से नहीं बनता है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम इज फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन इन लोग को डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है, इनको तो पूरी पूरी कॉस्ट का डिडक्शन मिल रहा है ना। तो अगर 35 AD वाला एसेट खरीदता बेचता है ना तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में इफेक्ट आ जाता है। परचेस किया तो फुल कॉस्ट माइनस, बेचा तो फुल सेल प्राइस ऐड अंडर सेक्शन 28।
ऐसे कंपेयर करके रखोगे तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, हाँ यार नॉर्मल बिजनेस में तो ब्लॉक में ही परचेज सेल एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इधर ब्लॉक ब्लॉक नहीं होता है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट दे दो। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट था। पांच पॉइंट पढ़ा नहीं मेरे को 35 AD की। तो पहला पॉइंट ये था, है ना, दूसरा पॉइंट ये था कि तीन चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तीसरा पॉइंट है सेल हुआ तो क्या इफेक्ट आता है। ओके, फिर चौथा पॉइंट सुनो, ऐसे धंधे में अगर लॉस होता है ना, कैसे धंधे में, ये 35 AD वाले, तो ऐसे धंधे का लॉस ऐसे धंधे की इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग उसमें कुछ लॉस हुआ तो उसको सेट ऑफ करना है, तो वैसा ही कोई बिजनेस होना चाहिए। और अगर वैसा बिजनेस आपके पास नहीं है तो वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन किसी आलतू फालतू धंधे में इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अरे सेट ऑफ का रूल होता है ना, यूजुअली एक लॉस हम लोग दूसरी इनकम में एडजस्ट करते हैं, लेकिन 35 AD वालों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि 35 AD के धंधे में लॉस हुआ ना, तो ऐसे धंधे का लॉस ऐसे धंधे की इनकम में एडजस्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मेरा कोल्ड चेन का भी बिजनेस है, कोचिंग क्लास का भी बिजनेस है, कोचिंग क्लास में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कोल्ड चेन के धंधे में भर भर के लॉस हो गया है। तो सी कोल्ड चेन के धंधे में लॉस हुआ है ना, तो उसको मैं ये प्रॉफिट के सामने एडजस्ट नहीं कर सकता। सी जनरली बिजनेस में लॉस होता है ना, हम लोग कहीं पर भी सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। जनरली बिजनेस में लॉस होता है ना तो उसको कहीं पर भी सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन वो जनरल बिजनेस का है। लेकिन 35 AD वालों के लिए क्या बोला है, एडी के सामने एडी चाहिए, मतलब एडी वाले धंधे में लॉस है तो एडी वाला इनकम ही चाहिए। तो जैसे ये कोल्ड चेन वाला बिजनेस 35 AD वाला ना, तो इसको सेट ऑफ करना चाहिए तो सामने 35 AD का ही बिजनेस होना चाहिए। तो टेल मी, मेरे पास तो कोचिंग क्लास का बिजनेस है और कोचिंग क्लास 35 AD में एलिजिबल नहीं है ना, तो ये मिलन नहीं हो सकता, ये मिलन मतलब ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्योंकि सी कोल्ड चेन के धंधे में लॉस क्यों हुआ है मालूम है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रिविलेज दिया है फुल कॉस्ट डिडक्शन का। अब वो फुल कॉस्ट डिडक्शन के कारण लॉस आया ना, अब वो स्पेशल प्रिविलेज कोचिंग क्लास को पास ऑन हो गया, तो कोचिंग क्लास की तो निकल पड़ी। इससे गवर्नमेंट ने बोला, भाई कोल्ड चेन तू थोड़ी वैल्यू कर, हमने तेरे को स्पेशल प्रिविलेज दिया है फुल कॉस्ट डिडक्शन का, और वो स्पेशल प्रिविलेज तू अपने तक ही सीमित कर, आलतू फालतू धंधों में पास ऑन मत कर देना। हाँ ठीक है, तेरे को लग रहा है कि मेरा लॉस कैसे एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर कर ले एडजस्ट, नेक्स्ट ईयर दिन, तो नेक्स्ट ईयर जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर, लेकिन फालतू धंधों में एडजस्ट मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारे धंधे में जो लॉस आया ना, इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिडक्शन ऑफ फुल कॉस्ट, और वो स्पेशल डिडक्शन का बेनिफिट दूसरों को पास ऑन मत करना। इसलिए ये वाले लॉस को मैं इधर एडजस्ट नहीं कर सकता। ओके, बट सी रिवर्स केस होता ना, रिवर्स रिवर्स मतलब कोचिंग क्लास के धंधे में लॉस होता। सी लॉस बन के सोचना चाहिए, कोचिंग क्लास में लॉस है मतलब ये स्पेशल बिजनेस का लॉस है कि नॉर्मल लॉस है, तो किधर भी एडजस्ट कर सकता हूँ एक्सेप्ट सैलरी, फिर किधर भी मतलब 35 AD में भी घुसेड़ सकता हूँ। सी लॉस कहाँ है वो देखना चाहिए। कितने लोग है ना लॉस के सेट ऑफ में घूम जाते हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि उन लोगों का सोचने का तरीका गलत होता है। सोचने का सही तरीका क्या है, लॉस बन के सोच। जैसे आज मैं तुमको बोल रहा हूं, होटल बिजनेस में लॉस है, हॉस्पिटल बिजनेस में लॉस है, तो लॉस 35 AD के धंधे में ना, हाँ तो 35 AD में एडजस्ट होता है। फिर कोई बोले केमिकल के धंधे में लॉस है, कपड़े के धंधे में लॉस है, ये तो नॉर्मल है, तो कहीं पर भी एडजस्ट करो एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सी सामने लॉस पड़ा है, इनकम पड़ा है, तो अपने को इनकम को नहीं देखने का, लॉस को देखने का, लॉस कहां पर है। अगर एडी के धंधे में लॉस है तो एडी में एडजस्ट होगा, और सादा धंधे में लॉस है तो किधर भी एडजस्ट होगा एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो ये देखो, ये सेट ऑफ तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो तो मैंने बताया था ना, अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो टेल मी, अगर कोल्ड चेन बिजनेस को वो सेम ईयर में एडजस्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके पास वैसा ही कोई धंधा होना चाहिए इस लिस्ट में से, इस लिस्ट में से जो कोल्ड चेन में तो लॉस करके बैठे हैं ना, इनमें से एक और कोई धंधा हुआ ना तो वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और ऐसा धंधा होना चाहिए ना, लेकिन वो एक और ऐसा धंधा नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड के भरोसे ही रहना पड़ेगा। तो सी मुझे पांच नोट्स पढ़ानी है ना, उसमें अपना
चार नोट्स हो चुका है, ओके, ये चौथा नोट था, पांचवी नोट सुनना। सी फिफ्थ पॉइंट क्या मालूम है, अगर तुमने 35AD के लिए कोई एसेट खरीदा है तो उस एसेट को उसी बिजनेस में यूज करना मिनिमम 8 साल। 35AD का बिजनेस बोल के मैंने अगर एसेट लिया है तो उसको मुझे उसी बिजनेस में यूज करना है मिनिमम 8 ईयर्स। और सी ये पॉइंट किसके लिए सूट हो रहा है मालूम है, जिसके दो दो तीन तीन बिजनेस है, तो उनको बोला भाई तू तो दो दो तीन तीन बिजनेस लेके बैठा है, तो अगर तूने 35AD के बिजनेस के लिए कोई एसेट लिया ना तो वो एसेट का उसी धंधे में डेडिकेटेड यूज करना, किसी दूसरे धंधे में यूज करना मत चालू करना। क्योंकि इससे कितने लोग क्या करते हैं ना, जो चीटिंग करते हैं, ये देखो, जैसे मान लो मेरा कोल्ड चेन का भी बिजनेस है, मैं चीटिंग करके बता रहा हूँ, देखो मेरा कोल्ड चेन का भी बिजनेस है, कोचिंग क्लास का बिजनेस है, तो मुझे अगर मेरी कोचिंग क्लास के भी एयर कंडीशन चाहिए ना, कोचिंग क्लास के लिए मुझे एयर कंडीशन चाहिए ना, तो मैं कोचिंग क्लास का बोल के नहीं लूंगा, क्योंकि कोचिंग क्लास का बोल के एयर कंडीशन लूंगा तो मुझे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, और डेप्रिसिएशन में मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा सा डिडक्शन मिलता है। इसलिए मुझे कोचिंग क्लास के लिए भी AC चाहिए ना, तो मैं गवर्नमेंट को झूठ मूठ का क्या बोलूंगा कि मुझे कोल्ड चेन के धंधे के लिए एयर कंडीशन चाहिए, और कोल्ड चेन का बोल के दूंगा तो मुझे फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, और फुल कॉस्ट के डिडक्शन में ज़्यादा फायदा होता है ना, तो लोग ये चीटिंग करते हैं। मतलब एक्चुअली चाहिए कोचिंग क्लास के लिए, लेकिन झूठ मूठ का क्या बोल रहे, हमको तो कोल्ड चेन के लिए एयर कंडीशन चाहिए था, तो फुल कॉस्ट डिडक्शन ले लेते हैं। एंड फिर बाद में ना वही एयर कंडीशन को बोला था कोल्ड चेन का, लेकिन यूज कर रहा है वो कोचिंग क्लास में, तो ये गड़बड़ हो गई ना। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला देख तू अगर कोल्ड चेन का बोल के AC लिया है ना, उसको उसी धंधे में यूज करना, और वो भी मिनिमम 8 साल के लिए। उसको कोई कोचिंग क्लास या फिर दूसरे धंधे में शिफ्ट कर दिया ना, तो फिर बाद में चमाट पड़ेगी। अब वो चमाट कैसे पड़ेगी बताऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने धमकी दे के रखी है, नहीं तो क्या सब लोग यही करेंगे ना, कोचिंग क्लास के लिए भी एयर कंडीशन चाहिए ना, नहीं हमें तो कोल्ड चेन के लिए चाहिए, कोल्ड चेन के लिए चाहिए, वो बोल के इन लोग पूरा पूरा डिडक्शन ले लेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल इस्तेमाल कोचिंग क्लास में हो रहा है, तो ये गलत होता है। तो इसलिए लॉ ने बोला है कि तू कोल्ड चेन का बोला ना, तो एक बार तेरे पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि तुझे कोल्ड चेन के लिए चाहिए ना, लेकिन आने वाले 8 साल में अगर पता चला कि तूने वो कोल्ड चेन वाला एयर कंडीशन कोचिंग क्लास में यूज करना चालू कर दिया, तो पता है क्या होगा, ये देखो, जो हमने कोल्ड चेन का बोल के फुल कॉस्ट डिडक्शन लिया होगा ना, ये देखो मैंने कोल्ड चेन के लिए एयर कंडीशन खरीदा था, मान लो 100 रुपये की कॉस्ट में, ये 100 रुपया उसकी कॉस्ट है, तो उसका मैंने स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में पूरा 100 माइनस कर लिया होगा। ये मैंने क्या बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो ये मैंने पूरा डिडक्शन ले लिया, और डिडक्शन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा भरोसा करके कि हाँ कोल्ड चेन का बोला है तो कोल्ड चेन के लिए यूज़ करेगा ना। अब किसके मन में क्या पाप चल रहा है गवर्नमेंट को थोड़ी मालूम, वो तो ट्रस्ट करके डिडक्शन दे दिया। लेकिन फिर बाद में देखो, चौथे साल में गवर्नमेंट को कहीं से मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, कि वो एयर कंडीशन जो कोल्ड चेन के नाम पे लिया था वो तो कोचिंग क्लास पे पड़ा है। अब तुम लोग ये सब मत सोचो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा। सी गवर्नमेंट को ये सब पता चलना बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट को क्या मालूम मेरा एयर कंडीशन यहाँ लगा के रखा है कि कोल्ड चेन में, किसको मालूम पड़ेगा, पता नहीं चलता है। लेकिन तुम लोग ये सोचोगे ना पता कैसे चलेगा, तो आगे सीख नहीं पाओगे। अपने को क्या समझ, अगर पता चला तो कानून क्या बोलता उसके लिए, अपने एज अ स्टूडेंट कानून पढ़ रहे ना, तो कानून पढ़ना है तो सोचो कि अगर पता चलो तो क्या होगा। बाकी 90% केस में गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं कोल्ड चेन का बोल के लिया हूँ, मेरे कोचिंग क्लास में AC पड़ा है, कौन देखने आएगा। लेकिन वो लाइन्स में मत जाओ, अपने को ऐसा सोचना है अगर गवर्नमेंट को पता चला तो। तो ये देखो, 3 साल में मस्त में कोल्ड चेन में यूज किया था, चौथे साल में मैंने क्या गड़बड़ किया ना, मैं वो कोल्ड चेन वाले ऑफिस में से एयर कंडीशन को निकाल के कोचिंग क्लास में लगा दिया, और मान लो गवर्नमेंट को पता चल गया, ओके, तो ऐसे केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, जो मुझे डिडक्शन मिला था रिवर्स कर देगी। गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू 35AD के लायक ही नहीं है, तूने 35AD का झूठ मूठ का एक्टिंग करके पूरा डिडक्शन ले लिया, लेकिन ये तू एयर कंडीशन तो कोचिंग क्लास में यूज कर रहा है, तेरे को बोला था ना कम से कम
वो एयर कंडीशन 8 साल के लिए कोल्ड चेन में ही डेडिकेटेड यूज होना चाहिए, और तू कोचिंग क्लासेस में एयर कंडीशन यूज कर रहा है, और कोचिंग क्लासेस हमारा कोई फेवरेट बिजनेस नहीं है, तो तूने गलत किया है, तो तेरे को क्या करेंगे, तेरा डिडक्शन हम रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स करेंगे मतलब ये देखो क्या हो जाएगा, जो अपने पहले माइनस किए थे ना वो हमारे स्टेटमेंट में वापस से एड बैक हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या बोले गवर्नमेंट कि तू 35 AD के लायक नहीं है, डेप्रिसिएशन के लायक है तू। अरे कोचिंग क्लास का धंधा 35 AD के लिए काबिल नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए तो हर धंधा काबिल है। अरे हर धंधे में फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन तो बनता ही है, तो गवर्नमेंट मेरा 35 AD छीन सकती है लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। मतलब ये स्टार्टिंग का जो 3 साल है ना, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कि अगर मैंने इतना तामझाम नहीं किया होता कोल्ड चेन के लिए, एयर कंडीशन से कोल्ड चेन के लिए शुरुआत से मैंने कोचिंग क्लास बोल के लिया होता तो मुझे डेप्रिसिएशन तो मिलता ना, तो मुझे अभी 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो 10% पकड़ के, जबकि एयर कंडीशन में बोल रहा हूँ तो 15% आता है, लेकिन ठीक है ना, एक बार 10% से निकालो ना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 10% डेप्रिसिएशन निकालो, 100 रुपये का एयर कंडीशन है, फर्स्ट ईयर में 10% मतलब 10 रुपये का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गया तो 90 बचा, 90 का 10% 9, फिर 90 में से 9 गया 81, 81 का 10% 8.1। तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये डेप्रिसिएशन अभी गवर्नमेंट क्यों दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे 35 AD के लिए बोल रही तू काबिल नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन के तो काबिल हूँ, तो 35 AD गवर्नमेंट रिवर्स कर देगी, बट डेप्रिसिएशन मुझे देना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने इधर क्या किया है, 3 साल का जो डेप्रिसिएशन आता है ना, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, वो टोटल करके मैंने इधर लेस किया देखो, और ये 100 जो एडबैक किया है वो तो पहले जो धोखे से डिडक्शन लिया था गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया। लेकिन ये सब कब होगा, ईयर 4 में, अज्यूमिंग ईयर 4 में गवर्नमेंट को पता चल गया मैंने क्या गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की थी, कोचिंग क्लास के अंदर एसी घुसेड़ दिया, जबकि वो लगाया था कोल्ड चेन के धंधे में, लेकिन वहां से एयर कंडीशन निकाल के कोचिंग क्लास में लगा दिया। पहले तो मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन पता चला तो मेरे साथ ये हाल होंगे, ओके। और सी अभी से क्या होगा उनमें, अभी से उस एयर कंडीशन में डेप्रिसिएशन मिलेगा, और उसको डेप्रिसिएशन के अंदर लेके आ गए ना हम लोग अभी, तो अभी तो मुझे हर साल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अभी मतलब ईयर 4 का डेप्रिसिएशन भी बाकी है अभी। हाँ सी ये मैंने 27.1 निकाला, वो क्या था, वो तो पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट कैलकुलेट करके दी। ये तो जो हो रहा है ना, ये तो पिछले 3 साल का करेक्शन है। 3 साल का करेक्शन मतलब पहले जो पूरा 100 माइनस कर दिया उसको रिवर्स कर दिया, और पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो अभी तक तो ये पिछले 3 साल का करेक्शन हो रहा था, लेकिन फोर्थ ईयर भी अपने आप में एक नया साल है, इस साल का तो अभी डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, तो वो अलग से मिलेगा, ओके। तो ये देखो ये 100 माइनस 27.1 है ना, कितना आता है, 72.9 बराबर ना, 100 माइनस 27.1 कितना, 72.9, तो ये 72.9 तो इधर ऐड हो जाएगा, ये तो पिछले 3 साल का करेक्शन है, प्लस मान लो ये फोर्थ ईयर का स्टेटमेंट है, तो फोर्थ ईयर का भी डेप्रिसिएशन तो अलग से मिलेगा ना अभी, और फोर्थ ईयर के अभी तो हर साल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन वही 72.9 के ऊपर 10% 7.29, अभी तो ऐसे हर साल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है मेरे को, ओके। लेकिन ये कब होगा, अगर मैंने 35 AD का बोल के कोई एयर एसेट लिया था, सी एयर कंडीशन तो ऐसे एग्जांपल था, कोई भी एसेट हो सकता है, 35 AD का बोल के लिया था, एंड फिर 8 साल के अंदर उसको कोई दूसरे धंधे में शिफ्ट कर दिया। सी शिफ्ट करते तो चमाट पड़ती है, बेचने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सी गवर्नमेंट कोई भी एंगल से ऐसा नहीं बोल रही है कि तू बेच नहीं सकता, अरे बेचने में मेरी मर्जी, आज अगर कोई एयर कंडीशन की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बेचना है तो बेच सकता हूँ, बेचने में गवर्नमेंट को कुछ एतराज नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम बेचोगे तो बेचने का तो इफेक्ट इनकम में आने ही वाला है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है बेचेगा तो बेच, लेकिन तू यूज करेगा तो उसी धंधे में यूज करना,
किसी दूसरे धंधे में उसका शिफ्ट हो गया ना, तो जिस ईयर दूसरे धंधे में शिफ्ट किया उस ईयर तेरे को चमाट पड़ेगी। मतलब तूने जो पहले 35 AD में डिडक्शन लिया था रिवर्स हो जाएगा और तुझे डेप्रिसिएशन दे देंगे। ओके, तो इसको तो मैं ना ऐसे ही बच्चों को बोलता हूँ ये डायलॉग याद रखो, बेचेगा तो बेच लेकिन यूजेगा तो उसी धंधे में यूजने का, यूज बेचेगा तो बेच लेकिन यूजेगा तो उसी धंधे में यूजने का मिनिमम 8 साल। और अगर किसी दूसरे धंधे में उसका यूज शिफ्ट किया यूज, तो फिर तेरे साथ ये वाली चीज होने वाली है। ओके, तो सी इसका छोटा MCQ वगैरह में किधर डाल सकते हैं, और MCQ में पूछेंगे कि ईयर 4 में विच व्हाट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सी टैक्सेबल क्यों बोला ना, क्योंकि ये देखो इसका नेट इफेक्ट क्या था, 72.9 ना, और ये अपने इनकम में ऊपर ऐड होता है ना, और कभी भी स्टेटमेंट में कुछ ऐड होता है तो बोलते हैं टैक्सेबल। तो एग्जाम में छोटा MCQ बना सकते हैं कि ईयर 4 में ऐसा ऐसा हुआ था, एंड फिर पूछेंगे ईयर 4 में कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, तो आंसर क्या आएगा, 72.9 मेरे एग्जाम्पल में। और सी बी केयरफुल, ये 27.1 मैंने कैसे निकाला था, पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन ना, लेकिन ये 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालते टाइम है ना पूरे डेप्रिसिएशन के नियमों का पालन करना, जैसे फर्स्ट ईयर में 180 डेज से कम हुआ तो हाफ ईयर ही लेना, और अगर मैन्युफैक्चरिंग जैसा कोई धंधा है तो फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आधा होता है तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर भी मिलता है। मतलब ये जो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, ये बकायदा डेप्रिसिएशन के नियमों के अनुसार निकलेगा। ये तो मैंने ऐसे कैजुअली 10% से रफली निकाल लिया, लेकिन ये 3 साल का डेप्रिसिएशन प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा और वो इधर 27.1 की तरह लेस होगा। ओके, सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 5। तो बस ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। तो अकॉर्डिंग टू मी 35 AD में स्टूडेंट को है ना, एक तो ये 14 धंधों की लिस्ट पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद द डेट कि किस डेट के बाद बिजनेस चालू हुआ तो डिडक्शन मिलता है, डेट बताया था ना मैंने, फिर 14 बिजनेस के साथ में 5 नोट्स मैंने बताए थे। ओके, इतना याद हो गया सफिशियंट है सेक्शन 35 AD के लिए। तो 35 AD अपना हो चुका है। अब देखना अपने लाइन से सब डिडक्शंस कर रहे थे ना, तो डिडक्शंस की दुनिया में देखो अपना 30 हो चुका है, 31 हो चुका है, 32 भी हो चुका है डेप्रिसिएशन, फिर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुका है, 35 AD भी हो चुका है। अब अगला सेक्शन है 35D। 35D कोई ना कोई एक्सपेंडिचर ही होगा ना, हर डिडक्शन कोई ना कोई एक्सपेंडिचर के लिए। अब इससे वापस अपने को पढ़ना पड़ेगा कि वो एक्सपेंडिचर अलाउड है कि नहीं। तो सी 35D इज फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35D इज फॉर किधर गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, लेकिन वेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मीनिंग क्या है, कभी भी कोई नया बिजनेस चालू करते हैं ना तो उसके शुरुआत के खर्चे, बिफोर यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कितने लोग को क्या लगता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, अरे कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस तो एक एग्जाम्पल है यार, और प्रिलिमिनरी में कोई जरूरी नहीं कि कंपनी फॉर्म होनी चाहिए। मान लो मेरी कंपनी जूनी पुरानी है, लेकिन जूनी पुरानी कंपनी में कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बस कभी भी न्यू बिजनेस चालू होता है ना, तो बिजनेस चालू होने के पहले का खर्चा उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। प्री मतलब पहले, किसके पहले, बिजनेस चालू करने के पहले। तो जैसे रिलायंस तो बहुत पुरानी कंपनी है ना, लेकिन रिलायंस वाले कोचिंग क्लासेस का धंधा चालू कर दे तो उनके लिए तो नया धंधा है कोचिंग क्लासेस का, तो उन लोग का धंधा चालू होने के पहले का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी नई चालू होनी चाहिए, कंपनी तो पुरानी भी चलेगी, बिजनेस नया चालू होना चाहिए और उसके पहले जो खर्चा होता है दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और इसका डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया होगा ना उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। अकाउंट्स में भी तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिख के धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं ना, लेकिन अकाउंट्स में तो क्या है 8 साल 10 साल तक भी राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में रूल फिक्स्ड है 5 सालों में उसको राइट ऑफ करना है। और इधर राइट ऑफ नहीं बोलना चाहिए, 5 ईयर्स में उसका डिडक्शन मिलेगा। तो सी अगर मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख है तो 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 20,000, तो हर साल मुझे 20,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये मैंने क्या बनाया मालूम है, ये स्टेटमेंट बनाया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 5 साल, और हर साल मुझे 20,000 का डिडक्शन मिलेगा।
लेकिन सी इसमें एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। सी इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं ले सकते। ओके, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला है ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड इन द न्यू बिजनेस। सी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कोई नया बिजनेस चालू किया है ना, तो जो भी नया बिजनेस चालू किया है उसमें जो फिक्स्ड एसेट लगते हैं ना, फिक्स्ड एसेट, उसकी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे आज अगर कोई स्टूडेंट सोचे मैं कोचिंग क्लासेस चालू करूंगा, तो कोचिंग क्लासेस चालू करने के लिए फिक्स्ड एसेट क्या लगेंगे, एक क्लासरूम चाहिए, बेंचेस चाहिए, एयर कंडीशन, कैमरा, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, तो ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो जो फिक्स्ड एसेट लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन में इन लोग क्या करते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोल के देते, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं बोला तो ऐसा बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करके देंगे, तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही होता है। ओके, बट फिक्स्ड एसेट भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए, जैसे रिलायंस अगर कोचिंग क्लास चालू कर रही है तो रिलायंस के पास तो ऑलरेडी बहुत एसेट पड़े, ऑलरेडी जो पड़े वो नहीं, उस नए प्रोजेक्ट के लिए नए धंधे में जो फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट उसकी कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और उसका 5%, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता है। तो सी मैं अगर अज्यूम करूं 15 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो 5% कितना आता है, 5% के 5% फिक्स्ड रूल है, तो 5% 75,000 हो गया ना, तो 75,000 से ज्यादा गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगी। फिर अगर अस्सी जी बोले नहीं मेरा तो 1 लाख का खर्चा हुआ है, हाँ हुआ होगा ना, लेकिन 1 लाख का डिडक्शन नहीं देंगे, लिमिट मतलब लिमिट, लिमिट का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो तो कम लो लेकिन ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो इसका ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो इसको लिमिट में लाना पड़ेगा, ये देखो तो लिमिट में कितना हो जाएगा 75,000, फिर 75,000 को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। सी पहले मैंने पूरे 1 लाख को कर दिया था ना, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा नहीं 1 लाख तो चलेगा ही नहीं, लिमिट के हिसाब से तो 75, तो 75,000 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ गया 15,000। तो ये देखो मेरा आंसर है ना, हर साल के स्टेटमेंट में 15,000 का डिडक्शन मिलेगा, 20-20-20 नहीं, 15-15-15 मिलेगा। अब इसमें कोई कोई एसएससी लोग को खराब लगता है, यार मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा 1 लाख हुआ है, आप मुझे खाली 75,000 में लिमिट कर रहे हो, ये तो गलत है। तो सी गवर्नमेंट बोलेगी, सॉरी अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट को बोले ना कि मेरा खर्चा 1 लाख का हुआ है, मेरा हक 1 लाख का माइनस करना, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी भाई तू हक की बात तो करी मत, ये खर्चा हक वाला है ही नहीं, क्योंकि तूने खर्चा कब इनकर किया था, बिजनेस चालू होने के पहले, और बिजनेस चालू होने के पहले के खर्चे ना वो माइनस करना तुम्हारा हक भी नहीं बनता है। खर्चा माइनस करने का हक कब जता सकते हैं, वो बोलते हैं ना साडा हक ऐथे रख, ये हक कब जता सकते हैं, जब बिजनेस चल रहा होता है ना, फिर एक एक खर्चा माइनस करना साडा हक है, तब बोलो साडा हक ऐथे रख, लेकिन कब, जब बिजनेस चल रहा होता है तो। और ये खर्चे मैंने कब किए थे, जब बिजनेस चल रहा था कि पहले का है, पहले का है, और पहले के खर्चे तो गवर्नमेंट माइनस करने भी ना देवे, लेकिन शुक्र मानो कि गवर्नमेंट ने दिया है, अब दिया तो भी जो दिया चुपचाप ले ले, उंगली दे तो हाथ थोड़ी पकड़ेगा, और वो भी गवर्नमेंट क्या सोच के दी कि बड़े बड़े धंधे की शुरुआत में छोटे मोटे कुछ खर्चे होते रहते, तो वो सोच के हमने कंसिडर किया है, तो अभी लेकिन एक लिमिट तो रखेंगे ना। अब तू बोलेगा लिमिट क्यों, तो जाने दे, डायरेक्शन देने का ही नहीं है। सी आज अगर मेरा धंधा चल रहा होता ना, तो फिर मैं जितना भी खर्चा करूँ हक से माइनस कर सकता हूँ। जैसे चालू धंधे में मैं स्टाफ को करोड़ों की सैलरी दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती इतना ज़्यादा क्यों लिमिट, मेरी मर्जी। सो ये चलते हुए धंधे में जितना खर्चा करना करो, लिमिट नहीं है, लेकिन ये चलते हुए धंधे का खर्चा है कि पहले वाला है, पहले वाला है, तो गवर्नमेंट तो एक्चुअली तो माइनस भी ना करने देवे, लेकिन फिर भी दिया है एक लिमिट तक दिया है। इसे लिमिट का बुरा लगाने के बदले उल्टे का ग्रेटफुल फील करो, चलो दिया तो है, नहीं तो गवर्नमेंट खड़ूस होती तो बोल सकती थी ये पहले का खर्चा छोड़ धंधा चालू करेगा फिर बात करते। तो इन शॉर्ट ये लिमिट याद रखनी पड़ी, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। लेकिन सी अगर एसएससी कोई कंपनी है तो उसका लिमिट ऐसा है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कुछ भी ले सकते हैं। अगर एसएससी कंपनी है तो खैर अपनी एग्जाम में कंपनी का सम नहीं आता, इंडिविजुअल आदमी का आता, सोल प्रोप्राइटर का, लेकिन फिर भी
सिलेबस में ये पॉइंट रखा है कि अगर कोई एसएससी कंपनी होता है तो उसकी लिमिट 5% ऑफ या तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो चाहिए वो ले लो। मतलब अपने को चॉइस मिली है, और चॉइस मिली है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में से जो बड़ा है वो लूंगा, क्योंकि बड़ा लूंगा तो अपना डिडक्शन का लिमिट बढ़ जाएगा ना। बट बाय द वे कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। मतलब नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने शेयर इशू किया होगा, डिवेंचर इशू किया होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स लिया होगा, ये तीन चीज को जोड़ना पड़ेगा। और ये मैं कैजुअली नहीं बोल रहा, फिक्स्ड तीन चीजें है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। तो इन लोग एमसीक्यू में डाल सकते हैं पॉइंट, एमसीक्यू में क्या करेंगे, इन लोग शेयर कैपिटल ऐसा माहौल बनाएंगे, एक कंपनी ने नया प्रोजेक्ट चालू किया है और उस नए प्रोजेक्ट के लिए शेयर इशू किया इतने का, डिवेंचर इशू किया इतने का, लॉन्ग टर्म लोन लिया इतने का, तो ये तीन अमाउंट देंगे, तो तीनों को टोटल कर दोगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए क्या बोलेंगे कि उस नए प्रोजेक्ट के लिए इतने फिक्स्ड एसेट लगे थे तो उसकी भी कॉस्ट देंगे। फिर अपने को क्या करना है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट निकाल लो, एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, फिर दोनों में से जो हायर है वो ले लो, फिर उसका 5%। फिर वो 5% से भी जो आता है वो तो लिमिट है, और लिमिट को एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करना, क्योंकि पता चला एक्चुअल कम है तो कम ही लो ना, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। मतलब इसका भी देखो फॉर्मूला होगा, इन दोनों में से लोअर लेना पड़ता है, लिमिट वाली अमाउंट और एक्चुअल वाली अमाउंट, दोनों में से जो छोटा है वो लो, क्योंकि सी अगर एक्चुअल अमाउंट किसी का 100-200 रुपए हुआ है तो कम हो तो कम ही लो ना। मतलब विच एवर इज लेस करके फिर डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। ये देखो इसका तो फॉर्मूला बना के रखा है मैंने, ये फॉर्मूला देखो, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी, और किसे चुनेंगे, जो बड़ा अमाउंट है, और बड़ा अमाउंट है तो अपनी लिमिट बढ़ जाएगी ना, एंड फिर उसका 5% निकाल लो, वो एक अमाउंट है, वो लिमिट है कंपेयर विद एक्चुअल। फिर ये एरो बनाया, इसका मतलब विच एवर इज लोअर, फिर उसको डिवाइडेड बाय 5 करना चाहिए, ओके? और डिवाइड बाय 5 वाला अमाउंट हर साल के स्टेटमेंट में माइनस हो जाएगा। फिर लुक हियर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में गवर्नमेंट ने एक नाटक तो क्या किया है कि एक लिमिट तक ही देंगे, अब गवर्नमेंट का एक और नाटक है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे तुम कुछ भी नहीं बता सकते हो, देर आर सर्टन सिलेक्टेड खर्चा जो तुम प्रिलिमिनरी की तरह क्लेम कर सकते हो। ये देखो, खाली हम इन्हीं खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की तरह बता सकते हैं, क्योंकि सी प्रिलिमिनरी एक्चुअली बहुत जनरल वर्ड है। प्री मतलब क्या है, बिफोर, मतलब बिजनेस चालू करने के पहले। अब बिजनेस चालू करने के पहले तो अनाप शनाप कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस चालू करने के पहले के हर खर्चे को भाव नहीं देगी, गवर्नमेंट खाली इन्हीं खर्चों को प्रिलिमिनरी का दर्जा देगी। ऐसे तो क्या, बिजनेस चालू करने के पहले यहाँ वहाँ भटकना भी पड़ता है, दर दर की ठोकरें भी काटते हैं, तो वो सब खर्चे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। प्रिलिमिनरी मतलब खाली इन्हीं खर्चों को प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं। और सी, इसका एक कीवर्ड है पफ में डरसो, और ये पफ में डरसो वाले खर्चे दिखे ना तो ही डिडक्शन मिलेगा, और कोई खर्चा दिखा प्रिलिमिनरी का इग्नोर कर दो। तो सी पफ में डरसो में पी फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का खर्चा। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिजनेसमैन किससे बनाता है, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से, किसी सीए फॉर्म से बनवाता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का भी खर्चा लगता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, पूरा प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट मतलब बिजनेस, अपना जो बिजनेस का प्लान है वो पूरा रिटर्न फॉर्म में होता है, पता चलता है कि अपने धंधे में कितना पैसा लगेगा, कितनी फैक्ट्रियां होगी, क्या होगा, वो पूरा रिपोर्ट बनता है। और वो रिपोर्ट क्यों बनवानी पड़ती है, फाइनेंसर लोग मांगते हैं। जैसे आज मैं धंधा चालू कर रहा हूं और मुझे कोई फाइनेंसर मिला है, तो फाइनेंसर मुझे क्या बोलेगा, ये शिरीश्वर तेरे को मैं फाइनेंस करेगा, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए इसका। तो फाइनेंसर को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे नहीं बनानी आती है तो किसी से बनवा के लूंगा, तो उसका खर्चा है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का मचमच कब होता है, बिजनेस चालू करने के पहले। सी ये सब में तुमको प्री वाली फीलिंग है, प्रिलिमिनरी। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट था। फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जिससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट फायदेमंद है कि नुकसानमंद है। जैसे फाइनेंसर मुझे ये भी बोलेगा, फाइनेंसर मुझे ये भी बोल सकता है,
फाइनेंसर मुझे ये भी बोल सकता है ना कि तू जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है ना उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बता। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब अपने को बताना है कि उसमें कितना इनफ्लो होने वाला है, कितना आउटफ्लो होगा, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह होता है ना, कैपिटल बजटिंग पड़ा होगा, एनपीवी, पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, पता चला हम लोग प्रोजेक्ट जोश जोश में चालू कर रहे हैं लेकिन लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, तो इसकी भी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। सी बड़े बड़े धंधों में घुसने के पहले लोग फिजिबिलिटी करते हैं। फिजिबिलिटी मतलब वेदर वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो चेक करने को बोलते हैं फिजिबिलिटी। और अगर प्रॉफिटेबल लगा तो उसको बोलते हैं यस इट इज फिजिबल। फिजिबल मतलब प्रोजेक्ट में घुसने लायक है। और अगर लगा नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट में तो नुकसान हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इट इज नॉट फिजिबल। इट इज नॉट फिजिबल या फिर इट इज नॉट वायबल, इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, ऐसा बोलते हैं। तो उसकी भी रिपोर्ट बनती है। और ये रिपोर्ट भी क्या है, एक अंगूठा छाप बिजनेसमैन को थोड़ी बनाने आएगा, वो तो किसी चार्टेड अकाउंटेंट से बनवा के लेगा, तो वो भी खर्चा लगता है। तो क्या क्या खर्चे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिर मार्केट सर्वे होता है। मार्केट सर्वे मतलब अपने मार्केट में सर्वे करके पता लगा रहे कि हम लोग जो नया प्रोडक्ट चालू कर रहे हैं मार्केट में लोग पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि मार्केट को स्टडी किए बेकर धंधा चालू करना तो पागलपन है ना, तो मार्केट स्टडी करने का भी खर्चा है। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज, अब इंजीनियरिंग सर्विस क्यों लगता है कि हम लोग नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होगी, तो उसको ऑपरेट कैसे करना है तो उसके लिए इंजीनियर की मदद लेनी पड़ती है। सी ये सब खर्चे में तुमको क्या फील होगा, ये बिजनेस चालू होने के पहले का है, तभी तो बोलते प्रीलिमिनरी। तो क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, मतलब गवर्नमेंट बोलती ऐसा कोई खर्चा करो तो हम उसको गिनेंगे भी, ऐसे कुछ भी प्रिलिमिनरी के नाम पे नहीं चलेगा। ये चार हो गया। और देखो क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे अगर मैं नई कंपनी फॉर्म करता हूं तो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम लगता है ना वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें खर्चा किस बात का होता है, देखो खर्चा लिखा है ना, ये खर्चा होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन को थोड़ी बनाने आता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स, वो किसी से बनवा के लेगा तो उसका खर्चा हो जाएगा। फिर आर फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, मीन्स अगर न्यू कंपनी फॉर्म करते तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होता है, ये अपना फॉर्मेशन एक्सपेंस जो अकाउंट्स में बार बार आता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंस, मीन्स अगर न्यू कंपनी फॉर्म किया है तो उसने पब्लिक इशू किया होगा उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो पब्लिक इशू के भी खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस छपवाना, पेपर में ऐड देना, तो वो शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंस हो गए। सी ये सब खर्चों की खासियत क्या है, ये अपना जो नया बिजनेस चालू हो रहा है उसके पहले का है, और इसको गवर्नमेंट ऑथेंटिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गिनती है। बाकी ऐसे चिल्लर पिल्लर खर्चों को गवर्नमेंट भाव भी नहीं देगी। फिर लास्ट में कुछ और भी लिखा, देखो ओ अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, और एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, वो तो बजट में बताती है, बजट में बताएगी, या फिर सीबीडीटी सर्कुलर भी इश्यू कर देती है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन वो लोग बताएंगे तब बताएंगे, जब तक वो लोग नहीं बता रहे ना तो अपने लिए तो ये है ही नहीं, अपने लिए खाली इतने सात खर्चे ही है। सात कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, वो अदर्स पे तुम लोग बैंक मत करो, वो अदर्स ने, अदर्स मतलब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है कि हम लोग और भी कुछ बता सकते हैं। स्टूडेंट को तो क्या सोचना चाहिए, ये पफ में और डीआरएस, इसके अलावा कोई खर्चा दिखा तो इग्नोर कर दो, ओके। एंड फिर सुनो, ये सब खर्चों का करना क्या है, इमेजिन करो सम सॉल्व कर रहे हो और सम में ये सब खर्चे दिए हुए, तो पता है इसका क्या करें, ये सब को टोटल मार देना, और ये देखो टोटल करके क्या बन जाएगा, वो ये मेरा एक्चुअल एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल को लिमिट से कंपेयर करना पड़ता है ना, तो लिमिट से कंपेयर करेंगे, और अपनी लिमिट क्या है, लिमिट बताओ क्या है, 5% है, लेकिन 5% किसका लेंगे, अगर कोई सोल ट्रेडर का सम है ना या पार्टनरशिप फर्म का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का ही 5% ले लो, लेकिन कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से जो हायर वाला है ना उसकी 5% निकालो, और ये 5% वाली एक्चुअल से कंपेयर करो, फिर दोनों में से लोअर वाला अमाउंट ले लो, फिर उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है, और जो डिवाइड बाय 5 आया ना उतना अपने को स्टेटमेंट में माइनस करने मिलेगा लगातार 5 साल तक, 5 साल स्टार्टिंग फ्रॉम
द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये था, तो प्रोफिटर्सों की लिस्ट याद होनी चाहिए। फिर सुनो लास्ट पॉइंट, ये डिडक्शन खाली इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट असेसी लोग के लिए। मीन्स अगर तू कंपनी है तो इंडियन होना चाहिए, और कंपनी ने तो देसी बॉय होना चाहिए। देसी बॉय मतलब रेसिडेंट। सो वेदर यू आर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, रेसिडेंट होना मस्ट है। नॉन रेसिडेंट नहीं चाहिए, और कंपनीज है तो फॉरेन कंपनी नहीं चाहिए। क्योंकि सी गवर्नमेंट बोलती है हम फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट को क्यों भाव देवे, ये खर्चा एक्चुअली माइनस होने के लायक ही नहीं है। क्योंकि खर्चे कब हुए थे, बिजनेस चालू करने के पहले, तो ये तो हमको माइनस भी नहीं करने देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारे फेवरेट लोग है, ये लोग ये हमारे चहेते लोग है। इंडियन कंपनी, भारत के रेसिडेंस लोग, इनको हम जान पूछ के डिडक्शन दे रहे हैं ताकि हम इनको एंकरेज करें, कम ऑन इंडियन कंपनीज, कम ऑन रेसिडेंट, कुछ नया धंधा चालू करो, देश की ग्रोथ होगी। और तुम नया धंधा चालू करोगे तो उसके पहले तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस भी करने देंगे। इनको एंकरेज करने के लिए डिडक्शन दिया है। बाकी फॉरेन कंपनी बोलेगी हम लोग भी इंडिया में धंधा चालू करेंगे, तो करो ना, धंधा चालू करोगे फिर खर्चा माइनस करने देंगे। हाँ, लेकिन धंधा चालू करने के पहले जो प्री वाला एक्सपेंस है ना, सॉरी, फॉरेन कंपनीज को नहीं मिलेगा और नॉन रेसिडेंट को नहीं। तो मतलब ये इनको ही डिडक्शन मिलता है। इन शॉर्ट सी, गवर्नमेंट ने टोटल तीन नाटक किया है। पहला नाटक किया है कि असेसी कोई भी नहीं होना चाहिए, इंडियन कंपनी देसी बॉय चाहिए। दूसरा नखरा कि खर्चा कुछ भी नहीं, खाली पफवे डरसो होना चाहिए। तीसरा, कितना भी नहीं, एक लिमिट तक ही चलेगा। ये तीन नाटक किए गवर्नमेंट ने। और इतना नखरा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि ये खर्चा एक्चुअली माइनस होने के लायक नहीं है, क्योंकि बिजनेस चालू होने के पहले का है। फिर भी अगर हम दे रहे हैं तो नाटक तो करेंगे। और नाटक के नाम पे तीन नाटक, एक तो ऐसा असेसी चाहिए और पफवे डरसो होना चाहिए, और उसका लिमिट भी रखा है। ओके, सेक्शन 35D हो गया। फिर इसके बाद 35DD है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। और वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन सुनो क्या होता है, कंपनी अपने स्टाफ को रिड्यूस करने के लिए एक एक को पैसा देके फुटा रही है, तू निकल, सबको निकाल रहे, और फोर्स नहीं किया किसी को। वॉलेंट्री मतलब जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा, जाएगा तो पैसे मिलेंगे। और एक एक एम्प्लॉय को पैसा दे रहे ताकि पैसे के लालच में लोग छोड़ के चले जाए। और कंपनी लोग छोड़ने को मजबूर क्यों कर रही है, स्टाफ कम करना है। कोई कोई कंपनी का जरूरत से ज्यादा स्टाफ होता है, अब स्टाफ को कमती करना है तो सबको पैसे का लालच दे दे के कम कर रहे। लेकिन इस चक्कर में पता है कंपनी को बहुत बड़ा फटका लगता है। एक एक एम्प्लॉय को लिटरली 20-25 लाख देना पड़ता है। और बड़ी कंपनी में तो एक झुंड में ना 500,000 एम्प्लॉय निकलते, तो सोच एक एक को 20-20 लाख रुपया भी दिया तो खर्चा करोड़ों में होता है। इसलिए इसका डिडक्शन एक झटके में नहीं मिलेगा, 5 equal installments में, बिकॉज इट इज अ हैवी एक्सपेंडिचर। ओके, इधर है ना, कंपनी बन के सोच, एम्प्लॉय बन के मत सोच। एम्प्लॉय को तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी है और उसके लिए एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10C, उसका एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था मैंने सैलरी में, 4 अमाउंट में से विचर इज लेस करना पड़ता है। लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, उसके लिए इनकम बन रही है। लेकिन इस चैप्टर में मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं तो खुद कंपनी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए तो पैसा जा रहा है ना, और मैं इसका डिडक्शन 5 installments में लूंगा, क्योंकि इट इज अ हैवी कॉस्ट। इन शॉर्ट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का याद रखना, डिडक्शन इज इन 5 equal installments। सेक्शन क्या था, 35DDA, 35DDA। फिर 35 के तीन सेक्शन है अपने सिलेबस में। एक्चुअली तो 35 के नाम के बहुत सेक्शन है अपने सिलेबस में। 35 है 35 AD, 35D, 35DDA, यही 4 सेक्शन सिलेबस में। ओके, फिर 35 की दुनिया खत्म। उसके बाद 36। अब 36(1) में ना टोटल 7 expenditure है, उसका देखो मैंने कीवर्ड बना के रखा है, C2I2B2F, C2I2B2F। ओके, 2 C है, 2 I है, 2 B है, ऐसे 2-2-2 करके 6 हो गए, फिर 7वां क्या हो गया, F। ये सब क्या है मालूम है, खर्चे है। और इस चैप्टर में हम लोग खर्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, और खर्चों के बारे में पढ़ना क्या होता है कि उसका डिडक्शन इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सी, पहला खर्चा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सी, प्रोविडेंट फंड की ड्रॉइंग मैंने बताई थी ना सैलरी में, कि प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, थोड़ा एम्प्लॉय की सैलरी से कट के जमा होता है, एंड थोड़ा बॉस भी अपनी जेब से जमा करता है,
जो बॉस जमा करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। टाइम टू टाइम उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, फिर लास्ट में वो सब पैसा एम्प्लॉय को दे देते रिटायरमेंट के टाइम। अब है ना इस ड्राइंग में ना तुम लोग इसके ऊपर फोकस करो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बिजनेस के चैप्टर में हम लोग एम्प्लॉय है कि हम लोग बॉस है? हम लोग बॉस है। और अगर बॉस बन के सोच, अगर मैं बॉस हूं और मेरे अंडर 100-200 का स्टाफ है तो उनके लिए मुझे पैसा जमा करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए पैसा जा रहा है, तो इट इज एन एक्सपेंडिचर और ये अलाउड होगा, क्योंकि मैं किसके लिए जमा कर रहा हूं? मेरे बीवी बच्चों के लिए नहीं, मेरे स्टाफ के लिए। और कोई भी खर्चा स्टाफ के लिए कर रहे मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, और इस चैप्टर का तो रूल ही है कोई भी खर्चा बिजनेस से रिलेटेड हुआ ना अलाउ होगा ही होगा। और ये बिजनेस से रिलेटेड क्यों? क्योंकि कंपनी वाले ने अपने स्टाफ के लिए जमा किया ना, तो बिकॉज इट इज फॉर स्टाफ इट इज अ खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस, और इसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा मतलब बॉस अपना जब स्टेटमेंट बनाएगा ना तो उसमें ये खर्चे की तरह माइनस कर देगा। क्या बोल के कि मैंने अपने स्टाफ के लिए पैसा जमा किया मेरा खर्चा, तो वो लेस कर सकता है इधर। लेकिन लेस करने के लिए भी कंडीशन है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हुआ तो ही, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हुआ तो ही, अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मीन्स अगर मान लो मैं एक बॉस हूँ और मेरे बहुत सारे एम्प्लॉई है और उनके लिए प्रोविडेंट फंड में मैं जमा भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा खर्चा भी हो रहा है, लेकिन वो अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो पता है गवर्नमेंट को अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जरा भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हो रहा है ना, इट इज इन्वेस्टेड एज पर बॉस की मर्जी। पता है प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ को तो कब देना है? रिटायरमेंट के टाइम। तब तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो तब तक तू कहाँ इन्वेस्ट करता है वही तो मैंने। अगर जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्रोविडेंट फंड का पैसा इज इन्वेस्टेड सिस्टमेटिकली एज पर गवर्नमेंट के नक्शे कदम, तो रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। फिर तो तू उसमें पैसा डालेगा तो डिडक्शन भी मिलेगा। और रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट को पसंद क्यों है? क्योंकि अगर फंड का पैसा तू गवर्नमेंट के नक्शे कदम से इन्वेस्ट करता है तो स्टाफ का पैसा सेफ रहता है, और गवर्नमेंट को क्या है? स्टाफ की चिंता है। और अनरेकग्नाइज में तकलीफ क्या है? वो फंड का पैसा बॉस अपनी मर्जी से शेयर मार्केट में भी डाल सकता है, कहीं पर भी डाल सकता है, और पता चला प्रोविडेंट फंड का पैसा उसने डुबा डाला तो स्टाफ का नुकसान है ना। इससे गवर्नमेंट अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एंकरेज नहीं कर रही है, इससे लॉ ने एक तरह से धमकी दी है कि प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने वालों, अगर प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हो तो रेकग्नाइज होना चाहिए। रेकग्नाइज मतलब फंड मनी शुड बी इन्वेस्टेड एज पर गवर्नमेंट के नक्शे कदम। अगर वैसा करोगे तो ही तुमको उसमें पैसा जमा करने का डिडक्शन मिलेगा, और अगर तुम लोग अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन करोगे तो डालो उसमें पैसा, पैसा तुम्हारा जा रहा है लेकिन आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन की इच्छा कौन रख रहा है? बॉस, अंडर विच स्टेटमेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इन शॉर्ट ये याद रखना, आरपीएफ होना चाहिए, यूपीएफ नहीं। सी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तो अच्छा ही है, वो तो वैसे भी सरकारी नौकरी में होता है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो तो भी चलेगा। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब वो बॉस कोई गवर्नमेंट होगी, जैसे गवर्नमेंट भी तो धंधा करती है ना, जैसे गवर्नमेंट की बैंक्स होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट की बैंक्स है, तो वो लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग अपने स्टाफ के लिए जो जमा कर रहे हैं वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, उसका तो डिडक्शन मिलता ही है, यूपीएफ का नहीं मिलता, अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सब में अगर कुछ नहीं दिया हो ना, सिर्फ प्रोविडेंट फंड दिया है, ऑलवेज अज्यूम रेकग्नाइज्ड, क्योंकि असली जिंदगी में ज्यादातर लोगों के पास रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही होता है, तो वही अज्यूम करके चलना चाहिए। ओके, फिर सुनो, इसका डिडक्शन है ना पेमेंट बेसिस पे मिलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पेड। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 100-200 का स्टाफ है और मैं टाइम टू टाइम उनके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, तो ठीक है मेरा खर्चा है, लेकिन वो जमा कर रहा हूं मतलब पे कर, आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो नहीं मिलेगा। और मतलब ये प्रोविडेंट फंड में क्या एक तरह से डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर मैं सोच रहा हूं नहीं मैं जमा कर दूंगा ना, खर्चा मेरा अक्रू तो हो गया है, अक्रूवल होते डिडक्शन नहीं मिलता है, यू हैव टू एक्चुअली पे। सी इन जनरल तो कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे का भी अपने को यहां पर डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन इधर आउटस्टैंडिंग नहीं चलता है, किधर? प्रोविडेंट फंड के अंदर। क्योंकि प्रोविडेंट फंड के अंदर तुम पैसा आउटस्टैंडिंग रख रहे हो तो स्टाफ को तकलीफ दे रहे हो। प्रोविडेंट फंड किसके लिए जमा हो रहा है? स्टाफ के लिए। और स्टाफ का पैसा टाइम टू टाइम जमा नहीं होगा ना तो उनका पैसा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट भी डिस्टर्ब होता है।
सोच एम्प्लॉय बन के सोच, तुमको मैं धोखे में रख रहा हूं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड में बोला हाँ मैं तेले जमा करूंगा, लेकिन टाइम टू टाइम जमा ही नहीं कर रहा हूं, और अगर टाइम पे नहीं जमा करूंगा तो उस पर तुमको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को बहुत खराब लग रहा है, इससे गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को धमकी दिया है कि स्टाफ का प्रोविडेंट फंड है, मजाक मत ले। स्टाफ का प्रोविडेंट फंड में जब पैसा डालना होता है एक्चुअली पे कर, आउटस्टैंडिंग रखा तो तेरे को डिडक्शन नहीं देंगे, यू हैव टू एक्चुअली पे। और अगर तूने पेमेंट बाकी रखी तो तेरा डिडक्शन भी बाकी रखे, हाँ बट फ्यूचर में जब पे करोगे तब डिडक्शन मिलेगा, लेकिन तेरे को अभी डिडक्शन चाहिए तो अभी पे कर, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। और सी ये आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा ना, ये खाली इधर हो रहा है, बाकी कोई जनरल बिजनेस का खर्चा हुआ ना, जैसे मेरे जगह का रेंट भरना पड़ रहा है मेरे को, तो रेंट वेंट ऐसा कोई बिजली का बिल है वो सब आउटस्टैंडिंग चलता है, लेकिन ये स्टाफ का पैसा है ना, स्टाफ के पैसे के साथ गवर्नमेंट को मस्ती पसंद नहीं है, इट शुड बी पेड। और पता है पेड का मतलब क्या है, लुक, इसका पेड का मतलब देखो कुछ ऐसा है, लुक 23-24 में मुझे प्रोविडेंट फंड में जमा करना था ना, तो 23-24 में पेड हुआ तो भी चलेगा, इसको नेक्स्ट ईयर में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी पेड करूंगा ना तो भी चलता है। मतलब इधर पेड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जिस साल का है उस साल के अंदर ही पे कर, ऐसे तो जिस साल का है उस साल के अंदर पे कर दे तो ही पेड बोल सकते हैं ना, लेकिन इनकम टैक्स में थोड़ा रूल अलग है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, जिस साल का है उस साल में भरा तो अच्छी बात है, नेक्स्ट ईयर भी भरोगे तो चलेगा। ये देखो नेक्स्ट ईयर मतलब, ये देखो नेक्स्ट ईयर कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई। रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या है, अरे ये जो हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, ये असली जिंदगी में इनकम टैक्स में सबमिट करना पड़ता है, जो सैलरी का स्टेटमेंट होता है, 5Hs वगैरह, ये एक्चुअल लाइफ में इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करते हैं, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, और वो सबमिट करने की डेट को बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और वो ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई। हाँ कोई कोई लोग का 31 अक्टूबर होता है, बट जो भी तुम्हारा ड्यू डेट है तब तक क्या, ये प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा हो जाने चाहिए, और तब तक जमा नहीं हुआ ना तो तेरे को आउटस्टैंडिंग का ठप्पा मार देंगे और डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर तू जब भरेगा ना तब डिडक्शन मिलेगा। ओके, इन शॉर्ट ये देखो, मुझे 23-24 के स्टेटमेंट में अगर माइनस करने को चाहिए तो रूल क्या है, या तो 23-24 वाले साल के अंदर ही पे कर दे, या फिर नेक्स्ट ईयर भी पे करोगे तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बट तब तक पेड होना चाहिए तो ही अलाउड है। ओके, और एक बात है, ये जो रूल है ना, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये रूल है ना, अभी से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसा मैंने अभी प्रोविडेंट फंड में बोला ना कि पेड होगा तो ही माइनस करने मिलेगा, इस तरह का रूल खाली प्रोविडेंट फंड में ही नहीं है, कुल 7 खर्चों में, और उस 7 खर्चों को याद करने का कीवर्ड बना के रखा मैंने, पीबी लिक्रम। अभी तो 7 पूरे नहीं आए, 1 पॉइंट आ गया ना, कौन सा है मन में, टीबी लिक्रम में सी आ गया मेरा, सी कैसे आया, और अभी सी तो चल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये टीबी लिक्रम का सी हो गया, लेकिन ये तो एक हुआ ना, इस तरह से कितने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 खर्चे। और इधर बाय द वे अमेंडमेंट आया, पहले खाली 6 खर्चों में पेमेंट बेसिस वाला रूल था, पहले नवंबर 23 में जिन लोग ने एग्जाम दी थी ना उन लोग के लिए खाली 6 ही खर्चों में पेमेंट बेसिस का रूल था, लेकिन अभी अमेंडमेंट क्या है कि 6 नहीं 7 खर्चों में पेमेंट बेसिस का रूल चलता है, और पेमेंट बेसिस मतलब पेड है तो माइनस करो, और पेड नहीं है तो माइनस करने नहीं मिलेगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, इधर पेड का मतलब ये नहीं कि मार्च तक ही पे हो जाए, सी ऐसे तो अकाउंट्स में तो क्या है, मार्च तक पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, लेकिन इधर चलता है इनकम टैक्स है ना, इधर तो क्या, मार्च के बाद ये वाले पैच में भी पे किया तो चलता है, क्योंकि सी अपने डिडक्शन स्टेटमेंट में ले रहे ना, और स्टेटमेंट तो लोग जुलाई तक बनाते रहते हैं, तो लॉ क्या बोलता है, पब्लिक स्टेटमेंट जुलाई तक बनाती है तो तब तक भी पेड होगा तो अपने को चल जाएगा, लेकिन तब तक पेड नहीं हुआ ना तो इस साल तो डिडक्शन नहीं मिलेगा,
फिर फ्यूचर में जब भरोगे तब मिलेगा। ओके सी, ये जो मैंने टीबी लिक्रम का कीवर्ड बताया ना, ये एक्चुअली सेक्शन 43B में दिया है। सी 43B में ना 7 खर्चों की लिस्ट दी है टीबी लिक्रम, और उन 7 खर्चों के लिए कॉमन रूल बना के दिया। क्या बोला है कि ये 7 खर्चे अगर तुझे माइनस करना है तो एवं माइनस नहीं होगा, पेड होना चाहिए। वो भी कब, जिस साल का है उस साल में पे किया तो वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर भी भरेगा अप टू ड्यू डे तो भी चलेगा, लेकिन पेड होगा तो ही मिलेगा। ये 43B में लिखा है। सी तुम लोग बोलोगे सर हम लोग तो 36(1) पढ़ रहे हैं ना। सी 36(1) तो खाली क्या बोलता है कि प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन पेड होना चाहिए, ये 43B में लिखा है। और 43B तो खाली प्रोविडेंट फंड के लिए थोड़ी बात कर रहा है, वो तो 7 खर्चों के लिए बोल रहा है कि ये 7 खर्चे तुम्हारे जीवन में है तो पेड होने चाहिए। ओके इन शॉर्ट सी मेरा ये C1 हुआ ना। C1 में मैंने क्या क्या बताया बताओ, पहले तो बिजनेसमैन अपने स्टाफ के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है, डिडक्शन मिलता है क्योंकि खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ तो नहीं चलेगा। एंड उसमें भी इट शुड बी पेड, कब पेड होना चाहिए, जिस साल का है उस साल में पे कर दो, या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पेड होना चाहिए। एंड व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, 31st of July, लेकिन कोई कोई लोग का 31st of October होता है। 31st of October किसका होता है, जिनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। कोई कोई लोग को पता है अपना बुक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, किसको ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसके धंधे का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होता है, और 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो बुक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, और जिन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है उनका ड्यू डेट 31st of October है। तो जो भी तेरी ड्यू डेट है, चाहे 31st of October हो के 31st July हो, तब तक पेड होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगा। एंड फिर मैंने बातों बता दिया कि खाली प्रोविडेंट फंड में नहीं, ये रूल तो टोटल 7 खर्चों में टीबी लिख रहा हूं, और ये 7 खर्चों की लिस्ट कहां दी है, 43B में। फिर ये प्रोविडेंट फंड बोल बोल के कब से सिखा रहा था ना, एक्चुअली लॉ में क्या लिखा है, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेचुटी फंड हो, सुपर एन्युएशन फंड हो, स्टाफ का कोई भी फंड है ना, रूल एक जैसा है, एक ही जैसा रूल। ये देखो लिखा है मैंने, लुक ये देखो, मैं तरह तरह के फंड के नाम दिए, लेकिन मैं क्या एडवाइस कर रहा हूं, इन फंड के नाम में उलझो मत। तुम लोग खाली इतना याद रखो ना, स्टाफ के लिए कोई फंड है ना और वो भी अप्रूव्ड है तो डिडक्शन मिलेगा। ये देखो मैंने क्या क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, जो भी है स्टाफ का फंड है सब अप्रूव्ड होना चाहिए तो डिडक्शन विल बी अलाउड इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 43B। और ये देखो अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, अन 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 अन, ये सब नॉट अलाउड है। इन शॉर्ट इसमें नाम में मत घुसो, कुछ अप्रूव्ड जैसा फंड दिखा ना तो अलाउड, और अप्रूव्ड फंड होना मतलब स्टाफ का पैसा सेफ है उसमें, उसमें पैसा डाल डिडक्शन मिलेगा, बट इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 43B। ओके अभी भी देखो सी वाली थियरी खत्म नहीं हुई है, मैं सी के अंदर हूं, इधर C2I2B2F है ना, अभी भी मैं सी के अंदर ही हूं। सी में देखो एक और पॉइंट बाकी है, C1 के अंदर हूं अभी, C2 तो बाद में आएगा, C1 भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। C1 के, अरे दो सी है ना, तो C1 के अंदर देखो एक और पॉइंट बचा है, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या करना चाहिए। वो अभी तक मैं जो बोल रहा था ना वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था, जैसे तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम लोग के लिए जो जमा कर रहा था ना उसके लिए हमने रूल पढ़ा कि अगर बॉस अपने स्टाफ के लिए पैसा जमा कर रहा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, लेकिन वो एम्प्लॉयर था ना, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इफेक्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि सी एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से कटता है, लेकिन वो भी सैलरी से काट के जमा तो करना ही पड़ता है ना, तो वो भी कंपनी वालों का खर्चा है। अरे सैलरी कंपनी के लिए खर्चा होता है कि नहीं, कंपनी स्टाफ को सैलरी देती, सैलरी खर्चा है ना, तो सैलरी में से तो काट के डालते, तो वो भी एक खर्चा है कंपनी के लिए, तो ये देखो उसके लिए रूल क्या है। लुक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना, इधर देख के समझेगा, ये पहले 3 अमाउंट समझ लो तो ही मैं सिखा पाऊंगा, जब तक ये 3 अमाउंट तुमको नहीं समझेंगे ना सिखाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके तो ऐसा अज्यूम करो,
तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अमाउंट याद रखना। और मान लो तुम लोग की सैलरी 100 रुपये है, कितनी 100, और 100 में से मैं 10 रुपये काट के तुमको 90 देता हूँ और 10 रुपये प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूँ, तो टेल मी मेरे लिए खर्चा कितना हुआ? मेरे लिए तो पूरा 100 ही खर्चा है ना। फर्क इतना है, 100 में से 90 तेरे हाथ में दे रहा हूँ और 10 काट के प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि 10 काट के मैं खा रहा हूँ, मुझे तो 100 का ही खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन 100 का ब्रेकअप कैसा है? 90 रुपीज स्टाफ के हाथ में दे दिया, नेट नेट लिखा देखो नेट, और 10 रुपया काट के मैंने प्रोविडेंट फंड में डाला, मतलब मेरा तो पूरा ही 100 खर्च हुआ ना। फिर मैं तुम लोग के लिए अलग से अपनी जेब से जमा करूं, वो मेरा एक अलग खर्चा हो गया। देखो नीचे लिखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरा तुम्हारे पीछे 110 का खर्चा हो गया है। तुम्हारी सैलरी भले 100 थी, लेकिन मैं 10 रुपये अलग से डाल रहा हूँ तो वो भी तो मेरा खर्चा है। और वो 100 की सैलरी का भी टुकड़ा कैसे किया मैंने? 90 तुम्हारे हाथ में दिया और 10 काट के प्रोविडेंट फंड में डाला, तो मेरे लिए तो सब खर्च ही खर्च हो गया ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिखा है पहले, इससे तुम लोग कन्विंस्ड हो ये एंट्री से? और मैं पीएनएल में क्यों लिखूं? क्यों, मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए ये सब खर्चा पीएनएल अकाउंट में आएगा। अब सुनो, स्टाफ को जो मैंने 90 रुपीज का नेट सैलरी दिया ना, वो तो अलाउड है, वो बिजनेस का खर्चा है ना, वो तो अलाउड है ही। लेकिन जो तुम्हारी पगार से मैंने 10 रुपया काटा था ना, ये मुझे खर्चा दिखाने तब मिलेगा जब मैं इसको पे करूंगा अप टू प्रोविडेंट फंड का ड्यू डेट। प्रोविडेंट फंड में जमा करने का एक लॉ है, मालूम है? सुना, एक प्रोविडेंट फंड का लॉ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के नियमों के हिसाब से तुम्हारी पगार से काटा हुआ अमाउंट जमा किया तो ही मुझे अलाउड होगा। सी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का तो क्या है, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जो मैंने पहले पढ़ाया था। अभी मैं नई बात बोला, सुने नहीं? एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब तो तुम लोग की सैलरी में से काटा है ना, वो मुझे फाइलिंग रिटर्न तक नहीं पेड करना है, वो मुझे प्रोविडेंट फंड के नियमों के अनुसार पे करना है। और पता है प्रोविडेंट फंड में नियम क्या है, तुमको भी बता देता हूं। हर महीने पगार में से काटते हैं ना, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। ये रियल लाइफ में रूल है कि जो भी कंपनियां प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती है ना, उनको क्या करना पड़ता है, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं ना, तो उसको अगले महीने की 15 तक जमा करना पड़ता है। और वैसा ही करेगा तो अलाउड है, और अगर वैसा नहीं किया ना, जिंदगी भर के लिए डिस अलाउड। अरे मतलब ये तुम लोग को सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन ये पढ़, इंग्लिश पर समझता होगा ना, ये देखो इतना, तो ये देखो क्या फर्क है दोनों में, दो अलग चीज दिख रही है कि नहीं? अरे नींद के नशे में होश है ये क्या, ये एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लिखा, पढ़ो, अलाउड इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ द फंड। और फंड में ड्यू डेट क्या होता है, जुलाई की महीने की पगार में से काटा तो 15 अगस्त, अगस्त की महीने में से काटा तो 15 सितंबर, मतलब जिस महीने की पगार में से काटा है ना, अगले महीने की 15 तक जमा करना पड़ता है। ये प्रोविडेंट फंड का ड्यू डेट है। तो ये देखो, और वो नियम के हिसाब से अगर मैं जमा करता हूं ना, तो ही मुझे वो खर्चा इनकम टैक्स वाले अलाउ करेंगे, नहीं तो वो खर्चा मेरे को अलाउ नहीं होगा। और जो मैं तुम लोग के लिए जमा कर रहा हूं ना, अरे मैं भी तो तुमको हर महीने की सैलरी के लिए जमा कर रहा हूं ना, तो मेरा जमा किया हुआ तो अगले महीने की 15 ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूरा साल खत्म होने के बाद भी डिपॉजिट किया चलेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो भी चलेगा। और पता है दोनों रूल में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सी, एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं ना, गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो जाती है, एम्प्लॉय का पगार काटे, मजाक मत कर, पगार काटा है तो उसको तुरंत अगले महीने की 15 को जमा कर, वरना तो जिंदगी भर डिसअलाउ हो जाएगा। अरे मतलब लॉ एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को लेके एकदम सख्त है। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्या, बॉस अपनी जेब से एक्स्ट्रा जमा कर रहा है ना, वो तो एक तरह से बॉस तेरे पे एहसान कर रहा है ना, तो उसके लिए लॉ थोड़ा लीनियंट भी है कि चलना, तू अगर बॉस होके एम्प्लॉय के लिए जमा कर रहा है ना, वो तो तू पूरे साल को, पूरे साल भी आउटस्टैंडिंग रखा तो चलेगा, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आने आने तक जमा कर दे तो अलाउड हो जाएगा।
और वो भी अभी नहीं किया ना तो फ्यूचर में अलाउ कर देंगे, और इसका तो क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसका? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो तूने अगर अभी वक्त पे नहीं पे किया ना, इधर वक्त मतलब क्या है, जो महीने की सैलरी में से काटा था ना अगले महीने की 15, और वो वक्त पे जमा किया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो कभी भूल चूक से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो जमा नहीं भी होता है ना तो करंट ईयर में डिसअलाउड, बट फ्यूचर में जब भरोगे तब अलाउड होगा। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के मामले में लॉ थोड़ा लीनियंट है। क्वेश्चन में हमेशा चेक करना एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। धोखा क्या होता है ना स्टूडेंट के साथ, अचानक एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है कि यार एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें ये सिस्टम मत चलाना। कौन सा? ये वाला कि आराम से फाइलिंग रिटर्न तो पे करो, मतलब कभी भी पे करो चले, नहीं, वो तो जो महीने की सैलरी में से काटा है उसके अगले महीने की 15 तक जमा होना ही चाहिए, और तब तक जमा नहीं हुआ ना तो जिंदगी भर के लिए डिसअलाउड हो जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लॉ। अब जाके C1 खत्म हुआ है। ये देखो C2 थे ना, तो पहला सी था प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें पहले मैंने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का पढ़ाया, फिर मैंने एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन का पढ़ाया, लेकिन वो C1 हुआ था। C2 क्या है मालूम है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। NPS सुना है? नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे मान लो कि एम्प्लॉई ने अपना नेशनल पेंशन स्कीम वाला अकाउंट खोला है, ये पता है NPS अकाउंट कहाँ खोलता है? किसी भी बैंक में तुम लोग अकाउंट खोल सकते हो। जैसे मेरा खुद का भी NPS अकाउंट है, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला है। तो ऐसे किसी भी बैंक में जाके हम लोग NPS अकाउंट खोल सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो इमेजिन मेरे एम्प्लॉई ने ना NPS अकाउंट खोला हुआ है, अब वो नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट एम्प्लॉई ने अपने खुद के फायदे के लिए खोला है, अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए, तो उसमें आइडियली तो एम्प्लॉई को ही पैसा डालना चाहिए। लेकिन बॉस ने क्या बोला, चल एक काम करता हूँ, तूने नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट खोला है ना, तू तो उसमें डालता ही होगा, मैं भी डालता हूँ तेरे लिए, चल मैं भी डालता हूँ। कितना भला बॉस है। और मैं भी डालता हूँ बोला तो मेरा खर्चा हो गया, मैं बॉस हूँ तो बिजनेसमैन का ये भी खर्चा है, ये भी अलाउड है, लेकिन 10% ऑफ योर बेसिक प्लस DA इन टर्म्स जितना अलाउड है। मतलब फील कर, बॉस अपने स्टाफ के NPS में पैसा डाल रहा है, तो बॉस के लिए तो पैसा जा रहा है, और जा रहा है तो किसके तरफा जा रहा है? स्टाफ के लिए। तो इट इज अ खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस। लेकिन अगर मैं तेरे लिए लाख लाख दो दो लाख जमा करूंगा तो पूरा नहीं, लिमिट तक ही मिलेगा। लिमिट क्या है? स्टाफ की बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, उसका 10%, उससे ज्यादा मैं मेरे इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस नहीं कर सकता। सी, मैं कहां माइनस करना चाह रहा हूं? बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस का खर्चा है। लेकिन कितना माइनस कर सकता हूं? मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। ओके, तुम लोग पता है ये चीज का तुम्हारे लिए क्या इफेक्ट आएगा? अरे मैंने तुम लोग के लिए NPS में डाला पैसा, मैं बॉस हूँ, तुम लोग एम्प्लॉई हो, मैं तुम लोग के लिए NPS में पैसा डालूंगा तो मेरे को तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में खर्चा दिखाने मिलेगा ना, वो तो मेरे लिए हुआ ना, मेरे लिए। तुम लोग के लिए क्या है? तुम लोग के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल, फिर चैप्टर 6 से में लेस भी होगा 80CCD 2, मतलब तुम लोग के लिए दो दो इफेक्ट आएंगे, दो दो। पहले तुम लोग सोचो कि वाह कितना भला बॉस है, तुम्हारे लिए पैसा जमा किया, तो वो खुशी को तुम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल करोगे और पूरा डालना है, फुल अमाउंट। एंड फिर तुम लोग जब चैप्टर 6 में 80CCD 2 लोगे ना, तो उधर तुम लोग 10% जितना माइनस कर सकते हो, और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। लेकिन बिजनेसमैन के लिए 14 वाला रूल नहीं है, वो 10% ही है, इधर 10% का रूल ही रखा है। ओके, एनीवेज अभी एम्प्लॉई बन के मत सोच, अभी तो बिजनेसमैन के लिए इट्स अ खर्चा अलाउड 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। ये देखो इधर लिखा हुआ है, लुक, इसको मैंने C2 का नाम दिया, C2 कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन। एंड कितना अलाउड है? मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। सी, ये सब चीज ही इन लोग के ना एग्जाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, उसमें यही सब नॉलेज आता है।
एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर ही बेस्ड होता है। दो सी हो गए अपने, लुक हियर, C2I2B2F, अगला दो सी हो गया ना, फिर आई देखो, आई फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा है, ये देखो बिजनेसमैन बन के सो, बिजनेसमैन ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला है तो वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं अलाउड। सी इस चैप्टर में एक ही सोच है, कोई भी खर्चा लगे ना बिजनेस रिलेटेड है तो आउट ऑफ कॉमन सेंस ही समझ जाना चाहिए, अलाउड ही होगा ना। और स्टॉक का इंश्योरेंस तो बिजनेस रिलेटेड है तो इट इज अलाउड। ओके, अलाउड मतलब स्टेटमेंट में माइनस कर सकते हैं, लेकिन सी, और स्टॉक का इंश्योरेंस क्यों निकाल ले, फायर इंश्योरेंस वगैरह होता है ना। फिर एम्प्लॉयज हेल्थ का भी इंश्योरेंस है, मतलब मान लो तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो और तुम लोग का मैंने मेडिक्लेम निकाला है, और मेडिक्लेम मतलब हेल्थ का इंश्योरेंस है ना, कि कभी तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ा तो तुमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, तो तुम लोग के लिए बंदोबस्त मस्त करवाया है, लेकिन मुझे अपनी जेब से टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए तो पैसा जा रहा है और ये पैसा मेरे लिए बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि मैंने मेडिक्लेम मेरी बीवी बच्चों का नहीं निकाला भाई, मेरे स्टाफ का निकाला है, और स्टाफ के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा हूँ तो इट इज़ अ खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस, तो उसका मुझे मेरे बिजनेस के स्टेटमेंट में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन चेक से भरूंगा तो, कैश है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सी गवर्नमेंट को क्या मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को डाउट क्या लग रहा है, स्टाफ का मेडिक्लेम है, शायद वो लोग खुद ही भर रहे होंगे, ये बॉस तो झूठ झूठ बोल रहा है, नहीं मैंने भरा है, मैंने भरा है, तूने भरा है तो चेक से भर, चेक से भरेगा तो उसकी एंट्री तेरे पासबुक में आएगी, तो चेक से भरना, नहीं तो हमको तो मन में क्या डाउट आ रहा है कि स्टाफ का मेडिक्लेम है वो लोग खुद ही भर रहे होंगे, बॉस खाली झूठ झूठ का बोल रहा है, नहीं मैंने भरा, मैंने भरा, मैंने भरा, मैंने भरा करके झूठ मूठ का खर्चा दिखा रहा है, वैसा झूठ भी लग सकता है ना। इससे गवर्नमेंट ने बोला, देख बॉस अगर तूने भरा है ना तो तू चेक से भर, क्योंकि चेक से भरेगा तो उसकी एंट्री तेरे पासबुक में आएगी, तो हमको तसल्ली होगी हाँ तूने ही भरा है, और अगर तू भर रहा है तो डिडक्शन तो देंगे ना, और वो बिजनेस का खर्चा है क्योंकि तूने अपने स्टाफ के लिए भरा है। ये देखो इधर रूल क्या है, चेक से भर तो डिडक्शन मिलेगा, कैश में भरोगे तो डिडक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमको भरोसा नहीं हो रहा है, फिर हमको डाउट आता है कि स्टाफ खुद ही भरा होगा, तो झूठ झूठ बोल रहा है कि मैंने भरा है। और सी एक्चुअली लॉ में ऐसा नहीं कह रहा है चेक से भरो, लॉ में क्या लिखा है, कैश से मत भर बस, एनी मोड अदर देन कैश। ये मैंने थोड़ा कैजुअली लिखा है, लेकिन असली भाषा लॉ की क्या है, कैश के अलावा किसी भी मेथड से भर, ऑनलाइन पेमेंट, जीपे, पेटीएम, एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, तो वो अलाउड है। सी स्टॉक में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक तो मेरा है ना, अब मेरे स्टॉक का प्रीमियम तो मैं ही भरूंगा ना यार। हाँ चलो एम्प्लॉय की हेल्थ है तो डाउट आता है, क्या भरोसा एम्प्लॉय भर रहे होंगे, ये झूठ झूठ बोल रहा है, तो इससे इधर चेक का रूल है। फिर सुनो, ये मैंने किसके लिए मेडिक्लेम भरा है, मेरे एम्प्लॉय लोग के लिए ना, लेकिन अगर मैंने मेरी बीवी के लिए भरा है तो मेरे बिजनेस के लिए पर्सनल एक्सपेंडिचर होगा, नॉट अलाउड, लेकिन उसका मुझे ATD मिलेगा। ATD था ना, मैडी ATD, और बीवी का मेडिक्लेम भरते हो तो ATD मिलेगा। तो सी थिंक एन आंसर, स्टाफ का मेडिक्लेम भरूंगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी खर्चा दिखाने मिल जाएगा, लेकिन खुद का मेडिक्लेम है, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का है, तो मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां वो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन ATD में माइनस कर सकता हूं। और सी अभी तुम लोग सर अचानक अभी ATD का क्यों बात करें, करना करे पड़ेगा, एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है ना उसमें ऐसा नहीं कि खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल, पूरा टैक्स कैलकुलेट करके दिखा, और पूरा टैक्स कैलकुलेट करना है मतलब 5 heads ऑफ इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, चैप्टर 6 से भी करना पड़ेगा, फिर टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स कैलकुलेशन का स्टेटमेंट सिखाया था ना कल मैंने, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन, वो सब करना पड़ता है। तो एग्जाम में कभी कभी मेडिक्लेम वो बीवी बच्चों का ऐसा देते हैं, तो बिजनेस में नॉट अलाउड क्योंकि पर्सनल है, बट ATD में मिलेगा, और स्टाफ का है तो बिजनेस में अलाउड। और उधर भी ऐसा था ना ATD में, एनी मोड अदर देन कैश, इधर भी ऐसा एनी मोड अदर देन कैश। तो I1 हो गया इंश्योरेंस, फिर लुक I2 इंटरेस्ट ऑन लोन, मींस बिजनेस पे मैं लोन लेता हूं और उसका इंटरेस्ट पे करता हूं, उसका क्या रूल है। तो सी सबसे पहले चेक करो, लोन अगर तूने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है ना
तो नॉट अलाउड, क्योंकि सिर्फ बिजनेसमैन बिजनेस करता है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लिया है तो ये तो पर्सनल लोन है, और पर्सनल लोन पे तू इंटरेस्ट भरेगा ना, तेरा खर्चा तो होगा लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लोन अगर बिजनेस के लिए तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी नाटक है, अगर इन पांचों से लोन लिया ना तो डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। ये लो क्या लिखा है, इन पांचों से लोन लिया तो पेड होगा तो ही अलाउड, आउटस्टैंडिंग नॉट अलाउड। किसी और से लोन लिया तो पेड आउटस्टैंडिंग कुछ भी चलेगा। तो टेल मी कौन पांच लोग थे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन याद करते हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इन लोगों से कभी भी लोन लिया है ना, इंटरेस्ट पेड होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग है तो नहीं चलेगा, क्योंकि पता ये गवर्नमेंट के फेवरेट लोग है, ये लोग क्या पूरी देश की सेवा करते हैं, और गवर्नमेंट ने अपने को धमकी दी है कि इनसे पंगा लेना मत, इनसे अगर लोन लिया है ना तो चुपचाप उनका इंटरेस्ट पे कर, इनका पैसा तूने अटकाया तो तू भी अटक जाएगा। अटकाया मतलब आउटस्टैंडिंग रखा तो तेरे को भी डिडक्शन नहीं देंगे, अगर तेरे को डिडक्शन चाहिए तो भर पैसा। लेकिन सी गवर्नमेंट को अदर लोग की चिंता नहीं है, जैसे मैं किसी और से लोन लेता हूं, किसी और से मतलब ये पांचों के अलावा, तो किसी और से लोन लेता हूं तो गवर्नमेंट बोलते ठीक है ना, किसी और से लोन लिया है तो इंटरेस्ट तू अक्रू होते ही माइनस कर सकता है, अक्रू होते ही मतलब चाहे पेड हो आउटस्टैंडिंग हो डिडक्शन मिलेगा। सी डिडक्शन देना तो पड़ेगा है ना, एज लॉन्ग एज लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पज डिडक्शन तो देना ही है, लेकिन पे करो वो जिद नहीं है। अगर तुमने लोन अदर से लिया तो पे की जिद कब है, इन पांच केस में। लेकिन सी पांचों के नाम भी याद रखो बराबर से, क्या क्या था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और ये शेड्यूल्ड बैंक मतलब पता है, क्वेश्चन में सिर्फ बैंक दिया हो ना, शेड्यूल्ड ही समझो। शेड्यूल्ड मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट है, उस लिस्ट में जो बैंक फॉल होता है उसको शेड्यूल्ड बोलते हैं। लेकिन इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ो मत, अपने को तो एग्जाम में सिर्फ बैंक भी दिखा ना, शेड्यूल्ड ही मान के चलो। जबकि इधर शेड्यूल लिखा तो बच्चे क्या शेड्यूल वर्ड की राह कर देखते रहते हैं, अरे मत राह देख उसका, क्वेश्चन में बैंक बोला है मतलब शेड्यूल्ड। ओके तो ये हो गया। फिर लुक इधर भी रूल क्या है, पेड होना चाहिए ना, लेकिन कब तक, जिस साल का है उस साल में पे कर दे, या फिर नेक्स्ट ईयर भी पे किया तो चलेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय 43B। मतलब ये भी पेमेंट बेसिस पे है ना, तो इधर भी सिस्टम वही है। सी अभी मैं जो भी ऐसा बोलूंगा पेड होना चाहिए, तो उसका मतलब समझ जाना कि जिस साल का है उस साल में पे कर दो, या फिर अगले साल भरोगे तो लेटेस्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। ऐसा रूल कुल 7 खर्चों में है, उसका कीवर्ड है टीबी लिक्रम, और एक टीबी लिक्रम का आई हो गया। ओके दो आ गया, एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड था, एक ये आ गया, याद करते जाओ। फिर इंटरेस्ट की थियरी खत्म, फिर कीवर्ड क्या था ना, C2I2B2F। तो C2 हो गए, दो आई भी हो गए, अब दो बी, पहला बी है बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉई। ये देख उसका भी रूल सेम है, स्टाफ को अगर बोनस देते हैं ना तो वो भी अलाउड है इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 43B। और इधर पेमेंट बेसिस क्यों रखा है, क्योंकि इसी गवर्नमेंट को बोनस का भरोसा ही नहीं है। कितने बॉस लोग हैं ना, बोनस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन देते ही नहीं है, बोलते दिवाली में तुमको डबल बोनस दूंगा, ये टाइम इतना बोनस दूंगा उतना दूंगा, लेकिन क्या बॉस लोग भी बहुत बार बोल बच्चन होते हैं, बोल दे लेकिन बाद में देते ही नहीं है। इससे लॉ ने बोला बातें करके डायरेक्शन नहीं मिलता है, पहले पे कर, और वो भी कब तक पे कर, जिस साल का है या तो उस साल ही पे कर, या फिर नेक्स्ट ईयर भरेगा तो अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे कर, लेकिन पे कर तब जाके बात होगी। और ये रूल खाली बोनस के लिए नहीं है, कमीशन के लिए भी है। मैंने क्या नोटिस किया, स्टूडेंट लोग के साथ धोखा क्या होता है, बच्चे को क्या बोनस याद रह जाता है, अचानक कमीशन आता है ना, 90% बच्चे रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि क्या अपने ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत होती है ना, ऊपर ऊपर से बोनस ही दिख रहा है, अरे अंदर घुस के पढ़ क्या लिखा है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। क्योंकि कमीशन का भी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है
कितने एम्प्लॉयर लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं तू इतना टारगेट अचीव कर तेरे को कमीशन दूंगा, तू ये अचीव कर कमीशन दूंगा, फिर देते ही नहीं है। इससे लॉ ने बोला देखो बोनस कमीशन पे हम लोग ट्रस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक तू पे नहीं करेगा, पे कर तो डिडक्शन मिलेगा। तो टीबी लिखरम में क्या क्या आ गया अपना बताओ, बोनस आ गया अभी, फिर ये इंटरेस्ट आ गया था थोड़ी देर पहले, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, तीन खर्चे आ गए, इस तरह से टोटल सात खर्चे है जिसका रूल क्या है, इतने पीरियड के अंदर पेड होना चाहिए। मतलब या तो जिस साल का उस साल में पे करो या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न पेड होना चाहिए। ओके तो ये बी वन हो गया। फिर दूसरा बी देखो बैड डेट्स, बैड डेट्स का ऐसा है ना कि अगर बैड डेट सेल्स के कारण हुआ है ना कि कस्टमर को उधार पे माल बेचा और कस्टमर पैसा लौट देने को तैयार नहीं है तो वो पैसा डूबा तो चलेगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हो गया ना। लेकिन अगर ये दो टिक किया मतलब इट इज अलाउड, अगर लोन से रिलेटेड बैड डेट्स है मतलब तुमने किसी को लोन दिया था और वो लोन लेके भाग गया चुका ही नहीं रहे, तो लोन वाला बैड डेट्स इज पर्सनल इन नेचर, वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। हाँ अगर तेरा मनी लेंडिंग का ही धंधा है ना, मतलब तेरा लोन पे पैसा देना वो तेरा धंधा ही है तो वो अलग बात है, फिर तो लोन का बैड डेट्स भी अलाउड है क्योंकि लोन देना ही तेरा धंधा है ना। लेकिन ऐसा सब में बोलेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया ना, ये देखो नॉर्मली तो हम लोग इसको नॉट अलाउड ही बोलेंगे, मनी लेंडिंग का धंधा ऐसे क्लियर कट सब में लिखा है ना देन इट विल बी अलाउड। ओके तो इन शॉर्ट ऐसे याद रखो सेल्स वाला बैड डेट्स तो हमेशा ही अलाउड होता है। एक से इधर मैंने सेल्स के साथ एटसेट्रा लिखा है, एटसेट्रा मतलब हर धंधे में थोड़ी सेल होता है, जैसे हम लोग के कोचिंग क्लास के बिजनेस में सेल्स थोड़ी, बच्चों से फीस आती है तो अगर कोई बच्चा फीस देने में बैड डेट्स कर दिया तो भी मेरे लिए बिजनेस का लॉस है। मतलब जो तुम्हारा मेन धंधा है ना, चाहे तुम धंधे में सेल्स करो कि बच्चों से फीस लो एक्सेट्रा, मतलब समझ जाओ ना, वो अलाउड है। लेकिन किसी को उधार उधार पे पैसा दिया है तो वो अलाउड नहीं है। हाँ लेकिन उधार पे पैसा देना तुम्हारा धंधा है तो एन इट इज अलाउड। तो बैड डेट्स का रूल हो गया। फिर सुनो बैड डेट्स होता है तो कभी रिकवरी भी तो होती है, लेकिन रिकवरी में पैसा जा रहा है कि आ रहा है, आ रहा है तो ये ऊपर आएगा इनकम में, इनकम में आएगा ना। तो सुनो एक रूल है, अगर तुमने बैड डेट्स पहले माइनस किया था तो रिकवरी ऊपर ऐड होगी अंडर सेक्शन 41(4), इसका सेक्शन है 41(4). लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपने पहले बैड डेट माइनस कर दिया था तो रिकवरी होने पे ऐड बैक भी कर दो। दैट मींस अगर तुमने पहले बैड डेट माइनस ही नहीं किया, क्यों नहीं किया था, लोन वाला बैड डेट्स, अरे लोन वाला बैड डेट्स तो अलाउड ही नहीं। जब लोन वाला बैड डेट्स माइनस ही नहीं करने मिलता तो उसकी रिकवरी को ऐड भी क्यों करूं, तो ऐड भी नहीं होगा। अरे मतलब सीधा हिसाब है, अगर बैड डेट माइनस किया था तो उसको रिकवरी हुआ तो ऐड कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट को अफसोस हो रहा है यार तेरा बैड डेट का नुकसान समझ के देखो लेस करने दिया लेकिन तेरे को पैसा वापस मिल गया तो चल इनकम में वापस ऐड कर। लेकिन अगर बैड डेट माइनस ही नहीं करने दिया था तो रिकवरी हुई तो गवर्नमेंट को उसमें नजर भी नहीं डालनी चाहिए, आपने माइनस ही नहीं करने दिया रिकवरी हुई तो ऐड भी क्यों करूं। ये देखो इसमें ये सीन याद रखो, अगर माइनस हुआ था तो रिकवरी ऐड होगा और ऐड करते तो सेक्शन क्या बोलना चाहिए 41(4). और पता है ऊपर कभी ऐड होता है ना अपना लैंग्वेज क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। माइनस करते तो क्या बोलना चाहिए, अलाउड। ऊपर ऐड करते तो टैक्सेबल। तो देखो मेरा लैंग्वेज, इफ बैड डेट्स वॉज अलाउड इन पास्ट रिकवरी विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(4), बट इफ बैड डेट वॉज नॉट अलाउड इन पास्ट रिकवरी नॉट टैक्सेबल। से ऊपर के लिए लैंग्वेज होना चाहिए टैक्सेबल और माइनस करते तो लैंग्वेज होना चाहिए अलाउड नॉट अलाउड ऐसा। ओके टेल मी, क्वेश्चन में खाली बैड डेट रिकवरी दिया है तो मनी मन पता क्या सुनना चाहिए, बैड डेट रिकवरी दिया ना हाँ तो पहले माइनस हुआ ही होगा। अरे बैड डेट सुन के एक बार तो अलाउड ही आता है ना, कि यूजुअली बैड डेट्स मतलब क्या, डेटर्स लोग को उधार पे माल बेचा था वही सीन विजुअलाइज होता है और वो तो अलाउड है ना। तो सिर्फ बैड डेट रिकवरी दिया है तो ऐसे ही सोचो कि हाँ ये पहले कभी लेस किया था तो अभी रिकवरी हुई तो उसको इनकम में लेना पड़ेगा, चुपचाप ले लेने का। ओके लेकिन सब में ऐसा बोला है बैड डेट रिकवर तो हुआ है लेकिन ये पहले अलाउ ही नहीं हुआ था, तो पहले अलाउ नहीं हुआ था तो उसको अभी इनकम में मत लेना।
तो रिकवरी का रूल हो गया। फिर आरडीडी एक्चुअल बैड डेट्स होता है तो अलाउड है, लेकिन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड नहीं है। सी अकाउंट्स में हम लोग आरडीडी वगैरह दिखाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आरडीडी में बिलीव नहीं करता है, क्यों? आरडीडी मतलब क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और डाउट के बेसिस पे गवर्नमेंट डिडक्शन देने लगी ना तो लोग झूठ बोलेंगे, लोग बोलेंगे हमको डाउट है डाउट है, और झूठ झूठ का डाउट बोल के डिडक्शन ले लेंगे। इससे गवर्नमेंट ने बोला डाउट वाउट नहीं चलेगा, जब कंफर्म बैड डेट्स हुआ तो ही डिडक्शन मिलेगा। तो इन शॉर्ट एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड, आरडीडी नॉट अलाउड। फिर लुक बैड डेट्स की एक्चुअली तीन बात बताई, देखा मैंने। पहली बात क्या बताई कि बैड डेट्स सेल्स वाला है तो अलाउड है, लोन वाला नॉट अलाउड, मनी लेंडिंग है तो अलाउड, ये एक पॉइंट था। दूसरा क्या था? रिकवरी, पहले माइनस हुआ था तो रिकवरी ऐड होगा, और पहले माइनस थे तो रिकवरी ऐड भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या था? एक्चुअल बैड डेट्स है तो अलाउड, लेकिन आरडीडी नॉट अलाउड। ये सब बैड डेट्स के पॉइंट्स थे। तो ये देखो अपना सी टू आई टू बी टू एफ क्या क्या हुआ है, दो सी हो गया। पहला सी क्या था? प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर डाले तो क्या, एम्प्लॉय डाले तो क्या, वो पहला था। दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये दो सी थे। फिर आई में पहला आई इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक और एम्प्लॉय का हेल्थ। फिर दूसरा आई था इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर बी के अंदर एक था बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, और दूसरा है बैड डेट्स। और बैड डेट्स के अंदर घुस के और तीन पॉइंट थे, एक तो बैड डेट्स का पहले एक चार्ट था, फिर रिकवरी का रूल था, फिर आरडीडी अलाउड नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट सुनो, एफ फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अब सुनो, फैमिली प्लानिंग मतलब ये बिजनेसमैन अपनी फैमिली की प्लानिंग नहीं कर रहा है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ये स्टाफ के लिए हो रहा है। मतलब इमेजिन कंपनी में ना लाखों वर्कर्स है, और वर्कर लोग क्या है, एकदम गरीब होते, इलिटरेट होते, इनको फैमिली प्लानिंग का नॉलेज ही नहीं होता है। फैमिली बढ़ाते आते, शादी कर ली, चार चार बच्चे पैदा कर दिए, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है फैमिली प्लानिंग का, कुछ वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। तो इमेजिन कंपनी ने क्या सोचा कि हमारे एम्प्लॉयज के बीच में हमको फैमिली प्लानिंग का थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना है। और फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब क्या है, ज़्यादा बच्चे मत पैदा करो, हम दो हमारे दो उससे ज़्यादा ना हो, ऐसा कंपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए खर्चा कर रही है। मतलब ऐसा इमेजिन करो, ये देखो कंपनी ने बकायदा है ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट फॉर क्रिएटिंग फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस। और सी ये ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, जो फैक्ट्री में वर्कर होते हैं इलिटरेट, उनको नॉलेज नहीं है। सी एडुकेटेड इंसान को सब पता है कि फैमिली की साइज छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी फैमिली मत करो, लेकिन क्या इलिटरेट लोग होते हैं ना, झोपड़पट्टी से फैक्ट्री वर्कर आते हैं, उनको बहुत बड़ा नॉलेज नहीं होता है। तो कंपनी क्या सोच रही है, उनको फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये देखो इवेंट है, एक इवेंट, इस इवेंट में ना कंपनी ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री के कंपाउंड में किया है, और फैक्ट्री कंपाउंड में बड़े बड़े बैनर लगा दिए, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग का सब बना दिया है। फिर ये देखो एक अलग से बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग मतलब कमरा है, इस कमरे में डॉक्टर साहब को बिठाया, डॉक्टर साहब दिख रहे, ये डॉक्टर साहब क्या है, सब एम्प्लॉय को एडवाइस कर रहा है, देखो ज़्यादा फैमिली बड़ी होगी उसको पालोगे कैसे, खर्चा कैसे निकालोगे, फैमिली छोटी होनी चाहिए और फैमिली को छोटी करना है तो व्हाट प्रिकॉशन यू शुड टेक, वो सब बताते। तो ऐसा डॉक्टर सबको सलाह दे रहा है, और ये लाइन में कौन खड़ा है, एम्प्लॉय लोग है, और लाइन में एम्प्लॉय लोग खड़े, लाइन में क्या प्रसाद बट रहा है, नहीं ज्ञान बट रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, डॉक्टर साहब। तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया कंपनी ने। अब सुनो इसमें खर्चे जो भी होंगे ना उसका रूल देखो क्या है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो अलाउड है, और इसमें अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, जैसे ये देखो रूम है, एक कमरा कंपनी ने बनाया ना, अरे कमरा मतलब चार दीवार छत, एक छोटा सा कमरा भी होता है तो चार दीवार छत बना मतलब बिल्डिंग, इनकम टैक्स में चार दीवार छत इज अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे पता डेप्रिसिएशन आता है 10%, लेकिन इधर डेप्रिसिएशन नहीं, जो भी कॉस्ट है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। और ये 5 इंस्टॉलमेंट्स का स्पेशल रूल क्यों रखा है, क्योंकि बिल्डिंग स्पेशल पर्पस बिल्डिंग है, और स्पेशल पर्पस बिल्डिंग का स्पेशल रूल, नॉर्मल बिल्डिंग होती है ना ऑफिस फैक्ट्री की तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन ये नॉर्मल बिल्डिंग है कि स्पेशल पर्पस, स्पेशल, एंड सिंस इट इज अ स्पेशल पर्पस बिल्डिंग, इसका स्पेशल रूल के 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। ओके,
बट ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो, और मोस्टली क्या है, इतना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के चांसेस नहीं है। कंपनी थोड़ी अलग से कमरा ही बना लेगी फैमिली प्लानिंग का इवेंट करने के लिए। रियल लाइफ पे तो क्या होगा, डॉक्टर को क्या बोलेंगे, ये टेबल कुर्सी लेके बैठ जाए इधर, कोई अलग से कमरा नहीं बनेगा, टेबल कुर्सी पे उसको बिठा देंगे और सब एम्प्लॉय को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद होगा ही नहीं, नहीं होगा तो ठीक है। तो अगर रेवेन्यू खर्चों में काम सलट गया तो पूरा पूरा अलाउड है। रेवेन्यू खर्चों की तो जगह ही पीएनएल है, और अपना स्टेटमेंट एक तरह का पीएनएल अकाउंट ही है। इधर रेवेन्यू खर्चा क्या होगा, अरे डॉक्टर की फीस है ना, इधर चाय नाश्ता स्नैक्स रखा होगा एम्प्लॉय के लिए, और पैम्पलेट्स वगैरह बांटे होंगे फैमिली प्लानिंग के लोगों के साथ, लोगो होता है ना, फैमिली प्लानिंग का लोगो भी होता है, तो ऐसा सब जो भी छोटा मोटा खर्चा सब अलाउड है। और अलाउ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा एम्प्लॉय के लिए हो रहा है। बिजनेसमैन अपने फैमिली की प्लानिंग नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है फैमिली प्लानिंग की, एंड बिकॉज ये एम्प्लॉय के ऊपर है, इज रिलेटेड टू बिजनेस अलाउड। बट पता है इधर रूल क्या है, ये डिडक्शन खाली कंपनीज को ही मिलता है, इट इज ओनली फॉर कंपनीज। मतलब सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, इस तरह का कोई खर्चा करता है तो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती है। पहले तो सिर्फ सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म अपने स्टाफ के लिए इतना नहीं सोचते कि चलो हमारे स्टाफ को फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस क्रिएट करना है, इतना कोई करता भी नहीं है। कोई अगर कर भी लेवे ना तो गवर्नमेंट उसको भाव नहीं देती है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने खास कंपनियों के लिए डिडक्शन क्यों रखा, में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनीज को है ना बोलते ना एक्साइट करे, कम ऑन ऐसा कोई खर्चा करो, और कंपनी लोग अगर मोटिवेट हो गए ना ऐसा खर्चा करने के लिए, देश का भला होगा। क्यों, कंपनी में लाखों एम्प्लॉई है, और लाखों एम्प्लॉई को अगर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस मिली तो देश का उद्धार हो जाएगा, और देश का उद्धार मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल का मेजर बन जाएगा। लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म कर भी लिया तो क्या करेगा, सोल ट्रेडर के आप कितनी एम्प्लॉय होंगे, 5-10। अब 5-10 एम्प्लॉय के अंदर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस करके ऐसा क्या देश में भला हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट ने सोल ट्रेडर बोला है तुमको डिडक्शन नहीं देंगे, पहले तो कोई खर्चा करता भी नहीं है, किया तो भी नॉट अलाउड, बट हाँ कंपनी ने खर्चा किया तो डिडक्शन मिलेगा। और एक बात बताओ, अपने एग्जाम में तो कंपनी का सम भी नहीं आता है, ये खाली नॉलेज रखो सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहो, लेकिन एग्जाम में अपना जो सम आता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन, वो कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का होता है, और सोल प्रोप्राइटर के सम में अगर दिखा ना, प्लीज उसको डिसअलाउ कर देना, सीधा बोल देना नॉट अलाउड, और नोट लिख देना इट इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस डिडक्शन ओनली फॉर कंपनीज। तो फैमिली प्लानिंग का हो गया, ये 5 कॉल इंस्टॉलमेंट याद रख, कोई एमसीक्यू वगैरह में किधर टेस्ट हो सकता है, इसका डिडक्शन चॉइस में क्या देंगे, डेप्रिसिएशन लेगा कि 5 इंस्टॉलमेंट, तो आंसर क्या है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेना पड़ता है इसको। तो ये फैमिली प्लानिंग का हो गया। फिर सुनो 36(1) खत्म हो गया अपना। 36(1) में क्या था, C2 I2 B2 F, लास्ट F था ना फैमिली प्लानिंग वाला एक्सपेंडिचर। फिर 36(1) के बाद आखिरी सेक्शन क्या है, 37(1। 37(1) का सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई खर्चा किसी सेक्शन में कवर नहीं हुआ है तो बुरा मत मानो, उसका भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 37(1) के नाम पे मिलेगा, और उसमें भी गवर्नमेंट की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, वो खर्चा फालतू नहीं होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और वो रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, क्योंकि सी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल ही रहा है ना अंडर सेक्शन 32। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो और बिजनेस से रिलेटेड है, तो चाहे वो कोई भी खर्चा हो माइनस कर लो। तो जैसे ऑफिस का लाइट का बिल हो गया, टेलीफोन बिल, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड जो होता है ना, सब कुछ अलाउड है, कंडीशन खाली ये 2 है, बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू। अब सुनो, सेक्शन 37(1) है ना, बच्चों को 3 पार्ट में पढ़ाना पड़ता है, 2 कंडीशन, 2 नोट और 4 एग्जाम्पल। 2 कंडीशन तो बता दी मैंने, फिर 2 नोट सुनो क्या है, इलीगल एक्सपेंडिचर हुआ तो नॉट अलाउड। सी कई बार बिजनेसमैन बोलता है कि हमारे धंधे में रिश्वत देना जरूरी है, रिश्वत नहीं देते ना धंधा आगे बढ़ता ही नहीं है। तो सी भले रिश्वत देना तेरे धंधे के लिए जरूरी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी खर्चा जरूरी होने के बावजूद भी नॉट अलाउड। ऐसे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी खर्चा जो धंधे के लिए जरूरी अलाउड है, लेकिन इलीगल हुआ तो नॉट अलाउड। क्योंकि इलीगल खर्चे को हम अलाउ करने लगे तो हम तो इलीगल चीज को एंकरेज कर रहे, तो इलीगल खर्चा नॉट अलाउड। और क्वेश्चन में क्या है, इलीगल नहीं बोलते, ऐसा बोलते ब्राइब्स, क्वेश्चन में कभी ब्राइब्स लिखा हुआ आता है, और कभी कभी ऐसा भी आता है, देखो सीक्रेट कमीशन,
सीक्रेट कमीशन बोला मतलब रिश्वत ही होता है। अरे सीक्रेट मतलब चुपके से कमीशन दिया अंडर द टेबल, एक तरह से रिश्वत ही है, क्योंकि किसी रिश्वत देने वाला कभी ये बोल के नहीं देता सर रिश्वत लो ना। रिश्वत देने वाला रिश्वत मुंह से बोलता भी नहीं है, क्या बोलता है सर आपका थोड़ा रख लो ना, आपका थोड़ा कट रख लो ना, आपका थोड़ा कमीशन रख लो ना, और वो चुपके से करते हैं, तो सीक्रेट कमीशन है। तो सीक्रेट कमीशन इज अ सोफिस्टिकेटेड नेम फॉर रिश्वत, तो वो भी नॉट अलाउड है, एनी इलीगल एक्सपेंस नॉट अलाउड। फिर और रिश्वत तो खाली एग्जाम्पल, कुछ भी इलीगल दिखा नॉट अलाउड। फिर CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है हर कंपनी को सोसाइटी के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ता है, ये कंपनीज लोग के लिए होता है। तो कंपनी लोग को क्या लगता है कि हमको सोसाइटी पे खर्चा करने के लिए कंपनीज एक्ट ने मजबूर किया है, फोर्स किया है, तो ये खर्चा हमको जब करना ही पड़ता है तो हमको डिडक्शन भी चाहिए। वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमको डिडक्शन भी चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने पहले ही बोल दिया ये कंपनीज एक्ट ने भले आपको CSR का खर्चा करने के लिए कंपल्सरी किया होगा, लेकिन इनकम टैक्स वालों की नजरों में खर्चा बिजनेस रिलेटेड नहीं है। ये CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोशल मतलब समाज सेवा का खर्चा, और समाज सेवा का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड बिकॉज ये बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है इट इज नॉट अलाउड। तो कभी भी क्वेश्चन में CSR का खर्चा दिया तो नॉट अलाउड, ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि CSR VSR खर्चा कौन करते, कंपनीज, और अपनी एग्जाम में कंपनी का सम आने का चांसेस नहीं है। ओके कंपनी का सम लो CA फाइनल में पूछते हैं, तो ये दो चीज याद रखना नॉट अलाउड है। फिर चार एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट, सी ऐसे तो है ना 37(1) में मैं 1000 एग्जाम्पल दे दूं, कुछ भी ले लो ना, अगर वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड अलाउड है, लेकिन चार स्पेशल एग्जाम्पल है, उसमें पहला है एडवर्टीजमेंट। तुम लोगों को क्या लगता है एडवर्टीजमेंट अलाउड होना चाहिए कि नहीं? अरे कैसे सोचने का, ऐसा सोचना बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू है, हाँ है एडवर्टीजमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू है तो अलाउड है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के पैम्फलेट में, पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में, पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में अगर एडवर्टीजमेंट दिया ना तो नॉट अलाउड। क्यों? जैसे मान लो अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है ना, और अभी इलेक्शन होने वाला है, और इलेक्शन का देखो सब लोग प्रचार करेंगे, प्रचार मतलब कैंपेन करेंगे, बीजेपी वाले जगह जगह पे पोस्टर डालेंगे, कांग्रेस वाले जगह जगह पे अपना पोस्टर डालेंगे, और पता है इलेक्शन में इन लोग को बहुत खर्चा करना पड़ता है, अभी देखना अनाप शनाप पैसा उड़ाएंगे, और वो लोग खर्चा नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिल पाएगा। और पता है पॉलिटिकल पार्टी को इतना खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बड़े बड़े कंपनी डोनेशंस देती है, फंडिंग करती है। जैसे मान लो बीजेपी को ना मुकेश अंबानी ने भरपूर फंडिंग दिया है कि ये टाइम बीजेपी जीतना चाहिए, मोदी को ही लाना है वापस। ओके तो अंबानी लोगों ने, रिलायंस वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, ये पैसा रखो, करो इलेक्शन का प्रचार, करो वोट आना चाहिए बस। तो पता है जब बीजेपी को इतना ज़्यादा फंडिंग मिला है ना, तो बीजेपी पता है क्या करेगी, जब भी बीजेपी का बैनर लगाएगी ना उधर रिलायंस का एड डाल देगी, क्यों? रिलायंस ने इतना सपोर्ट किया है, तो आउट ऑफ कर्टसी अपना भी कर्तव्य बनता है कि जहाँ कहीं भी बीजेपी के पोस्टर लगेंगे वहाँ रिलायंस का ऐड दिखेगा। जबकि रिलायंस वालों ने बोला नहीं था कि हम क्यों ऐड चाहिए, रिलायंस ने तो क्या ऐसे फंड देके सपोर्ट किया था, कम ऑन बीजेपी हम तुम्हारे साथ है, तुम पैसा रखो इलेक्शन लड़ के रहो, तो एक्चुअली तो डोनेशन था वो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या लगा, इतना अंबानी ने हमको पैसा दे दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी पोस्टर लगाएंगे ना बीजेपी का उसमें रिलायंस का लोगो डाल देंगे, तो दिखने में क्या लग रहा है कि रिलायंस की ऐड हो रही है, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं एक्चुअली डोनेशन था। तो ऐसी चीज को गवर्नमेंट डोनेशन समझती है। और पता है डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन Chapter 6 में आता है, तो उधर लो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नॉट अलाउड। इन शॉर्ट लॉजिक क्या निकला कि पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में, कोई ब्रोशर में ऐड आता है ना, वो दिखने में एडवर्टीजमेंट लगती है लेकिन एक्चुअली एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। वो एडवर्टीजमेंट तो बहाना था पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना था, और पॉलिटिकल पार्टी तो डोनेशन के भरोसे ही सर्वाइव करती है। तो इसका रियल नेचर क्या है? डोनेशन। और डोनेशन बिजनेस में खर्चा नहीं दिखा सकते, Chapter 6 में दिखा सकते, वो भी कहां पर मालूम है? देखो अगर कंपनी ने डोनेशन दिया है तो GGB, और कंपनी नहीं है तो GGC। ओके बट इनकम फ्रॉम बिजनेस में नॉट अलाउड। और इसका सेक्शन बाय हार्ट करना पड़ेगा,
ये नॉट अलाउड बोलने के लिए सेक्शन क्या है 37(2)(b) और ये सेक्शन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, पहले बता रहा हूं, याद करो 37(2)(b) में ये खर्चा नॉट अलाउड है, ओके। और सुनो, ये बायट मत करो, सोवेनियर ब्रोशर कुछ भी हो ना, पोस्टर बैनर, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, इट विल बी डिसअलाउड। लेकिन सी लोग है ना क्या करते, इनकम फ्रॉम बिजनेस पर तो नॉट अलाउड करते, चैप्टर सिक्स में भूल जाते। चैप्टर सिक्स में उसको लेना पड़ेगा याद से, और अपने एग्जाम में तो कंपनी का सम तो नहीं आएगा, तो अपने को GGC में लेना है। कंपनियों का GGB, अपने लिए तो GGC होगा ना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल देख, इधर देखो चार एग्जाम्पल है, एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर पेनल्टी। पेनल्टी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो सुनो इसका रूल क्या, अगर पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ का है तो नॉट अलाउड। ब्रीच ऑफ लॉ मतलब तूने कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ना घोर अपराध है, उसके लिए पेनल्टी भर, माइनस भी मत कर। और ये अगर गवर्नमेंट माइनस करने देगी तो गवर्नमेंट भी क्या है, कानून तोड़ा है कोई बात नहीं, कानून तो तोड़ने के लिए बना है, तोड़ो, पेनल्टी भरो, माइनस भी करो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए लॉ ने बोला है भाई कानून तोड़ा है तो नॉट अलाउड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी कानून नहीं तोड़ा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कस्टमर को बोला था मैं 2 महीने में माल सप्लाई करता हूं, लेकिन किया ही नहीं। मतलब कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते, जो वादे होते, वो वादे हम तोड़ते तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कस्टमर को नाराज किया तो उसको अपने को कुछ देना पड़ेगा पेनल्टी, वो अलाउड है। क्योंकि इतने बड़े धंधे में एक आध कस्टमर को नाराज किया तो बोलते ना होता है, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, और ये अलाउड है। लेकिन कानून तोड़ोगे तो उसके लिए जुर्माना भरना पड़ा तो इट इज नॉट अलाउड। टेल मी, क्वेश्चन में सिर्फ पेनल्टी दिया हो तो वो ब्रीच ऑफ लॉ होता है, क्योंकि पेनल्टी वर्ड है ना कानून से निकला है। सी कस्टमर को तो पेनल्टी बोल के दे, लेकिन एक्चुअली कस्टमर को देते हैं ना वो कॉम्पेंसेशन होता है, कि मैंने कस्टमर को तकलीफ दी तो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा हूं। लेकिन पेनल्टी वर्ड आ गया ना तो वी कैन अज्यूम इट इज ब्रीच ऑफ लॉ। बेहतर अजम्पशन ये वाला होगा, सिर्फ पेनल्टी दिया हो। कभी ऐसा भी दे सकते फाइन्स, ये दो पेनल्टी फाइन्स, सिर्फ ऐसा ही दिया है। अरे इधर ही तो बच्चे अटक जाते हैं ना, अभी क्या करूं, दिया है तो मेरी थियरी याद आ जाएगी बच्चे को, क्लियर दिया है तो। लेकिन पेनल्टीज फाइन्स दिया है तो ऑलवेज अज्यूम कि ब्रीच ऑफ लॉ है, क्योंकि फाइन पेनल्टी वर्ड एक्चुअली निकला ही कहां से, लॉ में से वर्ड निकला हुआ है, तो इट इज ब्रीच ऑफ लॉ अज्यूम करके चलना, ओके। फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, पेनल्टी, फिर अगला क्या है, टैक्सेस। अब टैक्सेस में देखो रूल है, अगर कोई टैक्स गुड्स या सर्विस से रिलेटेड है तो अलाउड है, क्योंकि गुड्स सर्विस बेचना तो मेरा धंधा है, और अगर कोई उसके ऊपर ही टैक्स लेवी किया तो इट इज अलाउड। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड नहीं है तो नॉट अलाउड। तो ये चेक करो ना, ये सब टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है कुछ, सेल्स टैक्स से एक्चुअली इधर मैंने कुछ कुछ आउटडेटेड टैक्स लिखे है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने लिखा है। खाली हर एक में चेक करो, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड होगा तो अलाउड बोलना। टेल मी, सेल्स टैक्स इस पे होता है, इट इज अ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो रिलेटेड टू गुड्स तो ये अलाउड है, ओके। फिर एक्साइज ड्यूटी, इट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, आज की तारीख में एक्साइज ड्यूटी नहीं है, लेकिन जब था इट वॉज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, बट रिलेटेड टू गुड्स तो ये भी अलाउड है। मैंने बताया गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड अलाउड है। फिर कस्टम ड्यूटी, इट इज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये भी रिलेटेड टू गुड्स अलाउड। सर्विस टैक्स इज ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस, तो भी रिलेटेड टू सर्विस तो ये भी अलाउड। GST का तो नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो भी अलाउड। लेकिन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स गुड्स और सर्विस पे लेवी नहीं होता है, इनकम टैक्स प्रॉफिट्स पे होता है। वेल्थ टैक्स हमारी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद पे होता है, गुड्स और सर्विस पे लेवी नहीं होता है, इसलिए इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड। एक्चुअली सी, इनकम टैक्स को तो नॉट अलाउड करने का एक और कारण है कि इनकम टैक्स से तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे को बताओ, हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये देखो ये इधर गया, वो ये स्टेटमेंट हम लोग क्यों बना रहे? अरे ये बना क्यों रहे ये सब स्टेटमेंट? क्योंकि इनकम टैक्स से निकालना है, तो जब इनकम टैक्स से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो इधर माइनस कैसे करूंगा? इससे कभी इनकम टैक्स दिखे तो उसको बोले अरे तू यहां क्या कर रहा है, तेरे को तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। इससे इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। और सी, हर पेपर में ना ये दो चीज तो आती है, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स।
इसको तो सेक्शन के साथ याद रखो, ये देखो इसका सेक्शन भी है 40 छोटा ए, एक सेक्शन है 40 छोटा ए, उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स तो अलाउ होगा ही नहीं। तो टेल मी, फिर ये लोग जो अलाउ हो रहे हैं ना, ये अलाउ हो रहे वो 37(1) में हो रहे हैं, भूल मत मैं 37(1) पढ़ा रहा हूं। तो ये जो मैंने टिक मार्क मारा है ना, तो ये जो अलाउ हो रहा है वो 37(1) में हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स को नॉट अलाउ करने का सेक्शन क्या है, 40 छोटा ए। ओके, एक और चीज ये देखो, लुक इधर भी 43 भी अट्रैक्ट होता है, मतलब ये जो भी टैक्सेस मैंने बोले ना जीएसटी तक, ये सब अलाउड है अंडर सेक्शन 37(1), बट इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय 43(b). सी 37(1) तो क्या बोलता है, हाँ ये सब माइनस करो, हमें एतराज नहीं है, लेकिन 43(b) के नखरे क्या है, पेड होना चाहिए। हाँ पेड होगा तो ये अलाउड, पेड मतलब जिस साल का है उस साल में भर, या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पेड कर, और पेड होगा तो ही अलाउड है। और ये भी टीबी लिक्रम में आता है, टीबी लिक्रम का टी फॉर टैक्सेस। फिर सुनो, इंटरेस्ट का रूल देखो क्या है, जो जो टैक्स अलाउड है उसका इंटरेस्ट भी अलाउड, और जो जो टैक्स नॉट अलाउड उसका इंटरेस्ट भी नॉट अलाउड। क्योंकि हम क्या बोलते हैं उनमें, इंटरेस्ट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टैक्स। तो अगर कोई टैक्स अलाउड है, जैसे जीएसटी अलाउड है, तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउड, लेकिन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स तो अलाउड ही नहीं है, तो इंटरेस्ट भी नॉट अलाउड। लेकिन इनकी अगर पेनल्टी हुई ना तो नॉट अलाउड, कोई भी पेनल्टी हुआ नॉट अलाउड। क्योंकि सी इन टैक्सेस की दुनिया में पेनल्टी लगना मतलब ब्रीच ऑफ लॉ है। हर टैक्स के लिए कोई ना कोई कानून है, चाहे तू जीएसटी बोल, इनकम टैक्स बोल, कस्टम ड्यूटी बोल, हर टैक्स के लिए कानून है। और कानून वाली पेनल्टी को क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ। और ब्रीच ऑफ लॉ का मैंने अभी भी बोला तो नॉट अलाउड है, तो ये सब नॉट अलाउड है। सी ऐसा मैंने कॉलम बना क्योंकि उसी का में स्टूडेंट के से गलती क्या होती है में, वो ये सब शब्दों को देख के अलाव ही कर देता है, लेकिन आगे पेनल्टी लिखा ना तो भाई अलाउ मत करना, नॉट अलाउड है। इसलिए ना बेस्ट ऐसे याद रखो, अगर खाली टैक्स के फॉर्म में दिया ना तो रूल क्या है, सेल्स टैक्स एक्साइज कस्टम जीएसटी वीएसटी अलाउड, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड। और इंटरेस्ट बोल के दिया है तो भी सेम, जो जो टैक्स अलाउड उसका इंटरेस्ट अलाउड, जो जो टैक्स अलाउड उसका इंटरेस्ट नॉट अलाउड। लेकिन अगर कोई भी टैक्स के आगे पेनल्टी वर्ड चिपका डाला ना, सब नॉट अलाउड, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, पेनल्टी नॉट अलाउड, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ हो जाता है वो। फिर सुनो, मैं तुमको चार एग्जाम्पल पढ़ाया था ना, तो उसमें लास्ट में देखो अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस सिंपल है, मतलब और कोई भी एक्सपेंस है उसका रूल सिंपल है, बिजनेस का है तो अलाउड, बिजनेस का नहीं है तो नॉट अलाउड। सी एक्चुअली मुझे ये तीन क्यों डिस्कस करना था उनमें, हर समय ना इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है, किनमें से, एडवर्टाइजमेंट, पेनल्टी और टैक्सेस। और टैक्सेस में कभी टैक्स आता है, कभी इंटरेस्ट आता है, उसका पेनल्टी। ये इतने फेमस पॉइंट है ना कि बच्चों को एग्जाम्पल की तरह रटा ही डाला। बाकी तो 37(1) में हजारों खर्चे सोच सकते हैं। तो 37(1) खत्म हो गया, इसको याद कैसे करने का, दो कंडीशन, दो नोट्स, चार एग्जाम्पल्स। ओके, तो सी अपना चैप्टर का है ना पार्ट वन खत्म हो गया। ये देख, चैप्टर का पार्ट वन क्या था, मैंने बताया था ना ये चैप्टर चार पार्ट में, तो अपना पार्ट वन खत्म हो गया, सेक्शन 32, 37, लास्ट 37(1) चल रहा था। ओके, फिर इसके बाद ये सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट की थियरी को क्या बोलते हैं मैं, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। अरे ये वाला झुंड चालू हो रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे ना तो ये सेक्शंस तो बहुत ही काम आते हैं। एग्जाम में सम सॉल्व करते हैं ना, तो जितना इन सेक्शन का यूज नहीं होता ना उतना इसका होता है। तो इधर तो एक एक सेक्शन मुंह पे रटे हुए होने चाहिए। खैर मैंने तो जो भी पढ़ा सब याद करना है, लेकिन इसमें तो कोई चूकना नहीं चाहिए। ये सेक्शन का तो बहुत ज्यादा यूज होता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो सी ये पार्ट टू चालू हो रहा है, लुक ये देखो पार्ट टू करके लिखा होगा, ये देखो पार्ट टू, ये देखो इस थियरी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। एक्सप्रेसली मतलब कानून में लिख के बोला है कि ये खर्चे हम लिख के बोल रहे कि अलाउड नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें ना कानून में लिखने का जरूरत नहीं, समझने का बात है। जैसे मैं अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस मेरे
क्लासेस के स्टेटमेंट में माइनस कर सकता हूँ? नहीं ना, क्यों? बच्चों की स्कूल फीस और बच्चों का घर का राशन पानी पर्सनल एक्सपेंस है, लेकिन कहीं कानून में लिखा नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर का राशन पानी माइनस मत करो। वो अंडरस्टूड है, लेकिन अभी मैं जो खर्चे बता रहा हूँ वो अंडरस्टूड अंडरस्टूड नहीं है, एक्सप्रेसली डिसअलाउड। एक्ट में लिख के बोला कि अलाउड नहीं है, तो उसमें पहला सेक्शन है 37(2)(b), इधर लॉ में एक्सप्रेसली क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट में, ये लिख रहा हूँ मैं, लॉ में भी लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट वगैरह में ऐड दिया तो नॉट अलाउड। तो एक हो गया, फिर 40 छोटा है, इसमें दो दो चीज नॉट अलाउड है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। एक्सप्रेसली कानून में लिखा है कि ये तो भूल के भी माइनस मत करना तू। फिर एक और चीज है, इधर देखो, टीडीएस नहीं काटा तो। अरे कई बार अपने को कोई खर्चे में टीडीएस काटना पड़ता है, जैसे ये देख देख जल्दी, ये जगह का मैं भाड़ा पे करूंगा ना तो रेंट में मुझे 10% टीडीएस काटना पड़ता है। तो टीडीएस काटना पड़ता तो काटो, मीन्स पार्टी को अगर 100 रुपये का रेंट है तो 10% काट के 90 रुपये ही दो, ऐसा करना मेरा फर्ज है। और अगर वैसा करूंगा ना तो मुझे पूरा खर्चा 100 रुपये का दिखाने मिलेगा, अलाउड। लेकिन अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा तो मेरा टीडीएस नहीं काटा मतलब पार्टी को 100 रुपये का रेंट था पूरा दे दिया, टीडीएस नहीं काटा, तो वो खर्चे का 30% डिसअलाउ हो जाएगा। पूरा गवर्नमेंट डिसअलाउ नहीं करती है, 30% डिसअलाउ, क्यों? टीडीएस की दुनिया में ना कन्फ्यूजन बहुत होता है, कई बार पता नहीं चलता कि यार इसमें टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। कानून ही इतना कन्फ्यूजिंग है कि कई बार के अपने को जाने अनजाने में भूल चूक में टीडीएस नहीं काटा होता है, क्योंकि लॉ ही कन्फ्यूजन वाला है इतना। इससे लॉ ने बोला ठीक है, अगर तूने टीडीएस नहीं काटा है ना तो हम पूरा खर्चा तो डिसअलाउ नहीं करेंगे, लेकिन तूने जो भी खर्चा किया उसका 30% डिसअलाउड, 70% अलाउड। तो टेल मी, अगर ये जगह का रेंट मैंने 100 रुपया ऐसे ही दे दिया पूरा टीडीएस काटे बगैर, तो क्या होगा? 100 रुपया पूरा कैंसिल नहीं होगा मेरा, 100 में से 30% को भूल जा, 70% मुझे माइनस करने मिलेगा। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, ये स्टेटमेंट में मुझे 70% माइनस करने मिलेगा। और मैं रेंट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं ना, तो रेंट सेक्शन 30 में आया था, तुम लोग भूल चुके होंगे ना, सेक्शन 30 में क्या था? रेंट, रिपेयर्स, टैक्स, इंश्योरेंस और बिल्डिंग। तो अगर मेरे रेंट ऐसे ही पे कर दिया टीडीएस काटे बगैर, तो जितना भी रेंट है उसका 70% माइनस होगा और 30% डिसअलाउड। ओके, और उसमें भी नॉन रेसिडेंट को दिया ना पूरा डिसअलाउड, क्योंकि ऐसे नॉन रेसिडेंट के मामले में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होता है। सी, रेसिडेंट लोग को देते हैं ना तो कोई कोई चीज में टीडीएस आता है, कोई कोई चीज में नहीं आता है, भारत में रूल ही ऐसा है। लेकिन नॉन रेसिडेंट को पैसा देता है ना तो हर पेमेंट पे टीडीएस आता है, तो उसमें अगर टीडीएस नहीं काटा तो तेरे पास कोई बहाना भी नहीं है कि मुझे कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन था? नॉन रेसिडेंट की तो हर इनकम पे टीडीएस काटना चाहिए, और उसमें अगर टीडीएस नहीं काटा तो पूरा ही डिसअलाउ हो जाएगा। अरे इन शॉर्ट क्वेश्चन में देखना कि अगर कोई खर्चा है उसमें सामने वाली पार्टी नॉन रेसिडेंट है, टीडीएस नहीं काटा तो पूरा डिसअलाउड, अगर रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउ होगा। ओके, फिर लुक हियर, ये 40 छोटा ही था ना, दो चीज थी इसमें, इनकम टैक्स, और ये बहुत बार काम आता है, ये तो पॉइंट डालते ही डालते, इनकम टैक्स हर दूसरे सम में दिखेगा तुमको, और ये टीडीएस नहीं काटा ये भी हर दूसरे सम में दिखेगा। लेकिन सी, टीडीएस नहीं काटा ना, उसमें एक और रूल है, सुनो, टीडीएस काटने के बाद है ना उसको डिपॉजिट भी करना पड़ता है। ऐसे तो टीडीएस काटा तो अगले महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन स्टेटमेंट में अगर डिडक्शन चाहिए ना तो कानून थोड़ा लीनियंट है कि चलो टीडीएस काट के अगले महीने की 7 को नहीं भी जमा किया ना, आराम से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी टीडीएस डिपॉजिट किया तो भी चलता है। ऐसे टीडीएस काट के मुझे अगले महीने की 7 को डिपॉजिट करना पड़ता है, रूल है टीडीएस की दुनिया में। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में रूल थोड़ा अलग है। क्या रूल है? कि अगर आपने टीडीएस काटा और उसको अगले महीने की 7 को डिपॉजिट नहीं भी किया चलेगा, पूरे साल में कभी भी डिपॉजिट कर दे। अरे मैं तो बोलता साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट कर दिया ना तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन तुमने टीडीएस काटा ही नहीं,
या फिर काट के अपने पास पैसा रखा है तू डिपॉजिट ही नहीं कर रहा है और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी निकल गई तो 30% डिसअलाउड, अगर रेसिडेंट था तो वो, और नॉन रेसिडेंट था तो पूरा ही डिसअलाउड। अरे मतलब दो चीजें, एक तो TDS काट और काटने के बाद उसको डिपॉजिट भी कर, ऐसे तो अगले महीने के 7 को डिपॉजिट करना है, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस का स्टेटमेंट बनाते टाइम अगले महीने की 7 तारीख का टेंशन मत ले, कभी भी डिपॉजिट कर देना, पूरे साल में कभी भी कर, साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था डिपॉजिट किया तो भी चलेगा, बट कर देना। ओके, तो ये था, नहीं किया तो क्या होगा? अरे तो रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउड। ओके, एक से नहीं, देखो ऐसा एक सम था मेरे पास, दिख जाएगा तो अच्छा है, मैं दिखाई देता हूं। नहीं ये जान, चलो तो ये 40 छोटा है, खत्म हो गया। फिर देखो अगला सेक्शन है 48.2, कभी भी रिलेटिव को पेमेंट किया ना, रीजनेबल अमाउंट अलाउड, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड। रीजनेबल मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है वो, जैसे ये जगह का भाड़ा है मैं अपने रिलेटिव को देता हूँ तो जो मार्केट में रेट चल रहा है उतना ही दो, लेकिन अगर तुम एक्सेसिव दोगे तो एक्सेस अमाउंट इज नॉट अलाउड। लेकिन व्हाट इज रीजनेबल अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में देना पड़ेगा, अपने को थोड़ी दुनिया का नॉलेज है क्या वाजिब है क्या वाजिब नहीं है, वो तो सब में ही बताना पड़ेगा। तो रीजनेबल अमाउंट देंगे उतना अलाउड, एक्स्ट्रा अमाउंट नॉट अलाउड। और सी रिलेटिव को दिया तो और नॉन रिलेटिव को दिया ना, नॉन रिलेटिव को तो एक्सेसिव पेमेंट भी है तो भी चलेगा, बट रिलेटिव है तो रीजनेबल अमाउंट अलाउड, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड, बट रिलेटिव है तो ना। बट रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए रिलेटिव कौन होगा? हस्बैंड, मेरा हस्बैंड तो नहीं होगा ना, वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर मतलब मेरे भाई बहन, फिर हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट मतलब मेरी लाइन में ऊपर वाले सब, मतलब मेरे माँ बाप उनके माँ बाप उनके माँ बाप, एंड फिर लीनियल डिसेंडेंट मतलब मेरे बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, इनको अगर मैं पेमेंट करूंगा ना मेरे कोचिंग क्लासेस में से तो रीजनेबल अमाउंट ही अलाउड है। दैट मीन्स इनके अलावा किसी और को दिया ना तो पूरा अलाउड हो जाएगा, एक्सेसिव दिया तो भी। मतलब मैं चीटिंग कर सकता हूँ अभी भी, हाँ किसी चाचा मामा को ऐसे आदमी को पेमेंट किया ना जो मेरे रिश्तेदार में फॉल नहीं होता है तो उसको मैं एक्सेसिव पेमेंट भी करूँगा ना तो भी मुझे खर्चा दिखा के डिडक्शन मिलेगा। तो रिलेटिव का डेफिनेशन याद करो, कौन है? हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। ओके, और इधर कोई भी साउस स्पाउस के साथ नहीं है, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर तो मेरे खाली भाई बहन ना, वो भाभी जीजा जी वो सब नहीं, तो प्योर हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट इतने लोग ही है। लेकिन पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिलेटिव का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड था, गिफ्ट था ना गिफ्ट, क्योंकि सी उधर अपनी सोच क्या थी, गिफ्ट कब मिल सकता है, प्रेम भाव किधर होता है? तो प्रेम भाव तो चाचा चाची से भी होता है, मामा से भी होता है, ससुर जी से भी प्रेम होता लगा होता है, तो उधर गिफ्ट की बात हो रही थी। गिफ्ट तो क्या है, एक नेचुरल लव से आता है और नेचुरल लव तो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ये बिजनेस का चैप्टर है, इधर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का पॉइंट नहीं है, इससे इधर थोड़ा रिलेटिव का डेफिनेशन अलग है। सी मिक्स मत करना, बिजनेस का सम सॉल्व करोगे तो रिलेटिव का मतलब अभी जो बताया वो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट की थियरी होगी ना तो रिलेटिव का तो बड़ा डेफिनेशन है, वो मैंने पढ़ाया था ना तुमको, तो दो जगह रिलेटिव का डेफिनेशन थोड़ा क्लैश हो रहा है। ओके ओके, टेल मी, इधर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका रिलेटिव कौन है? फॉर्म के जितने भी पार्टनर है वो फिर पार्टनर लोग के हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स लोग के हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। HUF है तो HUF के मेंबर्स और मेंबर लोग के हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट। घूम फिर के ये आ रहा है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट, लेकिन इंडिविजुअल का तो डायरेक्ट हस्बैंड आ जाएगा,
लेकिन HUF के लिए मेंबर, फिर उसके हस्बैंड वाइफ वगैरह, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनर्स, फिर उसके हस्बैंड वाइफ वगैरह एंड सो ऑन। फिर एक और रिलेटिव है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर। मींस ये देखो, या तो मेरा किसी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या फिर किसी का मेरे में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो उससे भी रिश्ता बन जाता है। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब किसी के धंधे में 20% स्टेक होना, और स्टेक होना मतलब किसी के धंधे के प्रॉफिट्स का 20% मेरे को मिलता है, और अगर कोई कंपनी है तो 20% शेयर्स होना। वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। जैसे सामने वाली कोई कंपनी है तो वहां मेरा 20% शेयर होल्डिंग होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा होगा चले, मिनिमम 20% शेयर होल्डिंग। लेकिन सामने वाली कोई कंपनी नहीं है, कोई नॉन कंपनी है, तो मेरा उधर 20% राइट इन प्रॉफिट्स होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मेरा होना चाहिए, वाइस वर्सा भी चलेगा, चाहे मेरा उसमें हो कि उसमें मेरे में हो। ये देखो मैंने इधर क्या लिखा, और लिखा है, मतलब आइदर और कुछ भी चलेगा, या तो हमारा किसी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या फिर किसी का हमारे में, दोनों केस में वो रिलेटिव हो जाता है। ओके, तो करना क्या इसका, इनसे कभी पाला पड़े तो रीजनेबल अमाउंट अलाउड, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड। लेकिन इनके अलावा किसी और को पे किया ना तो पूरा अलाउड है। और इन लोग एग्जाम में लल्लू ऐसे ही बनाते हैं, इन लोग जबरदस्ती ना रीजनेबल एक्सेस का माहौल बनाएंगे, लेकिन जिसको पे किया वो मेरा रिलेटिव ही नहीं है। अरे सामने वाला अगर मेरा रिलेटिव ही नहीं है तो पूरा अलाउ कर दो। तो पहले चेक करो रिलेटिव है तो ऐसा चार्ट बनाना, रीजनेबल अलाउड एक्सेस नॉट अलाउड, और नॉन रिलेटिव है तो पूरा अलाउड। तो ये 48(2) हो गया। फिर ये देख अगला सेक्शन क्या, 48(3), इधर क्या लिखा है, 10,000 से ऊपर कोई बड़ी पेमेंट होती है ना तो कैसे पे करने का, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या ECS। व्हाट इज ECS? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ओके, जी पे, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब आ गया उसमें। तो टेल मी, 10,000 के ऊपर हुआ तो ना, व्हाट अबाउट 10,000 कम हुआ तो? अरे ये देखो चार्ट ही देखो ना इधर, अगर 10,000 तक होता है ना तो सब कुछ चलता है, कैश चेक सब चलता है। लेकिन 10,000 से ऊपर है तो अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, ECS होगा तो ही अलाउड, वरना पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, फुल्ली डिसअलाउ। फुल्ली, फुल्ली मतलब कितने लोगों को क्या लगता है कि सर अगर 50,000 का है तो उसमें 10 तो अलाउ हो जाएगा ना, 10 तक तो चलता है ना। अरे 10 तक चलता है मतलब 10 तक ही चलता है, 10 के ऊपर 11 हुआ ना तो पूरा डिसअलाउ, पूरा ही डिसअलाउ हो जाएगा अगर कैश पे दिया तो। अगर सिस्टमेटिकली पे किया, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, ECS है तो चलेगा ना। ओके, तो ये फुल्ली का मतलब एक बार 10 के ऊपर गया ना, फिर तूने मस्ती की तो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 10 छोड़ के बैलेंस डिसअलाउ। तो ये था, फिर सुनो ये 40A का थियरी थोड़ा है ना लंबा है। ये देखो बच्चों को ना एक तो चार्ट पढ़ाना पड़ता है, चार्ट मतलब क्या ना, ये देखो ये चार्ट था, चार्ट मैंने पढ़ा दिया ना, लेकिन ये चार्ट पढ़ने के बाद ये देख क्या आगे, चार नोट्स है, बाद में 6 एक्सेप्शन है। तो सी चार नोट क्या है, देखो चार नोट चालू हो रही है। पहली नोट वो एम्प्लॉई का मेडिक्लेम भरते ना, मेडिक्लेम जो इधर था देखो, C2, I2, B2F अभी अभी आया था, तो उधर एम्प्लॉई लोग का मेडिक्लेम भरते ना तो वो तो 10,000 से कम हुआ तो भी चेक, 10,000 से ज्यादा हुआ तो भी चेक। उधर 10,000 का सिस्टम नहीं था, और उधर ऐसा नहीं कि अकाउंट पे ही चेक, उधर तो एनी मोड अदर देन कैश होता है। तो बेस्ट ऐसे याद रखो ना, एम्प्लॉय लोग का मेडिक्लेम है ना उसका दिमाग में अलग खाचा बना के रख, और बाकी सब खर्चों के लिए ये चार्ट को फॉलो करो, ये चार्ट। तो टेल मी, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय का मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरा वो बात किया तो फिर तो 100 रुपया भी हुआ ना चेक, एक्चुअली चेक नहीं, एनी मोड अदर देन कैश, कैश नहीं होना चाहिए। बाद में वो बेरर चेक, ये चेक, कुछ भी चलेगा, कैश नहीं होना चाहिए। फिर वो 10,000 वसर मत चेक करना, अगर एम्प्लॉय का मेडिक्लेम है तो। उसके अलावा और कोई खर्चा हुआ ना तो अपने ये चार्ट के हिसाब से जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, 10,000 तक है तो चला लो सब कुछ, 10,000 के ऊपर है तो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS होना चाहिए तो ही अलाउड, वरना पूरा डिसअलाउड। इसमें एक और चीज, हाँ, अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं, मतलब अकाउंट पे ही ओनली, तो कैसा चेक नहीं चलेगा, बेरर चेक भी नहीं चलता है, क्रॉस चेक भी नहीं चलता है। क्रॉस चेक क्या होता है में? उसमें खाली ऐसा दो लाइन खींचा हुआ रहता है, लेकिन क्रॉस चेक की दिक्कत क्या है, वो ट्रांसफरेबल है।
आज अगर मैं किसी को क्रॉस चेक देता हूं ना, तो सामने वाला पार्टी किसी और को एंडोर्स कर सकता है। वैसा चेक नहीं होना चाहिए। अकाउंट पे ही, जिसमें अपने दो लाइन खींच के अकाउंट पे ही लिखते हैं ना, वो चेक के आगे फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं है। मैंने जिसको दिया है उसी को लेना पड़ेगा पैसा उसका। तो सी लॉ क्या बोलता है, अकाउंट पे ही। तो आजकल इन लोग का फैशन है, एग्जाम में ना क्रॉस चेक दे देते हैं। तो लोग क्या क्रॉस किया ना, अरे क्रॉस किया मतलब खाली क्रॉस किया हुआ चेक नहीं चलता है, क्रॉस करके उधर अकाउंट पे ही चेक भी हो लिखा हुआ रहना चाहिए। ओके। लेकिन सी इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ तो एम्प्लॉय हेल्थ का, फिर तो कोई भी चेक चलता है, कैश नहीं होना चाहिए। और उसमें तो 10 ईयर से कम हुआ ना, तो भी कैश नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नोट में मैंने क्या बोला कि वो एम्प्लॉय का मेडिक्लेम है ना, वो पॉइंट को अलग रखो, बाकी सब में ये चार्ट के हिसाब से जानेगा। फिर लुक हियर, अगला पॉइंट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के लिए नियम का रूल, ये नियम फॉलो करना पड़ता है। ये जो रूल है ना, 10 ईयर के ऊपर हुआ तो अकाउंट पे चेक होना चाहिए, ये तुम चाहे रेवेन्यू खर्चा करो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों के लिए रूल सेम है। तो टेल मी, अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदा है 5 लाख का पूरा कैश देके, तो उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सी मशीनरी तो वैसे भी पूरी कहां माइनस करता हूं, हाँ रिसर्च वाली मशीन है तो फुल कॉस्ट माइनस करता हूं लेकिन नहीं मिलेगा। 35 AD के लिए मशीन लिया तो भी फुल कॉस्ट लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल धंधे में मशीन है तो उसमें मुझे डेप्रिसिएशन मिलने वाला था लेकिन नहीं मिलेगा। अरे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अगर तूने कैश वाली मस्ती की तो तुझे डेप्रिसिएशन जो मिलने वाला तो वो रह जाएगा, और कहीं कहीं फुल कॉस्ट मिलने वाला था वो रह जाएगा तेरा। इन शॉर्ट, चाहे खर्चा रेवेन्यू हो कैपिटल हो, इस चेक वाले नियम का पालन करो। फिर ये देखो, दो नोट हो गई, ऐसे कितनी नोट है, 4 नोट है ना। तीसरा नोट देखो, ये जो 10 ईयर का रूल है ना, इट इज पर डे पर पर्सन। पर डे मतलब एक दिन में एक जन को 10 ईयर के ऊपर दिया अकाउंट पे चेक होना चाहिए। सी हम लोग स्टेटमेंट पूरे साल का बना रहे हैं, लेकिन ये 10 ईयर का नियम पर डे पर पर्सन है। मतलब एक दिन में एक जन को 10 हजार तक दे रहा है तो चलेगा, 10 के ऊपर 11 हो गया ना तो फिर कैश नहीं, वो अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या ईसीएस से होना चाहिए। मतलब रूल इज पर डे पर पर्सन। तो सी इधर ना तीन अच्छे एग्जाम्पल बन सकते, ये तीनों एग्जाम्पल ट्राई करो, और ये तीनों एग्जाम्पल है ना एग्जाम में क्वेश्चन की तरह टेस्ट हो सकता है। ट्राई कर, ये पहला वाला केस ट्राई कर, ये देखो केस वन में क्या था, मैंने 7 ईयर का कैश दिया ए को, फिर 7 ईयर का कैश दिया बी को, 14 अक्टूबर मतलब एक ही दिन में मैंने कैश दे दिया। लेकिन सी ये 7 ईयर और ये 7 ईयर को मैं ऐड करूंगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ये ए को दिया है, ये बी को दिया, पर पर्सन है, पर पर्सन पर डे, ये देख। तो कहां ए कहां बी, दोनों इंसान ही अलग है, तो दोनों का 7 ईयर अलग रखो। और पता है मैं दोनों को अलग रखूंगा तो क्या होगा, ये अलग हो गया चलो और ये भी अलग हो गया, और दोनों को अलग नजरिए से देखोगे तो दोनों कितने हैं, 10 ईयर से कम ही है, और 10 ईयर से कम तो चलता ही है, तो ये भी अलाउड हो जाएगा, ये भी अलाउड हो जाएगा, पूरा अलाउड हो गया। ओके। कोई बोले नहीं एक ही दिन में दिया है, अरे एक दिन है लेकिन पार्टी तो अलग है ना। अब ये वाला ट्राई करो, अब देखो पार्टी सेम है, ए को कैश दिया, अरे ये आदमी का नाम है, फिर वापस एक को दिया, सेम आदमी को 2 बार कैश दे दिया, आदमी सेम है लेकिन दिन अलग है, और दिन अलग है तो अलग रखने का, ये क्या लिखा था, पर डे। सी पर्सन अलग है तो अलग रखो, दिन भी अलग है तो अलग रखो। सी इधर माना दोनों मिस्टर ए को ही दिया है, लेकिन दोनों दिन अलग है ना, तो इन दोनों को मुझे अलग रखना पड़ेगा। देखो इसको मैं अलग रखूंगा, और ये अलाउ क्यों कर दिया, क्योंकि 10 ईयर से कम तो कैश चलता ही है ना, और इसको भी अलग रखूंगा। सी मैंने अमाउंट कैसा लिया है मालूम है, कि ऐड करोगे तो 14 हजार हो जाएगा, लेकिन वही तो बोल रहा, ऐड मत कर, अगर आदमी अलग है दिन अलग है तो अलग ही रखो। लेकिन अब देखो लास्ट केस में क्या हो रहा है,
अब तो इंसान भी सेम है, दिन भी सेम है, तो सेम डे है, सेम पर्सन, तो इसको अलग ट्रीट करना है कि कंबाइन करना है? कंबाइन, तो इसको मैं कंबाइन करूंगा, ये दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके देखो कितना है, 14,000। और 14,000 तुमने कैश में दिया है? नहीं चलबे, 14,000 कैश चलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? फुल्ली डिसअलाउ, पूरा 14 डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट था। ये देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये देखो, एक चार्ट, चार नोट, छह एक्सेप्शन। एक चार्ट ये था मेरा, चार नोट में पहली ये हो गई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये करवाई, चौथी नोट देखो मस्त है। मान लो एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, वो आउटस्टैंडिंग था। पता है खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो भी चलता है? अरे आउटस्टैंडिंग खर्चों का भी डिडक्शन तो मिलता ही है ना। पेड़ की जिद तो खाली टीवी लिखरम में, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो आउटस्टैंडिंग भी चलता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग खर्चों में दिक्कत क्या है मालूम है? पता कैसे चलेगा कि वो चेक से पे हो गया कैश में? एक तरह गवर्नमेंट बोलती है 10,000 के ऊपर है तो अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, लेकिन अरे चेक कैश तो दूर का बात, पे ही नहीं किया ना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? अपने पे ट्रस्ट करके डिडक्शन दे देगी। ये देखो डिडक्शन दे दिया है, क्या ट्रस्ट करके? कि अभी ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हम तेरे पे भरोसा कर रहे हैं कि जब तू ये पैसा का एक्चुअल पेमेंट करेगा ना, सरापस से अकाउंट पे ही चेक से करेगा, क्योंकि खर्चे का अमाउंट 40 है, यानी कि 10 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट मुझ पे ट्रस्ट करके डिडक्शन दे देगी। लेकिन अभी मेरी ड्यूटी क्या बनती है? जब इसका मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा तो अकाउंट पे ही चेक से करना चाहिए। तो ये देखो मैंने गड़बड़ कर दी, कैश में पे कर दिया। देखो और कैश में पे किया ना, तो मुझे जो पहले माइनस करने मिला था वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। सी माइनस कब करने मिला था? वो तो 21-22 में, जब मेरा खर्चा अक्रू हुआ था और वो टाइम आउटस्टैंडिंग भी चला लिया। कौन से ईयर में? 21-22। लेकिन 23-24 में मैंने गड़बड़ क्या कर दी? वो आउटस्टैंडिंग खर्चे को जब मैंने चुकाया तो पेमेंट कैश में की। सी 10,000 होता तो चल भी आता, ये 40 था, और तुमने कैश में किया तो क्या होगा? डिडक्शन विड्रॉन, क्या बोलते हैं इसको? डिडक्शन विड्रॉन, पहले जो माइनस किया था वो इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट कभी भी सब में ऐसा देवे ना कि हमने कुछ पेमेंट किए, वो खर्चा पास्ट में हमने क्लेम किया था और अभी उसको हमने कैश पे कर दिया, तो क्या करना चाहिए? पास्ट में क्लेम किया था, अभी तूने कैश पे किया है तो इनकम में जोड़ दो। इनकम में जोड़ दो मतलब डिडक्शन विल बी विड्रॉन। तो ये देखो चार नोट हो गई, अभी छह एक्सेप्शन है। छह एक्सेप्शन का मतलब क्या मालूम है? कि ये ऐसे केसेस पे कैश पे किया तो चलता है। ये देखो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? गवर्नमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको कैश दिया तो चलता है। जैसे गवर्नमेंट को हम लोग पता है जीएसटी पे करते, कस्टम ड्यूटी पे करते, और वो सब खर्चा अलाउड है ना, तो उसमें तो 1 करोड़ का भी कैश पेमेंट है तो चलता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट है ना, तो कैश है तो चलेगा। फिर बैंक्स को दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया। बैंक को हम लोग क्या देते? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कैश में पे कर दिया, चला लेना। ओके, तो सी इधर स्टूडेंट को स्ट्राइक होना चाहिए। स्टूडेंट क्या पहली नजर में क्या देता है? ये कैश है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बराबर है, नहीं चलेगा, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कैश दिया वो भी चलेगा, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं ना, और सच्चे लोगों को पेमेंट किया है ना तो पेमेंट भी सच्चा लगता है, तो कैश है तो भी चलता है। फिर अगला पॉइंट देखो, अगर तुमने इन चीजों का जो प्रोड्यूसर होता है ना, इन चीजों का प्रोड्यूसर, इनको भी कैश दिया तो चलता है। क्या लिखा देखो, प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिगैर जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट होता है ना, हाथों से बनता है, उसमें पावर की जरूरत नहीं होती है। या फिर अपना जो मटका बनाते कुंभार लोग, उन लोग को भी बिजली का जरूरत नहीं, हाथों से बनता है। तो जो प्रोडक्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको क्या बोलते हैं? विदाउट द एड ऑफ पावर।
तो क्या करना क्या है, इनके प्रोड्यूसर को अगर पेमेंट किया ना तो कैश चलता है। क्यों मालूम है? क्योंकि गरीब लोग होते हैं एंड गरीबों के पास बैंक अकाउंट होने के चांसेस कम है, और किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको चेक दे देगा तो चेक डालेगा कहाँ भाई। तो बिकॉज ये गरीब लोग है ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि इनको ऐसे के पास शायद बैंक अकाउंट ना हो, और बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको क्यों चेक देना है, तो कैश दो तो चलेगा। तो इधर भी कैश चलता है, लेकिन पता है इधर लल्लू कैसे बनाएंगे तुमको, ऐसा बोलेंगे पेमेंट इन कैश टू अ रिटेलर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। रिटेलर बोला है, रिटेलर को दिया तो कैश नहीं चलेगा, प्रोड्यूसर होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूसर मतलब जो मेन किसान है, फार्मर को दिया तो चलेगा। लेकिन अगर रिलायंस वालों ने रिलायंस फ्रेश है, मतलब रिलायंस फ्रेश इन लोग भी रिलायंस फ्रेश में एग्रीकल्चर के सामान बेचते, लेकिन वो लोग रिटेलर है ना, और रिटेलर लोग तो अमीर होते, और अमीरों के पास तो बैंक अकाउंट होता है ना, तो रिटेलर को कैश दिया तो नहीं चलेगा। इससे सी तुम लोग कभी भी ये सब चीज देखोगे ना, चेक करना कि उसका प्रोड्यूसर है तो ही कैश दिया हुआ चलेगा, ओके। और ये लिस्ट पता है कैसे याद कर दे, दो जमीन आइटम है, चार जानवर आइटम है, फिर विदाउट पावर। जमीन की आइटम मतलब जमीन से जुड़ा हुआ क्या है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट, दो जमीन आइटम है, और ये चार जानवर वाली चीज है। जानवर से रिलेटेड क्या हो गया, पोल्ट्री मतलब मुर्गी वुर्गी होता है ना, फिर डेयरी गाय भैंस हो गया, फिश एनिमल। तो दो जमीन आइटम, चार जानवर आइटम, फिर विदाउट पावर, इनके प्रोड्यूसर को कैश दिया तो चलेगा। दो एक्सेप्शन, कितने एक्सेप्शन है, छः, और इसका रूल भी रूल 60D है, रूल 60D, एक्सेप्शन भी छः, रूल का नंबर भी छः, ओके। फिर लुक हियर, तीसरा एक्सेप्शन, पेमेंट इन अ प्लेस वेयर देर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी। कोई गांव खेड़े में पेमेंट किया है जहां आजू बाजू में बैंक ही नहीं है, तो ऐसे गांव खेड़े में पेमेंट करोगे तो कैश दिया तो चलेगा। क्वेश्चन है, बोलेंगे वहां बैंक्स नहीं थी तो कैश दिया तो चलेगा, ओके। फिर अगला पॉइंट, पेमेंट और टर्मिनल बेनिफिट्स अप टू 50,000। मतलब किसी को टर्मिनल बेनिफिट दिया ना 50,000 तक, वो भी कैश चलता है। टर्मिनल बेनिफिट मतलब क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड देते हैं ना, तो सोच किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में 50,000 देना आ रहा है, तो पता है बहुत गरीब होगा, क्यों, रिटायरमेंट पे अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। एक पता है नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट भी नौकरी से रिटायर होता है ना, 10-15 लाख तो उसको ही मिल जाता है, एक बीकॉम ग्रेजुएट को। तो सोच किसी को रिटायरमेंट पे 50,000 मिला है, मतलब एम्प्लॉई हो ना, मेरे ऑफिस में झाड़ू वाला होगा शायद, या फिर मेरी फैक्ट्री का मजदूर होगा, या काम वाली भाई होगी ऑफिस में। अरे इतना गरीब एम्प्लॉई था, गरीब क्यों बोल रहा हूँ, अरे तभी तो रिटायरमेंट में खाली 50,000 आ रहा है। तो इतना गरीब है तो उसके पास बैंक अकाउंट भी कहाँ होगा। इससे गवर्नमेंट ने बोला उसको कैश दिया तो चलेगा। सी टर्मिनल बेनिफिट की दुनिया में 50,000 तो एकदम ही कचरे जैसा अमाउंट है, क्योंकि रिटायरमेंट पे एक सादे एम्प्लॉय को भी 5-6 लाख ऐसे ही मिल जाता है। कोई चार्टेड अकाउंटेंट कोई कंपनी से रिटायर हुए तो उसको तो 50-60 लाख मिल जाए, 1 करोड़ भी मिल सकता है। लेकिन जिसको 50,000 मिला है, मतलब वो एम्प्लॉय कोई झाड़ू वाला टाइप होगा, तो इतने गरीब एम्प्लॉय के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, तो कैश दिया तो चलेगा। फिर अगला बरसी 50,000 तक, 50 का 51 भी हुआ ना, फिर तो कैश नहीं चलेगा, फिर अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या ECS होना चाहिए। और अगर 51,000 की अमाउंट कैश में दी तो पूरा डिसअलाउ, पूरा ही डिसअलाउ हो जाएगा फिर। इन शॉर्ट, जहाँ 10,000 का लिमिट था ना, इधर 50 कर दिया, अगर टर्मिनल बेनिफिट है तो। फिर एक और पॉइंट है, किसी एम्प्लॉय को बाहर गांव बेचा ऑफिस के काम से, एक एम्प्लॉय को आउटस्टेशन भेजा है कम से कम 15 दिन के लिए, और ऐसे शहर में भेजा है जहां उसके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, और उन दिनों में उसको सैलरी देना है, तो उसको कैश दो तो चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय बाहर गांव है और जब तक वापस नहीं आएगा उसको बेचारे को सैलरी नहीं मिल पाएगी। इससे लॉ ने बोला है वो बाहर गांव गए हुए एम्प्लॉय को कैश पकड़ा दो। लेकिन कैश देंगे कहाँ से, जिस बाहर गांव में गया वहाँ कंपनी की ब्रांच होगी ना, तो कंपनी अपनी ब्रांच से उसको कैश दिलवा देगी। चेक क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चेक देंगे तो डालेगा कहाँ, उसको ऐसे बाहर गांव भेजा है जहाँ उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, और वो भी 2-4 दिन के लिए भी नहीं, 15 दिन के लिए भेजा यार।
तो ऐसे केस पे उसको कैश दिया तो चलेगा। और कितने लोगों ये डाउट, सर कैश भी कैसे देंगे, वो तो भार्गव है ना। अरे भार्गव है तो, लेकिन जिस भार्गव बेचा है वहां कंपनी का ब्रांच होगा ना, तो ब्रांच से उसको कैश दिलवा देंगे ताकि उसकी सैलरी तो छुट्टी हो गए, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं तू भार्गव से आ, फिर चेक देंगे। तो चलो वो भी कर ले, लेकिन 15 दिन के लिए गया है। तो रूल क्या सुनो, अगर किसी एम्प्लॉय को एटलीस्ट 15 डेज आउटस्टेशन भेजा है और वहां उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और ऐसे दिनों में उसको सैलरी देना पड़ रहा है, तो कैश दिया तो चलेगा, लेकिन वहां उसके पास बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या, अपने बैंक अकाउंट कहाँ होते, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अपने को कोई भी शहर में देंगे वहां बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच तो होगा ही ना। तो इन शॉर्ट वो दूसरे शहर में उसके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वो चांसेस नहीं है। वो तो क्या, आजकल तो किधर भी, जैसे मुंबई में भी रह रहा है ना, तो उसका बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू दिल्ली में होगा तो उधर भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉय बोले नहीं, मेरा तो कोई श्यामराव विठल बैंक में अकाउंट है और श्यामराव विठल बैंक तो मुंबई में देखने मिलती है, और मेरे को भार्गव बेचा है वहां तो श्यामराव विठल बैंक ही नहीं है, तो मैं चेक डालूंगा कहाँ, तो कैश दिया तो चलेगा। ओके, दो कंडीशन याद करो, एटलीस्ट 15 डेज के लिए भेजा है और वहां उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो कैश में सैलरी दिया तो चलेगा। फिर लास्ट एक्सेप्शन देखो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रक वाले होते हैं, ट्रक वाले, उनको 35,000 तक भी कैश दिया तो चलेगा, क्योंकि जो ट्रक वाले ट्रक लेके निकलते हैं ना, वो बोलते हैं ना मैं निकला गड्डी लेकर, तो जब गड्डी लेके निकलते हैं ना ट्रांसपोर्टर लोग, उसको रास्ते में हार्ड कैश चाहिए होता है टोल नाका डीजल वीजल भरने के लिए, और 10,000 तक गवर्नमेंट जो कैश चलाती है वो कमती लगता है। इसलिए इनके केस में तो 35,000 भी दिया तो चलेगा, किसको, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को। तो एक्चुअली सी तीन अमाउंट हो गए, नॉर्मली 10,000 है, टर्मिनल बेनिफिट में 50 है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर में 30 है, सॉरी 35,000, और कुछ कुछ जगह तो कितना भी कैश दो तो चलेगा। जैसे पोस्टेड एम्प्लॉय को सैलरी दिया, नो बैंकिंग फैसिलिटीज, इधर इधर तो कितना भी कैश दिया तो चलेगा। ओके, तो ये 6 एक्सेप्शन हो गए। फिर इसके बाद 40A3, तो 43 खत्म हो गया ना, वो 40A3 था, अभी 40A7 ग्रेचुटी प्रोविजन। सी ग्रेचुटी एक्चुअली अलाउड होता है, तो ग्रेचुटी हम किसको देते, स्टाफ को, और कोई भी खर्चा स्टाफ की तरफ होता है वो बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें अलाउ होने के सारे गुण हैं, लेकिन बिकॉज ये प्रोविजन है नॉट अलाउड। पता है प्रोविजन से गवर्नमेंट को नफरत क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग भाषा में जब प्रोविजन लिखते हैं ना, उसका मतलब क्या नहीं है, ये फ्यूचर का खर्चा है, अभी हमने खाली उसका एस्टिमेटेड फिगर प्रोवाइड किया है, और अकाउंट्स वाले पागल है, फ्यूचर का खर्चा भी रिकग्नाइज कर देते, क्योंकि अकाउंट्स वाले लोग कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, और कंजर्वेटिज्म मतलब आने वाले दिनों में कोई नुकसान नजर आ रहा है तो उसका आज ही शोक बना लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेज शुड बी रिकग्नाइज्ड बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। तो अकाउंट्स वाले तो क्या है, फ्यूचर का खर्चा भी दिखा देते हैं, और कभी भी फ्यूचर का खर्चा दिखाते इन लोग प्रोविजन करके बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसके सब सख्त नफरत है, क्योंकि प्रोविजन फ्यूचर का है तो फ्यूचर का खर्चा फ्यूचर में मिलेगा, अभी क्यों मिलेगा, तो नॉट अलाउड। अरे मतलब सिर्फ ग्रेचुटी बोला होता तो अलाउड है, लेकिन ग्रेचुटी के आगे प्रोविजन लिखा तो उसका मतलब ही क्या है, कि जो एम्प्लॉय फ्यूचर में रिटायर होंगे ना, उनको जो फ्यूचर में ग्रेचुटी देनी पड़ेगी ना, उसका अभी प्रोविजन किया है, बट वो अलाउ नहीं, क्योंकि फ्यूचर का है तो फ्यूचर में अलाउ होगा। कभी कभी इन लोग ऐसा बोलते हैं, एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन, एक्चुरीज लोग होते हैं ना, एक्चुरीज लोग वो ग्रेचुटी का एस्टिमेट करते हैं, कि जो स्टाफ फ्यूचर में रिटायर होगा उनको जो ग्रेचुटी देनी पड़ेगी उसका एस्टिमेट करके प्रोविजन करते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअरियल वैल्यूएशन, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। चाहे एक्चुरी हो धैक्चुरी हो कोई भी हो, जो चीज फ्यूचर की है अभी कैसे अलाउ करेंगे, तो नहीं चलबे, मतलब नहीं चलेगा, ये नॉट अलाउड। एक्चुअली सी ग्रेचुटी क्या, और भी कोई प्रोविजन वाला, जैसे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे दिया। प्रोविजन वर्ड का मतलब है वो फ्यूचर का चीज है, और फ्यूचर की चीज करंट ईयर में अलाउ नहीं हो सकती है। लेकिन ये सेक्शन कब कोट करोगे मालूम है, ग्रेचुटी प्रोविजन हुआ तो, या और कोई प्रोविजन हुआ तो कोई सेक्शन मत लिखना नॉट अलाउड। जैसे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी वंटिजेंसी दे दिया ना, बस नॉट अलाउड।
ये सेक्शन तो कब कोट करने का, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हुआ तो, ओके सिर्फ ग्रेचुटी दिया तो अलाउड है। अगला सेक्शन देखो क्या, 43B, 43B मैंने क्या बताया था, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पेड होंगे तो ही अलाउड है, और पेड भी कब, जिस साल का है उस साल ही भर, या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे करो तो ही अलाउड है। ऐसे कौन से खर्चे, देखो टीबी लेकर हम, टी फॉर टैक्सेस, टैक्सेस पेमेंट बेस पे, और टैक्सेस गवर्नमेंट का पैसा है ना, इससे गवर्नमेंट बोलती है हमारा पैसा पहले पे कर तो ही अलाउड होगा। फिर टैक्सेस के बाद क्या है, बोनस क्यों बोलते हैं, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, धोखा हो सकता, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एम्प्लॉय भी पेड होना चाहिए। फिर एल मैंने बताया नहीं था, मानो मैं अभी बता रहा, लीव सैलरी, एम्प्लॉय को जो लीव सैलरी देते ना वो भी पेमेंट बेस पे अलाउड है। फिर आई, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, NBFC, इनसे भी लोन लिया तो इंटरेस्ट पेड होना चाहिए। फिर टीबी लेकर हमें सी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला, कि एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो तो पगार में से काटा, अगले महीने की 15 को जमा होना चाहिए प्रोविडेंट फंड के नियमों के अनुसार, और वो तो तब तक पेड नहीं है तो फॉरएवर डिसअलाउ होता, बताया था ना। तो ये सी क्या था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका रूल है पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आर फॉर पेमेंट टू इंडियन रेलवेज, ये पहले नहीं बता था अभी बता रहा हूं, इंडियन रेलवेज को भी पैसा देना पड़ा ना, आउटस्टैंडिंग मत रखियो, क्योंकि रेलवेज गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट से पंगा लेने का नहीं, इट शुड बी पेड। और रेलवेज को क्या देना पड़ता, फ्रेट चार्जेस, बहुत और अपना गुड्स है ना रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्वेश्चन में कभी दे दिया ना, फ्रेट चार्जेस पेएबल टू इंडियन रेलवेज, इट इज आउटस्टैंडिंग, तो नॉट अलाउड, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना रेलवेज, तो ये पेड होना चाहिए। और ये सब में पेड का मतलब क्या है, जिस साल का है उस साल ही पे कर, या फिर नेक्स्ट ईयर अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन ड्यू डेट है ना, ध्यान देना, 31 जुलाई लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला ना, उस असेसर को ऑडिट वॉडिट करवाना पड़ता है, तो 31 अक्टूबर, और ऑडिट किसे करवाना पड़ता है, अगर तुम्हारी सेल्स 1 करोड़ के ऊपर है तो ऑडिट लगता है, और प्रोफेशनल्स लोग में 50 लाख के ऊपर ग्रॉस रिसीट से तो ऑडिट आता है, और ऑडिट जिनको आता है उनका ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर तक चेक करो पेड है कि नहीं, वरना 31 जुलाई। अब सुनो, टीबी लिक्रम में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, पहले ये फटाफट बताओ, टीबी लिक्रम में क्या क्या था, टी फॉर टैक्सेस, बी फॉर बोनस एंड कमीशन, एल फॉर लीव सैलरी, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम वो 5 लोग, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर वाला, फिर आर फॉर इंडियन रेलवेज को पेमेंट किया, ये सब पेड होना चाहिए। अब देखो नई चीज, पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज, कभी भी कोई माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करा, किसको, माइक्रो या स्मॉल, तो वो भी आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज मतलब बेचारे छोटे लोग है, और छोटे लोग को तू तड़पा रहा है, उनका पैसा तूने अटकाया ना, हाई लगेगी, हाई लगेगी नहीं लगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का पैसा आउटस्टैंडिंग मत रखना। मतलब सी, माइक्रो स्मॉल का मतलब क्या होता है ना, मैं माइक्रो मतलब जिसके धंधे की सेल्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई है, और स्मॉल का मतलब 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अप टू 5 करोड़, अप टू 50 करोड़ माइक्रो स्मॉल होता है, माइक्रो में अप टू 5 करोड़ और स्मॉल में 50 करोड़, इनको माइक्रो स्मॉल बोलते हैं। सी एक्चुअली माइक्रो स्मॉल का डेफिनेशन और डिटेल है, मैं थोड़ा 5 करोड़ 50 करोड़ रफली बोला हूँ, उसमें क्या है, सेल्स भी देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सब देखना पड़ता है, लेकिन वो जाना दोनों रफली ऐसा याद रखो, माइक्रो मतलब कौन, जो छोटा धंधा लेके बैठे जिनकी सेल्स 5 करोड़ क्रॉस नहीं हो रही है, और स्मॉल का मतलब जिनका 50 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 50 करोड़ के ऊपर है मतलब फिर वो स्मॉल नहीं है। और गवर्नमेंट ने धमकी किसके लिए दी है,
माइक्रो और स्मॉल से तेरा पाला पड़ा तो वो छोटे स्ट्रगलिंग लोग हैं उनका पैसा आउटस्टैंडिंग रखना मत, ओके। और सी एग्जाम में लो माइक्रो हुआ ना तो माइक्रो लिखेंगे, वो सेल्स वेल का जो मैंने अमाउंट बोला ना वो खाली जनरल नॉलेज के लिए बताया, एग्जाम में बोलेंगे कि हमने स्टेशनरी वाले को पेमेंट किया था, एडवर्टाइजर को पेमेंट किया था और वो माइक्रो एंटरप्राइज है। फिर बोलेंगे हमने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया था और वो स्मॉल एंटरप्राइज है, ऐसा लिखेंगे, चिंता मत करो। और एक बार ऐसा बोला ना किसी ट्रांसपोर्टर को दिया है कि एडवर्टाइजर को दिया है कि समझ लो स्टेशनरी वाले को दिया है कि अपने गुड्स के सप्लायर को दिया है, जिसको दिया है वो माइक्रो या स्मॉल है, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। और सी मैं नहीं हूं माइक्रो, असेसी तो माइक्रो मैक्रो कैसा भी है चलेगा, जिसको पे किया सामने वाले का स्टेटस देखना है, वो अगर माइक्रो या स्मॉल हुआ ना तो चाहे वो मेरा एडवर्टाइजर हो कि गुड्स का सप्लायर हो कि मेरा ट्रांसपोर्टर हो, उसका पैसा आउटस्टैंडिंग रखने का नहीं। और पता है इधर कैसा रूल है माइक्रो वाले में, ऐसा नहीं कि इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। माइक्रो वालों के लिए पता है क्या लिखा है, इट शुड बी पेड एज पर द ड्यू डेट ऑफ मसमेड़ा। मसमेड़ा नाम का एक्ट है, मसमेड़ा का फुल फॉर्म सुना है, ये देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ऐसा एक एक्ट है, क्या नाम से, माइक्रो स्मॉल मीडियम। सी एक्ट तो मीडियम लोग के लिए भी बना है लेकिन अपना सेक्शन मीडियम के लिए नहीं है। 43B ने खाली धमकी किसको लेके दिया है, माइक्रो और स्मॉल से तेरा पाला पड़े तो आउटस्टैंडिंग मत रखियो, मतलब मीडियम वालों को दिया तो आउटस्टैंडिंग चलता है, जबकि ये एक्ट तो सबके लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। और इसके अंदर है ना कुछ ड्यू डेट्स है, वो ड्यू डेट के हिसाब से दो। जैसे प्रोविडेंट फंड में कैसे बताया था याद कर, एम्प्लॉई की पगार से जो काटता है ना वो प्रोविडेंट फंड के नियमों के हिसाब से जमा होना चाहिए तो ही अलाउड, वरना कभी अलाउड नहीं होगा। वैसे माइक्रो वालों का भी है ना, माइक्रो वालों को जो एक्ट है ना उनके नियमों के हिसाब से पेड कर तो ही अलाउड, मतलब इधर ऐसा नहीं है अरे जब चाहे तब पे करना, ड्यू डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो पेड कर, इधर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का सिस्टम नहीं है। ये देखो ना मैंने तो क्लियरली लिखा ही है, खाली टीबी लिखकर में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न सिस्टम है, लेकिन ये एम के अंदर क्या है, पेमेंट बेसिस है, लेकिन इट शुड बी पेड एज पर द ड्यू डेट ऑफ मसमेड़ा। और पता है मसमेड़ा में ड्यू डेट क्या है, ध्यान से सुनना, लुक एग्जाम्पल से बताऊंगा तो समझेगा। मान लो मेरी कोचिंग क्लास है प्राइम विजन और मेरा एक स्टेशनरी वाला है, और मेरा जो स्टेशनरी वाला है ना उसकी दुकान है अंबिका एंटरप्राइज, और वो स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो है, छोटा सा स्टेशनरी की दुकान है ना। अबे ना गवर्नमेंट ने मेरे को क्या बोला है, देख तू अपने स्टेशनरी वाले को पैसा देगा ना तो टाइम पे पैसा दे, और टाइम पे मतलब कितने टाइम पे देना मैं, विद इन द अग्रीड टाइम। मतलब मैंने अपने स्टेशनरी वालों को बोला है तेरा बिल आ गया ना 30 दिन में मैं चुका दूंगा, तो 30 दिन का प्रॉमिस किया है तो 30 दिन में ही दे, और अगर 30 दिन में नहीं दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब फिर वो अभी अलाउ नहीं होगा, पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। मतलब लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है कि 30 दिन का वादा किया तो 30 दिन में दे, ओके। अगर मैंने उसको ऐसा बोला है ना कि अंबिका अंबिका एंटरप्राइज है मेरा स्टेशनरी वाला, मैं आपको 70 डेज में पैसा दूंगा, तो 70 डेज तो चलता ही नहीं है। मसमेड़ा में क्या बोला है, किसी का भी पैसा 45 डेज के अंदर तो चुकाना ही पड़ेगा। बोले नहीं हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तू कुछ भी अग्री कर ले 45 डेज के अंदर तो चुकाना ही पड़ेगा। यस, अगर आपने अग्री कुछ कम टाइम के लिए किया है तो कम टाइम में चुकाओ। सी थोड़ी देर तक है ना मसमेड़ा का लॉ समझो, ये अलाउड नॉट अलाउड का इधर इफेक्ट है ना बाद में समझेंगे, अलाउ करना है क्योंकि वो दो चीज मिक्स करो कन्फ्यूजन होगा। एक बार है ना मसमेड़ा क्या बोलना चाह रहा है बताओ, क्या बोल रहा है कि अगर तूने किसी एंटरप्राइज को प्रॉमिस किया है कि 10 दिन में दूंगा, 20 दिन में, 30 दिन में, तो उतने दिन में दे, लेकिन प्रॉमिस भी कैसे कर मैक्सिमम 45 डेज की। ये 45 डेज का रूल ही फिक्स्ड है,
तो टेल मी, अगर मैंने अपने स्टेशनरी वालों को बोला मैं 60 दिन में देता हूँ ना पैसा, और वो शायद चलाता भी होगा क्योंकि मेरा उससे अच्छा रिलेशन है ना, मैं 60 दिन बोला वो तो हाँ चलेगा ना सर, दे दो ना चलेगा। लेकिन मसबेड़ा को ठीक नहीं लगा, मसबेड़ा बोले 60 दिन के, हाँ जस्ट बिकॉज स्टेशनरी वाला तेरे से अच्छा रिश्ता रख रहा है, वो चला रहा है, लेकिन उसका मतलब तू तो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तेरे को समझना चाहिए शिरीष व्यास कि तेरा स्टेशनरी वाला बेचारा माइक्रो है, स्मॉल है, तू उसको 60 बोला उसने हाँ भी बोल दिया, लेकिन 60 ज्यादा है, मैक्सिमम 45 डेज पर उसको चुकता कर। ऐसी धमकी मुझे दी है किसने? मसबेड़ा ने। मसबेड़ा कौन? एक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006। और सी मैं तो क्या स्टेशनरी वाले बोलूंगा 70 डेज में दूंगा, 80 डेज में, मतलब एक्चुअली आई एम एक्सप्लॉइटिंग हिम। बट मसबेड़ा सेज किसी भी सूरत में 45 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। लगाया तो क्या होगा उसका मैं बाद में बताता हूं, लेकिन 45 डेज बाय हार्ट करो। ओके सी, लेकिन ये कब मालूम है? अगर मेरे और उसके बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो, जैसे मैंने उसको लिख के दिया है आई विल मेक योर पेमेंट इन 40 डेज तो 40 डेज, आई विल मेक योर पेमेंट इन 90 डेज तो 90 नहीं 45 डेज ही होना चाहिए, वो अग्री किया तो। लेकिन अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ रिटर्न अग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो बिल आएगा, अब बिल आएगा तभी मैं समझ के दे दूंगा, इस हमारे बीच ऐसा कुछ एग्री नहीं हुआ है तो 15 डेज में चुकाना पड़ेगा मुझे, 15 डेज में चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने आपस में कुछ नक्की नहीं किया। मतलब स्टेशनरी वाले ने तेरे को बिल भेज दिया और अब बिल कब चुकाओगे? नहीं हमारों का ऐसा कुछ नक्की नहीं हुआ, नक्की नहीं हुआ तो 15 दिन में चुका। अरे इन शॉर्ट दो कैसे? अगर मैं मेरे पार्टियों के साथ अग्री करता हूँ ना, क्या अग्री करता हूँ कि कितने दिन में चुकाऊंगा, बिल आने के बाद कितने दिन में चुकाऊंगा, तो अग्रीड अमाउंट का इंपॉर्टेंस आता है, अग्रीड पीरियड का, और वो भी मैक्सिमम 45 डेज ही होना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग आपस में कुछ अग्री नहीं करते हो, जैसे मेरे केस में तो एक्चुअली ऐसा ही है, मेरा जो स्टेशनरी वाला है ना अंबिका एंटरप्राइज, वो बिल भेजता, हम लोग कभी कुछ अग्री नहीं किए। तो अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो मुझे बिल आते ही मेरा ड्यूटी क्या है? 15 दिन में चुकाना पड़ेगा, ये मेरा ड्यूटी है, नहीं तो मसमेड़ा मेरे को मारेगा चमाट। वो एक्ट में ऐसा रूल दिया है। सो इफ यू हैव अग्रीड देन मेक द पेमेंट इन। हाँ रख दो ना, तो रूल क्या था? इफ यू हैव अग्रीड देन मेक द पेमेंट इन अग्रीड टाइम, बट योर अग्रीड टाइम शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज। यू कैन अग्री फॉर 30 डेज, 35 डेज, 25 डेज चलेगा, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 45। बट ये कब? अगर आपने आपस में कुछ अग्री किया है तो। लेकिन कई बार के अपने जो सप्लायर लोग होते हैं ना, उनके साथ अपना कुछ अग्रीमेंट नहीं होता है, बोलते हैं ना ऐसे कैजुअली है, तो फिर कैजुअल सिस्टम है तो बिल आते ही 15 दिन में चुकाना पड़ता है। और ऐसा नहीं करते ना तो अपने को मसमेड़ा पनिश करता है, और मसमेड़ा पनिश करेगा वो तो अलग एक्ट है, इनकम टैक्स में क्या होगा वो अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने। अभी तक मैं मसमेड़ा के नियम को तुमको बता रहा था ना, इनकम टैक्स में देखो क्या होगा। लुक यार, अब है ना ये एग्जांपल देखना, तुम लोग को याद क्या करना है, 45 डेज और 15 डेज, इफ यू अग्रीड इन, अग्रीड भी राइटिंग में होना चाहिए, इफ यू अग्रीड इन राइटिंग देन मैक्सिमम 45 डेज में चुकाओ, और तुमने कम पीरियड अग्री किया तो कम, मतलब विचर इज लेस हो गया ना एक तरह से, बट इफ यू आर नॉट अग्रीड एनीथिंग इन राइटिंग तो 15 डेज में चुकाओ। ओके अब है ना ये ट्राई करो, मान लो मेरा स्टेशनरी वाला है, स्क्रीन पर देखना, मैंने इस दिन को उसने मुझे बिल दे दिया, कौन सा बिल? स्टेशनरी का बिल। और हम लोग के बीच में ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बिल आने के बाद मैं कितने दिन में चुकाऊंगा, ऐसा कुछ अग्रीमेंट ही नहीं है ना, मैंने कभी बोला ना वो इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ना, मेरी ड्यूटी क्या बनता है कि वो बेचारा माइक्रो है और स्मॉल है, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, कितने टाइम में पे करना चाहिए बताओ ना, 15 डेज। तो ये देखो यहां से मैंने 15 डेज गिना, ये 15 डेज गिना और इधर ही आ गया, 15 डेज गिन के इधर आ रहा है,
तो मुझे इस डेट तक पे कर देना चाहिए। अरे 15 डेज लिखा है मैंने, और अगर मैंने इस पीरियड में नहीं पे किया और पे मैंने यहां पर किया तो मैंने लेट पेमेंट किया है, मसमेड़ा तो मेरे को चाटा मारेगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मार्च तक पेड हो गया ना। सी मार्च तक पेड हो गया तो लेट पेमेंट भी चल जाएगा। एक्चुअली 15 डेज के हिसाब से मैंने लेट पेमेंट किया है, बट वो 15 डेज अपने ईयर के अंदर ही खत्म हो गया है, और मार्च तक तो पे करोगे तो अलाउ करना पड़ेगा। तो सी अगर वो 15 डेज का पीरियड अपने ईयर के अंदर ही खत्म हो जाता है ना तो इंपॉर्टेंस नहीं आता है। इंपॉर्टेंस देखो अभी आएगा, ये ट्राई करना। पहले तो सी 15 दिन में चुकाना है, और साल तो 365 डेज का होता है, और अपने मई 24 एग्जाम में तो साल 366 डेज का है, लीप ईयर है ना, तो अपने 15 डेज से लेट भी पे करते हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क नहीं पड़ता है, मसमेड़ा वाला मेरे पे फर्क जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स में क्या है, 15 डेज के बाद चलो 20वें दिन को पे किया तो भी एज लॉन्ग एज पेमेंट मार्च तक हो गए ना तो वो खर्चा इस साल में अलाउ होके रहेगा। लेकिन वो कब मालूम है, वो अगर 15 डेज करंट ईयर में एक्सपायर हो गए तो। अब ये ट्राई करना, जब तक ये एग्जाम्पल नहीं आता तुम लोग समझ नहीं पाओगे। देखो लुक ईयर, मान लो मेरे स्टेशनरी वाले का बिल आया था 28 मार्च को, ईयर एंडिंग ट्रांजेक्शन में तकलीफ आने वाला है। 28 मार्च को मुझे स्टेशनरी वाले ने बिल दिया है कि सर जी मेरा ये बिल है पे कर देना, जब करना है करना, मीन्स हम लोग के बीच में ऐसा कोई अग्रीड नहीं है। तो टेल मी, अगर हमने कुछ ऐसा अग्री नहीं किया तो रूल क्या है, 15 डेज में मुझे चुकाना चाहिए। गिनो 15 डेज, चलो अभी गिनो, मजा आएगा। देखो 28 मार्च को बिल आया था तो कैसे गिनने का, वो दिन मत गिनना, 28 मार्च को मत गिन, हमेशा दिन की गिनती अगले दिन से चालू करो। तो गिनो अगले दिन से, 29 मार्च, 30 मार्च, फिर 31 मार्च, गिनना 31 मार्च, साल खत्म हो गया है, 15 दिन गिनना है मेरे को, फिर 12 दिन और पकड़ लो, 12 अप्रैल, मतलब मुझे 12 अप्रैल तक स्टेशनरी का बिल चुकाना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया मालूम है, 15 डेज गिना है, लेकिन ये 15 डेज में ना फाइनेंशियल ईयर बदल गया। अब दिमाग लड़ाओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ी देर खुद बुद्धि लड़ाओ, मींस बुद्धि ये लड़ानी है कि 15 डेज में पे कर दिया तो क्या, और 15 डेज के बाद पे किया तो क्या। 15 डेज क्यों बोल रहा हूं कब से मैं, क्योंकि मैंने स्टेशनरी वाले के साथ कुछ अग्री नहीं किया है, एंड इफ यू डोंट अग्री एनीथिंग तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज, रूल ही है। अब 15 डेज देखो मैंने गिना है, लेकिन गिन के अपना ईयर बदल गया ना, अरे ईयर बदलता हुआ लगा क्या नहीं, ओके अभी सोच के आंसर देना। अगर मैंने इस 15 डेज के अंदर पेमेंट किया तो इसको क्या बोलते हैं, लेट पेमेंट के टाइमली, टाइमली, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले क्या बोले, बैड बॉय के गुड बॉय, गुड बॉय बोलेगे ना, तो मुझे करंट ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगा। बिल करंट ईयर में आया था ना, बिल कब आया था, 28 मार्च, तो उस साल में हाथों हाथ डिडक्शन मिलेगा। मैं गुड बॉय बन के बताया, जब किसी पेमेंट मैंने अप्रैल महीने में की है, अप्रैल का महीना मतलब अगला साल है, लेकिन चलेगा ना, 15 दिन के डेडलाइन के अंदर पे कर दिया, देन यू आर अ डिसेंट पर्सन। तो तुझे तो 28 मार्च का बिल बना था ना, विच वॉज ऑफ 23-24 ईयर, तो 23-24 ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगा। ओके डेट से बताना, मैंने 4 अप्रैल को पेमेंट किया था, एक्चुअली 4 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में, बट इट इज अ टाइमली पेमेंट के डिलेड, इट्स टाइमली, तो इट विल बी अलाउड इन द करंट ईयर ओनली, करंट ईयर में अलाउ हो जाएगा, मीन्स अपने ये वाले ईयर में 23-24। ओके आंसर, 11 अप्रैल को पेमेंट किया तो भी टाइमली है, मुझे करंट ईयर में मिल जाएगा। 13 अप्रैल को पे किया तो 13th अप्रैल को पे किया तो टाइमली पेमेंट है कि लेट, लेट पेमेंट है तो तुझे करंट ईयर में नहीं मिलेगा, फिर तुझे जब पे करेगा तब मिला, और पे कब किया,
13th अप्रैल, वो एक नया फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में माइनस करने मिलेगा। अरे वो अलग ईयर है, मतलब करंट ईयर के स्टेटमेंट में डिसअलाउड, अपने एग्जाम में करंट ईयर मतलब 23-24 तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 13th अप्रैल को पे किया मतलब वो टाइमली पेमेंट के डिलेड, और डिले करोगे ना तो फिर तो जब भरो तब माइनस करो, और भरने वाला तो अप्रैल अगले साल का हो गया ना, तो अगले साल डिडक्शन मिलेगा, और वो भी तूने और लेट किया उसके भी अगले साल, तो जब भरोगे तब मिलेगा। तुझे हाथों डिडक्शन चाहिए टाइमली पेमेंट का। सी ये रूल का इंपॉर्टेंस ही कब आएगा ना, मैं जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो, क्योंकि सी मसबेड़ा तो क्या एक्सपेक्ट करता, 15 दिन में चुका, 15 दिन, और 15 दिन तो इतना छोटा सा टाइम है, उसमें अगर फाइनेंशियल ईयर बदल नहीं रहा है तो तकलीफ ही नहीं आएगी ना। जैसे मैंने पहले, अभी देखो पहले का एग्जाम्पल अभी पल्ले पड़ेगा, मेरे पहले एग्जाम्पल में क्या था, बिल ये दिन को आया था और उसका 15 दिन सेम ईयर में एक्सपायर हो गया, और तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि 15 दिन के अंदर पे करूं के बाद पे करूं, वो सेम ईयर ही है ना। हाँ बड़ो सेम ईयर है तो, अगर नेक्स्ट ईयर चला गया तो नेक्स्ट ईयर, बट सी 15 दिन की पेमेंट को कोई कितना खींचेगा यार, 15 का 20-25-30 दिन करेगा, एज लॉन्ग एज पेमेंट करंट ईयर में हो गई ना तभी प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट सी एग्जाम में मैं लिख के देता हूँ, इन लोग सम कैसा बनाएंगे, बिल साल के एंड में आया था, जान पूछ के साल के एंड में बनाएंगे, ताकि उसका 15 डेज गिनोगे ना तो अपना फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो जाएगा, एंड फिर बाद में डिसाइड करके ये वाले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा कि नेक्स्ट वाले। तो कैसे डिसाइड करोगे, टाइमली पेमेंट है तो ये वाले में, लेट पेमेंट है तो नेक्स्ट वाले में। बस ये एग्जाम्पल बेस्ट है याद करने के लिए। हाँ एट द मोस्ट इन लोग क्या करेंगे, इन लोग बोलेंगे स्टेशनरी वाले का बिल आया था और हमने अग्री किया था कि उसको 75 डेज में पे करेंगे, तो 75 डेज इग्नोर करके 45 डेज से गिनना, जैसे मैंने अभी तुम लोग से 15 दिन गिनवाया ना इधर, तो फिर 45 डेज गिन लेना। जैसे इधर ही ले लो, ये 28 मार्च को बिल आया था और हमने अग्री किया था कि मैं 70 डेज में पेमेंट करूंगा, तो 70 डेज अग्री करते हैं तो गलत मानती है ना कानून, मैक्सिमम 45 डेज होना चाहिए। सी अग्रीड वाले केस में क्या 45 और कम, विच एवर इज लेस, तो 45 डेज तो मैं कैसे गिनूंगा, 28 मार्च से मुझे 45 डेज तक गिनना है, एंड फिर उतने टाइम में पे कर दिया तो करंट ईयर में अलाउड, और लेट पेमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर में अलाउड। लेकिन इंपॉर्टेंस ही कब आएगा, जब दो फाइनेंशियल ईयर आएंगे, मतलब बिल होगा इस साल का और उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर तक जाएगी। तो ये थोड़ा विचित्र नियम था और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये नवंबर 23 के एग्जाम में नहीं था ना, पहले तो मेरा कीवर्ड खाली टीबी लिखकर था, अभी एम भी आ गए। एम है क्या, पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, और सी ये है ना, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी का एग्जाम्पल है, ऐसा भी दे सकते हैं पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बिल, एंड फिर बोलेंगे द एडवर्टाइजर इज अ माइक्रो एंटरप्राइज, तो उधर भी रूल लेके चालू हो जाना। अरे खर्चा कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसको पैसे दिए वो माइक्रो है या स्मॉल है, और वो क्वेश्चन में मेंशनड होगा। ओके तो ये 43B खत्म हो गया। फिर लुक हियर, अभी इनकम की थियरी चालू हो रही है, चार पार्ट में टॉपिक था ना, पार्ट वन डिडक्शंस थे, फिर पार्ट टू क्या था, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसिव डिसअलाउड, वो अभी खत्म हुआ। अभी इनकम की थियरी में ना सेक्शन 28-41 ये फटक से खत्म हो जाए। ये देखो इनकम में ना 9 ऐसी इनकम है जो सेक्शन 28 के अंदर बोला है कि ऊपर ऐड करो। अरे मतलब अभी अपने को क्या पढ़ना है कि अपने स्टेटमेंट में ऊपर क्या क्या ऐड होगा, तो उसमें देखो क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड होगा, वो तो पता ही है ना, ये स्टेटमेंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जीपी आता ही है ना, जीपी, फिर फीस। सी जीपी तो गुड्स बेचने वालों के लिए होता है, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे फीस होती है, तो लॉ वही तो बोला गुड्स बेचने वालों जीपी लिख दो ऊपर, सर्विस देने वालों फीस लिख दो, और अगर कस्टमर से गिफ्ट मिल जावे तो गिफ्ट भी लिख दो, बट वो कस्टमर से मिलेगा तो दोस्ती यारी रिश्तेदारी में मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन कस्टमर से मिला तो इधर आएगा,
और सी कस्टमर परक्यूसिट भी देता है बहुत बार। परक्यूसिट हम लोग सैलरी में देखते हैं, लेकिन सी परक्यूसिट का ठेका खाली सैलरी के चैप्टर में नहीं लिया है। सैलरी में एक एम्प्लॉय को परक्यूसिट मिला था, बिजनेस में एक बिजनेसमैन को भी परक्यूसिट मिलता है। जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कस्टमर लोग पैसा देते और कभी कभी खुशी से एक्स्ट्रा दे देते, और परक्यूसिट का मतलब ही क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा मिला। जैसे मेरी बच्चों को पढ़ाने की फीस है और फीस के अलावा मुझे बच्चा कुछ एक्स्ट्रा दे के जावे ना, इट इज़ अ परक्यूसिट। परक्यूसिट का मतलब क्या है, समथिंग एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव माई नॉर्मल चार्जेस। तो कस्टमर से जो मेरे नॉर्मल चार्जेस है उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा मिला ना, तो इट इज़ अ परक्यूसिट। और वो भी कस्टमर से मिला ना, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालो। एक्चुअली सी परक्यूसिट वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है ना, कानून में ऐसा लिखा है, गिफ्ट्स बेनिफिट्स एंड परक्यूसिट्स फ्रॉम कस्टमर अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और लिटरली कस्टमर नहीं, इट कैन बी सप्लायर ऑल्सो। मतलब बिजनेस का जिनसे अपना रिश्ता होता है ना, उनसे कभी गिफ्ट मिल जावे, परक्यूसिट मिल जावे, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालो। फिर कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट, मतलब सब्सिडी हो गया। सब्सिडी होता है ना, जैसे सब्सिडी है ना एसेट के लिए मिला ना, तो एसेट की कॉस्ट में से कम कर दो, फिर उस पर डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन हमेशा सब्सिडी एसेट के लिए नहीं होता है, बहुत बार जनरल सब्सिडी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सब्सिडी मिला है कि तुम्हारा जो भी बिजली का बिल आएगा उसमें से आधा पैसा गवर्नमेंट देगी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, बिजली का बिल हम लोग इधर खर्चे की तरह माइनस करते और आधा पैसा गवर्नमेंट देगी तो इनकम में ऐड कर दो। ऐसा होता है, पावर सब्सिडी बोलते हैं कि बिजली का बिल मैं भरूंगा तो इधर खर्चा दिखाऊंगा ना, लेकिन उसमें आधा पैसा मुझे गवर्नमेंट देती है तो वो इनकम में जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट। कैश क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे कैश दिया, और सपोर्ट मतलब सपोर्ट हो गया ना, मतलब सिंपल लैंग्वेज सब्सिडी है। फिर बट ये सब्सिडी केयरफुल रहना, एसेट वाली सब्सिडी हुई ना तो इधर मत डालना, वो एसेट की कॉस्ट में दे, और कोई सब्सिडी है तो ऊपर इनकम में डाल दो। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है कि हम लोग ने कुछ ड्यूटी भरा था इम्पोर्ट्स पे, कस्टम ड्यूटी भरते ना इम्पोर्ट्स पे, लेकिन बाद में वो रॉ मटेरियल जो मैंने इम्पोर्ट किए थे ना उससे गुड्स बना के मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो कभी भी रॉ मटेरियल पे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी भरा है, फिर वो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करके जो गुड्स बनता है फिनिश गुड्स उसको एक्सपोर्ट कर दोगे ना तो गवर्नमेंट खुश हो जाती है, वाह तूने एक्सपोर्ट किया तो जा तूने जो ड्यूटी भरी थी वापस ले जा। ड्रॉबैक का मतलब क्या, ड्यूटी भरा था, ड्रॉबैक मतलब वापस ले जा, रिफंड आ रहा है, लेकिन किस खुशी में, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया है। सी ड्यूटी यूजुअली लगती कब, मतलब इम्पोर्ट्स पे लगती है, कस्टम ड्यूटी होता है, लेकिन मैंने रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया था ना तो उस वक्त तो कस्टम ड्यूटी भर दिया, लेकिन वो रॉ था, रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बना के फिर एक्सपोर्ट कर दिए, तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना तो मैंने इम्पोर्ट्स पे जो ड्यूटी भरी थी मुझे वापस मिलती है। सी बेस्ट ऐसे याद रखो ना, ड्यूटी भरते तो माइनस भी तो होता है ना, और अगर ड्रॉबैक हुआ तो ऊपर ऐड भी हो जाएगा, तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, ये सब क्या है मालूम है, ये सब सम में दिखेगा ना तो ऊपर इनकम में ऐड करना है बस। सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, पता है इम्पोर्ट लाइसेंस है ना 18 महीने का होता है, इट इज अ शॉर्ट लाइसेंस, हर 18 महीने में इम्पोर्ट लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है, तो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जैसे मान लो मैंने इम्पोर्ट लाइसेंस लिया था, उसका खर्चा हुआ, तो उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह माइनस कर दूंगा। क्यों रेवेन्यू, क्योंकि इम्पोर्ट लाइसेंस हर 18 महीने में रिन्यू होता है, और जो बार बार रिन्यू करना पड़ता है इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, तो वो रेवेन्यू की तरह अलाउड है। लेकिन सी मैंने क्या, 18 महीने का लाइसेंस होता है ना, और मुझे ना खाली एक ही बार इम्पोर्ट करना था कुछ, अब मुझे लाइसेंस ही नहीं चाहिए, तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, तो लाइसेंस बेच के पैसा मिला ना तो वो इनकम में ऐड होता है। सी लाइसेंस जब बनवाते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह माइनस होता है, और लाइसेंस को बेच के रोकड़ी हो गया तो उसको इनकम में ऐड कर दो। इन शॉर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस को है ना एक रेवेन्यू आइटम ट्रीट करो, बिकॉज इट हैज टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 18 months। सो वेन यू स्पेंड ऑन इम्पोर्ट लाइसेंस इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड वेन यू बेचो इम्पोर्ट लाइसेंस इट इज अ रेवेन्यू इनकम, उसको स्टेटमेंट में ऊपर ऐड करना है। तो ये तीन चीज सब में दिखेगी ना तो समझ जाना हाँ ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है।
चार पॉइंट हो गए टोटल, एक दो तीन चार, चौथे के अंदर तीन तीन चीज थी या? ओके, फिर देखो पांचवा पॉइंट इज अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। आज है ना, एक पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में क्या क्या लेन देन होती है। हर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, फिर पार्टनर अगर एक्टिव है तो सैलरी मिलेगा, और उसने पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, तो सी इसका रूल क्या है बताओ। पहले मान लो पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म का स्टेटमेंट अलग बनता है। ये देखो, देखो स्क्रीन पर देखो, पार्टनर का अलग स्टेटमेंट बनता है और पार्टनरशिप फॉर्म का अलग स्टेटमेंट बनता है, क्योंकि कानून की नजरों में फॉर्म और उसके पार्टनर दो सेपरेट एंटिटी है। अब है ना, फॉर्म के एंगल से सोचू ना तो सैलरी इंटरेस्ट खर्चा है, फॉर्म के लिए खर्चा है तो फॉर्म माइनस करेगी, लेकिन पार्टनर के नजर से देखू तो वो इनकम है तो पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सैलरी और इंटरेस्ट। तो रूल क्या था, सैलरी और इंटरेस्ट फॉर्म के लिए एक्सपेंस है तो फॉर्म उसको माइनस करेगी, लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर उसको ऐड करेगा, और वो ऐड करेगा सेक्शन 28 में लिखा है। 28 पढ़ा रहा हूं मैं, तो 28 में क्या बोला है, पार्टनर को जो सैलरी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड करने का। भले वो सैलरी मिल रहा है लेकिन वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं ऐड होता है, क्यों, पार्टनर फॉर्म में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, पार्टनर इज द ओनर, और एज ओनर उसको सैलरी मिला है तो वो अपने बिजनेस के इनकम में जुड़ेगा। तो ये देखो, ये सीन देखना ना, एक सेकंड, एक और चीज देख लो पहले, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे ना पार्टनरशिप फॉर्म को टैक्स भरना पड़ता है, और फॉर्म टैक्स बढ़ती है तो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट है। हर नेट प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फॉर्म को सेपरेटली टैक्स भरना पड़ता है, और फॉर्म को 30% टैक्स आता है ना, और फॉर्म टैक्स बढ़ दी तो पार्टनर के लिए शेयर एग्जेम्प्ट है। उसका सेक्शन भी है 10(2)(a)। ये देखो, देख के पढ़ोगे अच्छा लगेगा, देखो अच्छा फील आएगा देखने में। देखो पहले इसका इफेक्ट देखो, सैलरी और इंटरेस्ट फॉर्म माइनस करती है, क्यों, क्योंकि फॉर्म के लिए खर्चा है, और वो माइनस करने की लिमिट है कुछ, वो लिमिट दी है 40(b) में लिमिट दिया है, वो लिमिट तक माइनस करने मिलेगा किसको, फॉर्म को, और वही चीज पार्टनर के स्टेटमेंट में ऐड होगा अंडर सेक्शन 28, और वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। कितने बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ये सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दो, अरे ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाली सैलरी नहीं है, वो तो नौकरी वाली सैलरी होती है, और पार्टनर लोग फॉर्म में नौकर थोड़ी है, वो लोग तो खुद मालिक है, दे आर पार्ट ओनर्स। फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर फॉर्म को 30% टैक्स भरना पड़ता है, तो पार्टनर अपने शेयर को क्या करेगा, डैश करेगा। देखो डैश लिखा है, डैश क्योंकि एग्जाम अंडर सेक्शन 10(2)(a), ये सीन ही छाप लो ना दिमाग में, बेस्ट ऐसे है। सैलरी इंटरेस्ट फॉर्म माइनस करती है अप टू अ लिमिट, जो 40(b) में दिए वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, अप टू अ लिमिट, और पार्टनर अपनी इनकम में दिखाएगा उतना ही जो फॉर्म लेस करती है। फॉर्म अगर एक लिमिट तक लेस करती है तो पार्टनर भी एक लिमिट तक ही ऐड करता है, और पार्टनर को ऐड करना है वो सेक्शन 28 में लिखा है, और प्रॉफिट के ऊपर तो फॉर्म ही टैक्स भर देती है, तो पार्टनर के स्टेटमेंट में एंट्री तो पास करेंगे लेकिन डैश हो जाएगा, एग्जाम अंडर सेक्शन 10(2)(a)। 9 पॉइंट है, उसमें से अपने कितने पॉइंट हुए, 5, ये पांचवा था। छठा पॉइंट देखो, नॉन कम्पीट फीस। जैसे मुझे कोई कॉम्पिटिटर बोले तू डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट मत बढ़ा, तेरे को 5 लाख रुपया दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, मतलब मुझे कोई बोल रहा तू कॉम्पीट मत कर, तेरे को फीस दूंगा, तो फीस मेरे लिए बिजनेस इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स पढ़ा के भी तो मुझे बिजनेस इनकम मिलने वाली है ना। और कोई कॉम्पिटिटर बोल रहा तू मत पढ़ा, पैसा रख ले, तो नॉन कम्पीट फीस भी बिजनेस इनकम होती है, और जिसको लिए मिला है उसके लिए इनकम है, लेकिन जो पे कर रहा है ना उसके लिए खर्चा है अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). जिसको मिल रहा है वो इनकम में दिखाएगा अंडर सेक्शन 28, और जो पे कर रहा है उसके लिए खर्चा है अंडर 37(1). तो ये नॉन कम्पीट फीस है।
सी ये सबसे खाली अपने को फेमिलियर रहना है, ये लोग कभी समय दिखे ना और ये तो बिजनेस का इनकम है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने को। फिर अगला पॉइंट देखो, कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस मैंने क्या बताया था, आज रिलायंस वालों को डर क्या है कि अगर मुकेश अंबानी मर गया ना तो उसके बीवी बच्चे रोंगे, वो दुख नहीं है, रिलायंस के धंधे का क्या होगा, इसे रिलायंस वालों ने कीमैन इंश्योरेंस निकाला है। ये देखो इसमें ट्रांजेक्शन कैसा होगा, देखो ना, पहले रिलायंस वालों को अंबानी के जीते जी प्रीमियम देना पड़ेगा, ये देखो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और प्रीमियम पेड रिलायंस के लिए खर्चा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1). क्यों मिलेगा डिडक्शन, क्योंकि ये खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है। रिलायंस ने ना अंबानी मरेगा तो उसकी बीवी रोएगी उसके लिए नहीं निकाला है, धंधे का क्या होगा वो चिंता में निकाला है। तो बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट बिजनेस, इट्स अ खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस, एंड खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस अलाउड है ही। मैं कौन सा खर्चा बोल, जो प्रीमियम पे कर रहे और बाद में अंबानी जब ही मर गया ना तो रिलायंस को जो पैसा मिलेगा ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। तो मतलब कीमैन की जो भी आवक जावक होती है ना, कीमैन में चाहे पैसे जाए कि आए वो बिजनेस इनकम है। जो कीमैन निकालते ही क्यों है, ये डर में कि अपना अंबानी मर गया तो धंधे का क्या होगा, धंधे की सुरक्षा के लिए होता है। तो उसका प्रीमियम बिजनेस में खर्चा दिखा सकते हैं और उसमें जब पैसा आता है वो बिजनेस में इनकम अंडर सेक्शन 28। तुम लोग बोलोगे सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो कब आता है, जब अंबानी मरा नहीं जिंदा है और LIC से मैच्योरिटी पे पैसा मिला और रिलायंस वाले ने अंबानी को पकड़ा दिया, फिर अंबानी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लेकिन वो तो क्या है, अगर अंबानी जीवित रहे, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी पे भी एक बार तो रिलायंस को ही पैसा मिलेगा, फिर अगर बाई चांस रिलायंस ने वो पैसा अंबानी को शिफ्ट कर दिया ना, तब जाके अंबानी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ओके, बट यूजुअली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेट करना पड़ता है। फिर आठवां पॉइंट है ना 35AD वाला है। अरे 35AD था ना, 35AD वाले जब एसेट बेचते तो फुल सेल प्राइस ऊपर डालना पड़ता है। 35AD का बताया था, जब एसेट खरीदते तो फुल कॉस्ट माइनस, बेचते तो फुल सेल प्राइस ऐड होता है अंडर सेक्शन 28। ये पॉइंट आया हुआ है। लास्ट पॉइंट देखो, एनी अदर इनकम इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस में डाल दो। सी गवर्नमेंट ने तो क्या एक चंद पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है, बाद में लास्ट में गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी इनकम हो, कोई भी मतलब कोई भी, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है ना तो चुपचाप उसको ऊपर ऐड कर देने का अंडर सेक्शन 28, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मान लो बहुत बार हम लोग डेटर्स लोग से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, डेटर लोग ने कस्टमर को उधार पे माल बेचा तो पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, फिर हमने गुस्से में बोला तू टाइम पे पैसा नहीं देता इंटरेस्ट दे, तो वो इंटरेस्ट भी बिजनेस इनकम है। सी कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी इनकम बिजनेस से रिलेटेड है ना तो ये मत बोलना सर अपनी लिस्ट में तो नहीं था। अरे अपनी लिस्ट में नहीं था, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, एनी इनकम अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दो। लेकिन सी ये तो सेक्शन 28 था ना, इसमें तो 9 पॉइंट है ना, एक और सेक्शन है 41, उसमें दो ही पॉइंट है, एक तो आता भी है तुमको। ये देखो 41 में एक 41(4) था बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी का रूल क्या था कि अगर तुमने बैड डेट्स माइनस किया था तो रिकवरी ऐड भी होगा, लेकिन बैड डेट्स माइनस ही नहीं किया था रिकवरी ऐड भी नहीं होगा। यही रूल है ना, हर खर्चे के लिए अप्लाई कर दो तो 41(1) हो जाएगा। कौन सा रूल, कि अगर आपने माइनस किया था तो रिकवरी ऐड होगी, लेकिन माइनस ही नहीं किया था तो रिकवरी ऐड नहीं होगी। ये जो रूल बैड डेट को लेके बना था ना, ये रूल सब में लगा दो, लेकिन बाकी सब के लिए सेक्शन 41(1) होता है। ये देखो जनरल रिकवरी लिखा है, जनरल मतलब एनीथिंग अदर देन बैड डेट। सी बैड डेट तो एक स्पेसिफिक चीज है, उसका स्पेसिफिक सेक्शन है 41(4), लेकिन बैड डेट के अलावा और कोई चीज की रिकवरी हुई, जैसे GST रिफंड आ गया, रिकवरी मतलब समझता है कि नहीं, अपना गया हुआ पैसा वापस आ गया, तो GST रिफंड भी तो रिकवरी है, रिफंड आ गया। लेकिन इज इट बैड डेट कि कुछ और है, कुछ और है तो कुछ और हुआ तो 41(1). तो टेल मी GST रिफंड का रूल क्या है,
जीएसटी आपने माइनस किया था तो रिफंड ऐड भी होगा। इनकम टैक्स रिफंड हुआ तो इनकम टैक्स तो माइनस ही नहीं करने मिलता। अरे मैंने पढ़ाया था इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स 40 छोटा ए में डिसअलाउड है, तो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स माइनस ही नहीं करने मिलता तो रिफंड ऐड भी नहीं होगा। और ये रिफंड है ना हर दूसरे सम में दिखता है, कभी जीएसटी रिफंड, कभी कस्टम ड्यूटी रिफंड, कभी इनकम टैक्स रिफंड, कभी वेल्थ टैक्स रिफंड। करोगे क्या बताओ? इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स को देख के बोला अरे ये तो माइनस ही नहीं करने मिलता तो रिफंड ऐड भी नहीं होगा, लेकिन जीएसटी रिफंड दिखा दो, हाँ जीएसटी तो माइनस होता है ना तो रिफंड ऐड भी होगा। अरे यही तो रूल बैड डेट के लिए बनाया था, और उसी रूल को अगर जनरलाइज कर दोगे तो 41(1) हो जाएगा। ओके क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एडवर्टाइजर को पैसा दिया था और रिफंड आ गया। अरे पुराने जमाने में कुछ एडवर्टाइजमेंट की थी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हुए थे और वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया हुआ रिफंड आ गया। क्यों रिफंड आया होगा? क्योंकि एडवर्टाइजर ने ढंग से काम नहीं किया, मैं गुस्सा हो गया उससे तो उसने मेरा पैसा रिफंड कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा? एडवर्टाइजमेंट को हमने माइनस किया था तो रिफंड हो गया तो ऐड कर दो। अरे ऐसे कुछ भी हो सकता है, कभी भी अपना गया हुआ पैसा यू टर्न मार के वापस आ गया ना तो उसको इनकम में ऐड करो, प्रोवाइडेड वो लेस हुआ था। मीन्स जब पैसा गया था तभी माइनस ही नहीं हुआ था, है ना, तो रिफंड आया तो ऐड भी नहीं होता है। वो माइनस हुआ था जाते टाइम तो रिफंड हुआ तो ऐड भी होगा। एक्चुअली पता है इसको डीम्ड इनकम क्यों बोलते हैं? अपने ही गए हुए पैसे अपने को मिलते हैं उसमें काहे की इनकम। जैसे एडवर्टाइजर को पैसा मैंने दिया था वो रिफंड दे रहा है तो मेरा ही तो मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको इनकम में क्यों दिखा दे? क्योंकि तूने एडवर्टाइजमेंट के नाम पे पहले माइनस कर लिया था तो भी पैसे रिफंड आ गए तो उसको वापस पलटी भी तो मारेगा ना। फिर जीएसटी रिफंड एक्चुअली इनकम नहीं है, मेरा ही पैसा मेरे को मिल रहा है लेकिन जीएसटी तो माइनस किया था ना तो रिफंड आया तो ऐड भी तो करेगा ना। ओके तो ये दो सेक्शन है, दोनों का नाम क्या है? रिकवरी रिकवरी। और ये डीम्ड इनकम होता है क्योंकि हमारे ही पैसे हमें मिल रहे, लेकिन हमारा पैसा गया था तो माइनस किया था ना तो रिफंड हुआ तो ऐड भी कर दो। इसका बेस्ट एग्जांपल तो टैक्स का ही है, जितने भी सम देखोगे ना टैक्स का रिफंड आता है, लेकिन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स रिफंड हुआ तो माइनस ही नहीं होता तो ऐड भी नहीं है। बाकी कोई रिफंड हुआ तो माइनस भी हुआ था ना तो ऐड भी होगा, 41 हो गया। तो ये देखो अपनी इस चैप्टर में स्टेटस देखो क्या है, ये देखो अपना ये पार्ट वन खत्म हुआ था सेक्शन 32-37, फिर ये एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड हुआ है, इसमें एक सेक्शन 40 छोटा भी है वो मैंने छेड़ा नहीं है, वो देखते हैं बाद में कैसे करना है। ओके लेकिन अपना ये और ये हो चुका है, फिर इसके बाद ये भी खत्म हो गया सेक्शन 28 और 41। अभी वही तो करा है, 28 में अपने को 9 पॉइंट याद रखने और 41 में 2 पॉइंट, बैड डेट रिकवरी जनरल रिकवरी। फिर अपना खाली ये बचता है अभी क्या, 44 वाले सेक्शंस। ओके 44 वाले सेक्शन बच गए, नहीं तो अपना खत्म हो गया था। तो बस ये 44 वाला सेक्शन हो जाएगा ना, फिर तुमको इनकम फ्रॉम बिजनेस का कंप्यूटेशन कैसे करना चाहिए वो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैं खाली थियरी बोल के खत्म नहीं कर सकता, इसका कंप्यूटेशन करना भी तुमको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटेशन का ही आता है। तो कंप्यूटेशन खाली थियरी से क्या होता है, सम सॉल्व करने आना चाहिए ना, तो एक सम सॉल्व करना सिखाऊंगा, पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन सॉल्व किया हुआ सम तुमको बताऊंगा सम कैसे सॉल्व करते हैं, सो डेट फर्स्ट क्वेश्चन में यू आर कॉन्फिडेंट। ओके और जो भी अभी एक लेक्चर और जाएगा, मैं सोचा था तो आज खत्म हो जावे लेकिन ठीक है नेक्स्ट लेक्चर जाएगा तो इसको नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसको। ओके फिर नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो गया कोई दूसरा पक्का चालू ही हो जाएगा। बाय रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, इतना तुम लोग प्लीज बाय हेड कर लो, पूरा मुंह पे रट लो, जो भी पढ़ा है सब मुंह पे बाय हेड होना चाहिए, एक एक चीज़।